हाँ जी गुड इवनिंग एवरी तो सभी को एक बार सबसे पहले गुड इवनिंग फटाफट सभी हमारे साथ जुड़ जाइए आई होप सभी को आवाज़ आ रही होगी प्लीज़ गिव योर रिस्पॉन्स वेदर एम एडी बट आवाज़ प्रॉपर आ रही है प्लीज़ एक बार बता दें ताकि मुझे ये इंश्योर हो जाए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस लेक्चर वी कैन स्टार्ट दिस लेक्चर करो अपना okay, so तो क्लियर क्यों नहीं दे रहा है वो में जाकर अपनी क्वालिटी बढ़ा लें उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लें एक सौ चौवालीस या दो सौ अस्सी से बढ़ाकर इसको सात सौ चालीस सात सौ बीस या चार सौ अस्सी के करीब करें या एक हजार जो हाइएस्ट इसका रेजोल्यूशन है वो करें तब बोर्ड आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा बड़ी खुशी सी हो रही है आज क्योंकि बहुत दिनों के बाद लाइव ऐसे लेक्चर लेने की एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल पाई अदरवाइज लेक्चर लाइव पिछले साल लिया था उसके बाद आज uh, मतलब आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम शेयरिंग माई ऑल द नॉलेज विद ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ अबाउट आफ्टर वन ईयर दैट आई एम टेकिंग द लाइव लेक्चर तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारा ये सेशन देख देख रहे हैं आगे फ्यूचर में देखेंगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के इंडिया में अगर जो स्टूडेंट्स आपको किसी भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट है तो उसमें ये सारे टॉपिक्स तो आपको होंगे हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, हो सकता है इससे ज्यादा हो लेकिन ये सारे तो होंगे होंगे तो आप आगे लेक्चर देखें उससे पहले आप देख लीजिए कौन से कंटेंट हमने आज के इस लेक्चर में कवर करने हैं ताकि अगर आपके सिलेबस में ये नहीं है तो आप इसको छोड़ दें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें आपका टाइम जो वेस्ट ना हो और मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिसको जूड स्टूडेंस सब्जेक्ट है एवरी वन वुड मस्ट हैव दिज ऑल दिज कंटेंट इन दियर सिलेबस फर्स्ट इज मीनिंग डेफिनेशन स्कोप नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडियस स्टूडेंट्स दैन स्कूल्स ऑफ जुड स्टूडेंट्स एंड स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल रियलिस्टिक स्कूल नेचुरल लॉ स्कूल एंड इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ दैट इज मार्क्सिज्म ये सारे टॉपिक हम आज के इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे अगर आप एचपी के स्टूडेंट हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर में तो ये सारे आपके दो या तीन यूनिट में कवर हो जाएंगे लेकिन उसके बाद आपको और भी सिलेबस है तो अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं कि आपको बाकी भी पता चले आप ही नहीं बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स के पार्ट्स हैं जिसमें सोर्सेज ऑफ लो सोर्सेज ऑफ जो लो है पोजेशन ओनरशिप राइट्स ड्यूटीज और बहुत से टॉपिक जो बाकी हैं लाइबिलिटी देन ऑब्लिगेशन देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये सारी जो भी टॉपिक्स हैं अगर इसके अलावा बाकी जो हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं थानवे सौ चौंसठ पर, वो 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 सारा सारा जो सेशन सेशन है है हमारे पेड़ सेशन में अवेलेबल आपको मिल जाएगा अगर चाहिए लेकिन ये सारा आपके लिए यहां पे आज बिल्कुल फ्री अच्छा तो और साथ ही के साथ, साथ अभी, अभी शेयर कर दें तो एक बार देख लू मैं कितने बच्चे लाइव हैं फिर इसे कंटिन्यू करते हैं भो भो क्लियर नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना अपना रिज़ोल्यूशन सभी के सभी बढ़ा लीजिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा ओके okay. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाहता था अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले जो के मीनिंग से हम शुरू करते हैं तो और जो बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं बच्चों नोट्स हमारे पेड रहते हैं अगर आपको नोट्स की सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज हमें कर सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे बोड़े बच्चे बोड़े खाली ये ये मार्क्स आ जाएंगे क्या नोट्स कहां से लें बात क्लियर मेरे देखो बहुत से बच्चे बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं मैं आगे बढ़ूं मैं मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आपको भी मतलब स्टडी में दिक्कत आए और मुझे भी डिस्टर्बेंस बार बार हो तो मैं आपको यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर देता हूँ दो तीन बातें लेक्चर शुरू करने से पहले फिर मैं फटाफट पढ़ाऊंगा और बिना मतलब की बातें हम कोई नहीं करेंगे तो सबसे पहले ये बात है कि आपको जो है वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नाइन ये व्हाट्सअप नंबर है अभी मत मैसेज करना अभी पांच घंटे बाद ही मैसेज करना जब ये लेक्चर ओवर होगा बीच में मैसेज मत करना रिक्वेस्ट है आपसे आप, आप यहाँ पे मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं अगर आपको अभी ही नोट्स चाहिए अभी अभी ही नोट्स चाहिए तो आप फिर इस नंबर मैसेज करिए अठानवे एक सौ छियासठ चौंती दो सौ छिहत्तर इस पर आप मैसेज करके अभी भी नोट्स ले सकते हैं पर इस पर मैसेज करेंगे तो अभी मिलेंगे इस पर अभी मेरे पास फ़ोन है तो अभी नहीं मिल पाएंगे आपको अठानवे सौ चौंसठ बारह सौ छिहत्तर नंबर पर नोट्स पेड रहेंगे मैं आपको बता दूं अभी जो करंट कोर्स चल कॉस्ट चलिए नोट्स की वो थ्री हंड्रेड रुपीज़ पर सब्जेक्ट है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ एडवांस में ये कोर्स है कॉस्ट है तो आप मैसेज पर भी करें जब आपको मतलब ये दिमाग में हो कि ये पेड है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो दूसरा स्टूडेंट्स बच्चे बोल रहे हैं कि ये लेक्चर क्या काफ़ी होगा पास होने के लिए बच्चों अगर आप आज का लेक्चर देख लेंगे आपको जुर्स स्टूडेंट्स कभी भूलेगा नहीं और मैं इतनी शोर्टी देता हूँ आप जुड़ स्टूडेंट्स में सिक्सटी प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद तो बिल्कुल इतनी शोर्टी मैं आपको दे सकता हूँ बिल्कुल चिंता ना करें अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से सीखेंगे बिल्कुल रिलैक्स होकर आप रहें हिंदी में नोट्स अवेलेबल नहीं है एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल होंगे तो अभी लेक्चर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अभी लेक्चर में शुरू करने जा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, okay. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज टॉपिक को शुरू करेंगे जूरिस बेसिकली हम इसमें भी करने जा रहे हैं जूस स्पूडेंस इसका मीनिंग इसकी डेफिनेशन इसकी स्कोप इसका नेचर इसका इंपॉर्टेंस इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं जैसे ही टॉपिक खत्म होगा पूरा पूरा लास्ट ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज ही अभी कि कैसे क्वेश्चन आएँ और कैसे आप लोगों को टैकल करना है कैसे लिखना है प्रॉपर सारा बताऊंगा अच्छे से वीडियो से के साथ बने रहें अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं जूस स्पूडेंट्स की तो वर्ड जुरस स्पूडेंट्स जो है वो लैटिन टर्म जुरिस प्रोडेंशिया से मिल बना है जुरिस प्रोडेंशिया ये एक लैटिन टर्म है यहीं से ये वर्ड जूरिस जूरिस जो है जूरिस प्रूडेंट जो वर्ड है वो यहीं से जूरिस टर्म से आया है जूस दो टर्म से मिलकर बना है बेसिकली एक है जुरिस और एक है प्रोडेंशिया यह लैटिन टर्म है बेसिकली बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ लैटिन टर्म यह बड़ी इंपॉर्टेंट है लैटिन टर्म आपने लिख के आना है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड लिखना लैटिन वर्ड द वर्ड लैटिन से जूरिस प्रोडेंशिया टर्म लैटिन से आया हुआ है जुरिस प्रोडेंस जूरिस एंड प्रोडेंशिया अगर मैं जूरिस की बात करूं तो जूरिस का मतलब सिंपल सा होता है लॉ इट मीन्स लॉ और मैं प्रोडेंशिया की बात करूं इसका सिंपल सा मतलब होता है नॉलेज और अगर मैं दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दूं इफ वी कंबाइन बोथ द वर्ड्स द आंसर वुड बी नॉलेज ऑफ लॉ नॉलेज ऑफ लो तो बोलने का मतलब क्या हुआ वट इज यूर द टर्म जूर स्पूडेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म जूल प्रोडेंशिया एंड लैटिन टर्म जूस प्रोडेंशिया इज मेटम ऑफ टू लैटिन वर्ड जूरिस एंड प्रोडेंशिया जूरिस मीन्स लो एंड प्रोडेंशिया मीन्स नॉलेज एंड इफ वी कंबाइन बोथ द टर्म्स जूस प्रोडेंशिया इट मीन्स नॉलेज ऑफ लो तो वट इज जूस स्पेंस बेसिकली बच्चों वट इज यूर स्पेंस जूस स्पेंस इज द नॉलेज ऑफ लॉ

सिविल लॉ होता है हमारे पास आप आईपीसी भी पढ़ रहे हो इस बार सेमेस्टर में इंडियन पिनल कोड लॉ ऑफ क्राइम मतलब क्रिमिनल लॉ भी होता है सिविल लॉ भी होता है क्रिमिनल लॉ भी होता है और भी बहुत सारे लॉज है प्रोसीजरल लॉ भी होता है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजरल लॉ हमारे पास बच्चों हमारे पास बच्चों सबस्टेंटिव लॉ भी होता है टिव लॉ ये क्या होते हैं अभी नहीं पढ़ेंगे आगे आज ही करूंगा थोड़ी देर के बाद बहुत प्रकार की होते हैं क्रिमिनल लॉ होता है सिविल लॉ होता है इंटरनेशनल लॉ होता है डोमेस्टिक लॉ होता, होता है तो क्वेश्चन इज दैट जुर स्टूडेंट इज नॉलेज ऑफ विच टाइप ऑफ लॉ इज इट नॉलेज ऑफ सिविल लॉ और क्रिमिनल लो और प्रोसीजर लो और सब्सटेंटिव लो और एनी अदर लो द क्वेश्चन द मेन क्वेश्चन इज दैट वी केम टू नाउर जुड़ स्टूडेंट्स इज अ नॉलेज ऑफ लॉ बट विच टाइप ऑफ नॉलेज विच टाइप ऑफ लॉ इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट विच टाइप ऑफ लॉ दिस इज द मेन क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स जो जूस स्टूडेंट्स है इट ये हमें किसी पर्टिकुलर लॉ की नॉलेज नहीं देता जूस स्टूडेंट्स डज नॉट गिव अस नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ मैं कभी भी एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में नॉलेज नहीं देता इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट टर्म आई एम गोइंग टू राइट बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स हेलो 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 हेलो

एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सीपीसी की सिविल uh, लॉ के लिए सीपीसी है क्रिमिनल लॉ के लिए हमारे पास सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है आप ये सारे लॉ के आगे आगे, आगे में पढ़ोगे लेकिन जूस प्रोडेस क्या बताता है ये हमें बेसिक बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है या जर्नर प्रिंसिपल्स बताता है किसके प्रिंसिपल जर्नल किसके प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ लो ब्रांचेज ऑफ लो ये हर लो की ब्रांच हर लो के बेसिक प्रिंसिपल बताता है तो क्वेश्चन यह है कि जर्नल प्रिंसिपल क्या होते हैं बच्चों जर्नल प्रिंसिपल का मतलब होता है हर एक लो बनने के पीछे हर एक लो के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं मैं एग्जाम्पल देता हूँ अभी समझ आ जा जाएगा आपको फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनलो कॉन्स्टिट्यूशनल लो अरे मैं कॉन्स्टिट्यूशन लो की बात करूँ यह आपके सिलेबस में भी है यह हमें क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमें राइट्स के बारे में बताता है हम सभी भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ मिला है राइट टू लिबर्टी मिला है राइट ऑफ रिलीजन मिला है राइट कल्चरल राइट्स मिले हैं बहुत से राइट्स हमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर अब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको क्या बताता है राइट right बताता है आपके आपका कि आपका राइट right है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं और कोई अगर को, अगर कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर होकर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है मतलब पहले आपके साथ एग्री हो गया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रीच करने की कोशिश करी तो आप क्या कर सकते हो कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में आप क्या ले सकते हो रेमेडी रेमेडी की डिमांड कर सकते हो अगर मैं आपकी सिविल सिविल लॉ की बात करूँ सी की बात करूँ बेसिकली सी क्या बताता है आपको सी भी आपको यह बताता है कि अगर कोई आपका सिविल राइट right ब्रीच करता है तो आपने कैसे रेमेडी लेनी है आपने कैसे कोर्ट में रेमेडी लेनी है मैं आईपीसी की बात करूं आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो कि आपके सिलेबस में भी है इंडियन पीनल कोड आपको क्या बताता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो उसकी पुनिशमेंट क्या होगी उसकी पुनिशमेंट क्या होगी और साथ ही साथ ये क्राइम होता क्या है पुनिशमेंट कितने प्रकार की हो पुनिशमेंट जो है पुनिशमेंट के बारे में बेसिकली हमें क्या बताता है आई बताता है तो हर एक कानून जो है वो कुछ ना कुछ बता रहा है हमें हर कानून हमें कुछ ना कुछ बता रहा है सी हमें और भी बताता है सी सिविल प्रोसीजर कोड कोई आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले तो आप कैसे उस कब्ज़े को वापस लेंगे मतलब पोजेशन कैसे आप वापस लेंगे ये भी हमें सी बताता है आप अगर ज़मीन के ओनर हैं तो किसने आपकी ज़मीन में कब्ज़ा कर लिया तो आप कैसे ओनरशिप अपनी प्रूव करेंगे ये भी सी सी बताता है अब बच्चों जूल क्या बताता है हमें जू स्पें यह बताएगा कि ये जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली हर लॉज में यूज हो रहे हैं इनका मतलब क्या है इफ वी हैव राइट टू लाइफ देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस राइट इफ वी हैव सम ड्यूटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी ड्यूटीज विच टाइप ऑफ ड्यूटीज आर देयर इफ वी हैव रेमेडी

लेकिन उनका बेसिक मतलब क्या है बेसिक नॉलेज कौन दे रहा है जुड़े स्टूडेंट्स दे रहा है जुड़े स्टूडेंट्स को लो की आई माना जाता है लो की आंख माना जाता है कानून की से लास्की, प्रोफेसर लास्की ने इसको कानून की आंख बोला था लो की आई बोला था क्यों क्योंकि जुड़ स्पूडेंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई एक चीज नहीं कवर करता एक चीज को डिटेल में नहीं बताता ये सारे लॉज के जनरल प्रिंसिपल बताता है आपको आईपीसी बताती है कि अगर आपको कोई आपके साथ कोई क्राइम होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ये पनिशमेंट टर्म क्या है ये बताता है आपको सीपीसी बताती है कि कोई अगर आपकी जमीन में कब्जा कर लेगा तो आप कैसे उसका पोजेशन वापस लेंगे पर ये पोजेशन होती क्या है कितने प्रकार की होती है ये आपको जूडिस बताएगा तो इज दैट दैट ब्रांच ऑफ लॉ गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ईच एंड एवरी लॉ What is jurisprudence? The term jurisprudence is derived from Latin term jurisprudentia and jurisprudentia term is made up of juris and prudence. Juris means law and prudence means knowledge. And if we combine both terms jurisprudence it means knowledge of law. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं meaning की बात करूँ, meaning की बात करूँ बच्चों, तो meaning वही है। आप वही लिखोगे। जो term jurisprudence है, देखो, आप पहले एटीमोलॉजिकल मीनिंग लिखोगे एटीमोलॉजिकल एटीमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों एटीमोलॉजिकल का मतलब होता है ओरिजिनल मीनिंग कि टर्म ओरिजिन कहाँ से हुई है टर्म ओरिजिन कहाँ से हुई है आई कहाँ से है टर्म तो जुलिस पोडेंशिया के बारे में बताओगे आप जो जुरुस स्पोडेंट जुरूेंस टर्म है ये लेटिन टर्म जुलिस पोडेंशिया से आई है जो स्पोडेंशिया का मतलब होता है बेसिकली नॉलेज ऑफ लॉ ये तो आप जो मैंने बताया वो सारा आप लिख दोगे उसके बाद आप जर्नल मीनिंग लिखोगे जर्नल मीनिंग ये तो गया एथेमोलॉजिकल मीनिंग अब जर्नल मीनिंग लिखोगे आप इसी में लिखोगे आप देयर फॉर जर्नरली वी कैन से जो स्पूडेंस इज दैट सब्जेक्ट और दैट डिसप्लिन विच गिव नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ अबाउट द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ईच एंड एवरी लॉ हैज सम जर्नरल प्रिंसिपल्स फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यू विल राइट एग्जाम्पल ओवर हिस्सो फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोवाइड दस नॉलेज अबाउट द राइट्स एंड गिवस नॉलेज अबाउट वट इज द टर्म राइट वट इज द टर्म राइट फॉर एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड गिवज एस राइट दैट इफ समी कमिट्स क्राइम अगेंस्ट एस अगर कोई बंदा हमारे अगेंस्ट क्राइम कमिट करता है हम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको सजा दिला सकते हैं कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा सजा देगा उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज करेगा नाउ वट इज दिस हेल्प टू नाउ अबाउट इज टर्म दिसबिलिटी आई होप आपको ये सब समझ आ रहा है मैं बताना चाहता हूं तो मीनिंग में ये सारी बातें आप लिखोगे विद एग्जाम्पल नाउ डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा बच्चों पेपर में डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा वो बोलेंगे आपको कि डिफाइन कर दो जो स्टूडेंट्स को जब डेफिनेशन आ गया Not enough. आपको इसको आपको आगे डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेंगी तो देफिनेशन देफिनेशन देफिनेशन। अगर मैंने की बात हेलो हेलो बड़ी प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में इस मैंने आपको ओके उस मैसेज फोन देखो बस हमको ट्राई लाइक दिक्कत है बफ करा कर बार बार मनीष कुमार मैं सुबह फोन किया था ओके तो देखिए स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन देखो पेपर में क्वेश्चन आपको डेफिनेशन में आया था आएगा तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन मतलब कि इसको डिफरेंट जुरिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है अब सभी का अपना अपना दिमाग है और सभी जुरिस्ट अपने तरीके से जुडिस स्पूडेंट्स को डिफाइन करते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं उलपेन की उलपेन बड़ी ही महत्वपूर्ण स्कॉलर है और इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला जुडिस्पूडेंस इज द साइंस ऑफ राइट एंड रोंग या फिर इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट ये बात किसने बोली ये बोली उल्पेन ने उल्पेन ये बोलना चाहते हैं कि जिस पढ़े से हमें नॉलेज देता है क्या सही है क्या गलत है ऑब्बियसली बाई इट इस नॉलेज ऑफ लो तो लो यही तो बताता है हमें क्या सही है क्या गलत है क्या राइट है क्या रॉन्ग है राइट right है मतलब क्या हमारे राइट्स हैं और क्या रॉन्ग है मतलब क्या हमारी ड्यूटीज हैं रॉन्ग का मतलब अगर हम नहीं फॉलो करेंगे वो ड्यूटी रॉन्ग बन जाएगा तो बोला मतलब उल्पेन ये बोलना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमें नॉलेज देता है इस चीज का कि सही क्या है और गलत क्या है वहीं पर अगर मैं बात करूं सालमंड की सालमंड क्या बोलते हैं कि जुड़ स्टूडेंट्स इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ क्या बोला मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ

क्या होता है पॉजिटिव लो आगे जानेंगे जब हम आस्टिन के ऊपर आएंगे फिलहाल आप डेफिनेशन देख लो जनरली क्या डेफिनेशन है उसके बाद आगे जो उनके ऊपर आएंगे फिलहाल आप डेफिनेशन देख लो जनरली क्या डेफिनेशन है उसके बाद आगे जो है होलैंड होलैंड चौथी डेफिनेशन आप होलैंड लिख सकते हो होलैंड होलैंड हमारे स्कॉलर क्या बोलते चौथी डेफिनेशन आप होलैंड लिख सकते हो होलैंड होलैंड हमारे स्कॉलर क्या बोलते हैं ये जुड स्पूडेंस को क्या बोलते हैं कि जुड स्पूडेंस इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लो और लास्ट है हमारा जूलियस स्टोन जूलियस स्टोन ये क्या बोलते हैं जूलियस स्टोन ये बोलते हैं जूलियस पोलिस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन ध्यान सुनो मैं बाद में क्या बोल रहा हूं उल्पेन ने बोला कि जो स्टूडेंट्स हमें सही क्या है गलत क्या है ये नॉलेज देता है वहीं पर सार ने बोला ये साइंस है और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ की वहीं पे आस्टिन ने बोला ये साइंस है पॉजिटिव लॉ की वहीं पे होलर ने बोला ये फॉर्मल साइंस है फॉर्मल तरीके से अनफॉर्मल नहीं फॉर्मल तरीके से ये फॉर्मल साइंस है बिल्कुल सिस्टेमेटिक साइंस है किसकी पॉजिटिव लॉ की और लास्ट में जूलियस स्टोन ने बोला इट इस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों इसका मतलब होता है जु स्टूडेंट्स गिव्स अस नॉलेज अबाउट अबाउट हाउ लो इज प्रैक्टिकली अप्लाइड बाई द एडवोकेट्स इन सोसाइटी जून स्टूडेंट हमें यह बताता है कि लो को सोसाइटी में एक्चुअल में अप्लाई कैसे किया जाता है जो स्टूडेंट्स को ये बताता है हमें कि लो सोसाइटी में एक्चुअल में अप्लाई कैसे होता है हाउ द लो इज अप्लाइड इन द सोसाइटी प्रैक्टिकली इट मीन्स इसका मतलब जो बता रहा मैं जूलियस टोन ने जो बोला है उसका मतलब लो एज एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब अब बच्चों आगे जो है क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी कि जूस स्पूडेंस की स्कोप क्या है स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है स्कोप क्या है इसकी इसकी स्कोप कैसी है तो स्कोप का मतलब होता है कि जूस स्पूडेंस क्या क्या चीज़ें कवर करता है हम जूसूडेंस में पढ़ेंगे क्या बेसिकली स्कोप आ जाए या आपको सब्जेक्ट मैटर आ जाए पेपर में जो मैं लिखवाऊंगा आप वही लिखोगे तो देखो स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग जब हमारी सोसाइटी शुरू हुई थी अर्ली टाइम पर पुराने एशियंट टाइम पर उस टाइम पर जूस स्टूडेंट्स की स्कोप काफी नैरो थी कैसी थी नैरो स्कोप थी जूस स्टूडेंट्स की कब जब हमारी सोसाइटी शुरू हुई थी पर बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ इसकी स्कोप डेवलप होने लगी इंक्रीज होने लगी आज मैं अभी फ्यूच प्रेजेंट की टाइम प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इसकी स्कोप बहुत वाइडर है कैसी स्कोप है वाइडर स्कोप कैसी स्कोप है वाइडर बहुत बड़ी स्कोप है स्काई इज लिमिट स्काई इज लिमिट जितना स्काई की स्कोप ज़्यादा होती है वैसे ही इसकी जो इस की स्कोप है आप बच्चों इसकी स्कोप को तीन पार्ट्स में बांट सकते हो हम सबसे पहले अर्ली टाइम में बात कर सकते हैं कि अर्ली टाइम में स्कोप कैसी थी अर्ली पीरियड में टाइम अर्ली पीरियड बोल लो या एंशंट पीरियड बोल लो उस टाइम पे स्कोप कैसे हम ये बोल सकते हैं पहले फिर दूसरी हम डिस्कस कर सकते हैं कि बीच में जब आस्टिन आए थे बैंथम आए थे जब हमारे सोशलॉजिकल स्कूल के जो स्टूडेंट्स के पर्सन आए बेसिकली हम आस्टिन को फोकस करेंगे आस्टिन आस्टिन जो थे जब आए थे आस्टिन के टाइम पे आस्टिन के पीरियड के टाइम पे स्कोप कैसी थी वो देखेंगे फिर हम उसके बाद फिर तीसरा हम देख सकते हैं इसकी मॉडर्न टाइम मॉडर्न में अभी क्या स्कोप है वो देखेंगे हम तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्ली टाइम पर पुराने टाइम पर पहले क्या स्कोप थी जुर्स स्टूडेंट्स की तो एंशियन टाइम की मैं बात करूँ तो एंशियन टाइम पर इसकी स्कोप काफ़ी क्या थी मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले क्या थी नैरो थी कैसी स्कोप थी नैरो थी जुड़ स्टूडेंट्स जो था वो बेसिकली हमें क्या बताता था ये बेसिकली हम मोरालिटी के साथ मोरालिटी के साथ या रिलीजन के साथ या कस्टम के साथ या ट्रेडिशन के साथ ही डील करता था क्या बोल रहा हूँ मैं आपको जब सोसाइटी शुरू हुई अर्ली टाइम पर तो जू स्टूडेंट्स था उसकी स्कोप काफ़ी नैरो थी ये या तो हमें मॉरलिटी के बारे में बताता जू स्टूडेंट्स या तो ये स्टडी ऑफ रिलीजन थी ये ये केवल उन चीज़ों के बारे में बताता था जिससे सोसाइटी उस टाइम पे गवर्न होती थी देखिए एंशियन टाइम की बात करो उस टाइम पे कानून बहुत कम होते थे उस टाइम पे लोग या तो अपने धर्म के अनुसार गवर्न होते थे या अपने जो उनके कस्टम है उनके अनुसार गवर्न होते थे या मोरालिटी के अनुसार गवर्न होते थे या ट्रेडिशन के अनुसार गवर्न होते थे लोग इन चीज़ों से गवर्न होते थे बेसिकली पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं एंशियन टाइम की तो इसकी स्कोप भी केवल इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता जो स्टूडेंट्स और कोई इसकी स्कोप नहीं थी पर बाद में आस्टिन आई ऑस्टिन हमारे इंग्लिश जूरी थे बड़े ही फेमस इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी पॉजिटिव लोग की थ्योरी दी लेकिन इन्होंने भी क्या किया जो कमांड थ्योरी दी कमांड थ्योरी क्या कमांड थ्योरी पेपर में क्वेश्चन भी आता है हम आगे पढ़ेंगे इसको जब आस्टिन के ऊपर आएंगे हम जब जो इन्होंने कमांड थ्यूरी दी आस्टिन ने जो कमांड थ्री दी इसमें उन्होंने क्या बोला बेसिकली इन्होंने बोला कि लॉ लॉ की इन्होंने डेफिनेशन दी कानून की देखो तक तक कानून कहीं नहीं है यहां केवल है केवल मोरालिटी रिलीजन कस्टम है आस्टिन ने आके कानून की डेफिनेशन दी पर इन्होंने कानून की डेफिनेशन कैसे दी कि जो लॉ है इट अ कमांड ऑफ सोवरन जो सोवरन है जो सुप्रीम है जो किंग है वो जो बोलेगा वही लॉ है इसके अलावा कुछ लॉ नहीं है आस्टिन ने अपनी डेफिनेशन में मोरलिटी को क्रिटिसाइज मोरलिटी को इन्होंने इग्नोर कर दिया कस्टम को इग्नोर कर दिया इन्होंने बोला ये लॉ है ही नहीं इससे लोग गर्न होने नहीं चाहिए क्योंकि ये तो सुप्रीम पर्सन की कमांड ही नहीं है इसने बोला कि लो वही है जो सुप्रीम पर्सन कमांड दे एक कंट्री का राजा कमांड दे तो जब इसने कमांड थ्योरी दी इसने दोबारा से क्या किया इसकी स्कोप को काफी नैरो कर दिया इसने बोला जो स्टूडेंट्स केवल स्टडी करता है लो की और लो का मतलब होता है कमांड ऑफ सुपीरियर इसने कस्टम इग्नोर कर दिए इसने अनरिटर्न लॉ इग्नोर कर दिए इसने जजेस के जरिए दिए वाले डिसीजन का जो लॉ होता है उसको इग्नोर कर दिया इन्होंने काफी चीजें इग्नोर कर दी बाद में फिर से टाइम बढ़ा अब आस्टिन के साथ साथ आप बाकी भी स्कूल्स हम आगे पढ़ेंगे आप उनके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो ड्यूरिंग सोशलॉजिकल स्कूल क्या स्कोप रही ड्यूरिंग हिस्टोरिकल स्कूल क्या स्कोप रही वो स्कूल्स में हम पढ़ेंगे ना वो सारा मटेरियल आप यहां पे पुट कर सकते हो अगर आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन तीस नंबर में आ जाता है तो स्कोप आस्टिन ने दोबारा से क्या किया स्कोप काफी नैरो कर दी अब बाद में आई मॉडर्न इरा जो आज का इरा है जो करंट इरा मॉडर्न इरा तो मॉडर्न इरा में इसकी स्कोप अब बहुत ज्यादा वाइडर हो गई है अब जूस क्या स्टडी करता है बच्चों मॉडर्न इरा में जूस हमें सबसे पहले बताता है लो है क्या लो का हमें मतलब बताता है जूसेंस हमें उसके बाद बताता है कि लो के सोर्सेज क्या क्या है सोर्सेज क्या है लो आया कहां से है क्या सोर्सेज है यह हमें जूल स्पूडेंस बताता है हमें जूसेंस बताता है वेरियस स्कूल के बारे में स्कूल के बारे में क्या मतलब कौन से स्कूल की बात की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स में जो लॉ है ना उसको डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है हम आगे पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल वाले कानून को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल वाले लॉ को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं सोशलॉजिकल स्कूल वाले लॉ की डेफिनेशन किसी और तरीके से देते हैं रियलिस्टिक स्कूल वाले लॉ को कुछ किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं नेचुरल लॉ वाले कुछ और तरीके से लॉ को डिफाइन करते हैं तो जो वेरियस स्कूल उसकी स्टडी भी कौन करता है करता है देखो कितनी चीजें अब लो, क्या है? बता रहा है। लो के पड़ी लॉ कौन है जू स्टूडेंट्स बता रहा है इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लो बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लो या बोल सकते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ वो मेरे को बताता है वो भी मैं जूसपूडेंस ही बताता है अब बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आ जाएगा हमारा इसमें आप हेडिंग बनाओगे कि नीचे बहुत सारी इसमें हमारा पोजेशन आ जाएगा पोजेशन हमें जूस स्पूडेंस में नॉलेज पता चलता है पोजेशन का मतलब क्या है इसका काइंड क्या है इसका मीनिंग डेफिनेशन क्या है ओनरशिप का मतलब जूस स्पूडेंस में पता चलता है राइट्स क्या है ड्यूटीज़ क्या है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस क्या है उसके बाद पनिशमेंट क्या है उसके बाद लाइबिलिटी क्या है ऑब्लिगेशन क्या है प्रॉपर्टी क्या है जस्टिस क्या है ये सारी बातें कौन बता रहा है बच्चों जूड स्टूडेंट्स बता रहा है तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि की स्कोप अभी इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है आई होप आपको समझ आ रहा होगा आपको स्कोप भी क्लियर हो गया होगा स्कोप के बाद अब आगे मैं एक साफ देख लिख आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो अब देखो स्कोप के बाद अगला जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है जूड के नेचर के ऊपर हंड्रेड परसेंट पेपर में क्वेश्चन आएगा इंपोर्टेंस एंड नेचर नेचर और इंपोर्टेंस क्या जूस जू स्टूडेंट्स की हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन आएगा नेचर के ऊपर नेचर क्या है व्हाट इज अ नेचर नेचर क्या है जूस स्टूडेंट्स का व्हाट इज अ नेचर ऑफ जूस स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेचर ऑफ जूस स्टूडेंट्स जूस स्टूडेंट्स का नेचर क्या है तो बच्चों के मैं जूसपूडेंट्स की नेचर की बात करूं तो सब नेचर का मतलब होता है बेसिकली कि ये सब्जेक्ट कैसा है इसकी प्रकृति क्या है मुनिष बारे में बात करना ये सारी आ रही होगी यहाँ पे बंदे से बात कर जो बंदे टाइम वेस्ट करते हैं हाँ जी तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं नेचर क्या है जू स्टूडेंट्स का नेचर का मतलब होता है किसी भी स्टेक्ट का नेचर अगर आपको आ जाए ना तो नेचर का मतलब होता है कि इसकी प्रकृति क्या है इसकी प्रकृति क्या है ये किस प्रकार का है इसकी प्रकृति कैसी है इसमें क्या चीजें आती हैं ये कैसा कानून है ये बेसिकली ये मतलब है इसका तो जू स्टूडेंट्स से पहले आप लिखोगे नेचर में इट इज इट इज नॉट प्रोसीजरल लोसीजरल लो।, लो नहीं है सबसे पहले नेचर इसका ये है कि ये प्रोसीजरल लो नहीं है ये प्रोसीजरल टाइप के नेचर का लो नहीं है प्रोसीजरल लो क्या होता है बच्चों बेसिकली देखो प्रोसीजर प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया हमारे देश में कुछ लोज ऐसे हैं जो हमें प्रोसीजर बताते हैं अपने राइट्स को अचीव करने के बारे में फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन पे किसने कब्जा किया आपका राइट वायलट हुआ यहां पे आपकी जमीन थी किसने कब्जा कर लिया उसने इन लीगली ट्रेस पास कर दिया या लीगली कुछ भी उस पर जमीन पे, पे कब्जा कर लिया पोजेशन कर लिया अब आपका राइट तो है राइट आपका ये है कि आपको आपका प्रॉपर्टी वापस मिले पर वो राइट आप अचीव कैसे करेंगे किसके पास जाएंगे कहा किसका नोक किसका दरवाजा आप नोक करेंगे किसका दरवाजा खटखटाएंगे ये प्रोसीजर कौन बताता है हमें प्रोसीजर लो बताता है आप किसके पास जाएंगे अगर मान लो किसी एक बंदे के घर में चोरी कोई कर लेता है अब उसके घर में चोरी हुई है तो उसका राइट है कि भाई उसको चोरी अगर उसने किसने करी है उसको पकड़ा जाए उसको पनिशमेंट हो पर क्वेश्चन ये है उसको पकड़ेगा कौन उसको पनिशमेंट कौन देगा तो बच्चों प्रोसीजरल लो हमें बताता है कि हमने राइट्स कैसे अचीव करने हैं मतलब जो सीआरपीसी है वो हमें बताएगा कि अगर बंदे ने चोरी करी है उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा कैसे उसके ऊपर ट्रायल चलेगा कैसे उसको जेल में डाला जाएगा कैसे उसे सजा होगी बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अभी लाइक कर दें पहले लाइक करें फिर वीडियो देखें मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक अभी कर दें नीचे बस हमें लाइक का बटन दबाना है आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है तो रिक्वेस्ट है आपसे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज अभी लाइक कर दें अभी लाइक लाइक में बोल रहा हूं ना आप टेंशन ना लें मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते मैं आपसे कुछ भी मिस भी नहीं करवाऊंगा भैया लाइक करें उसके बाद आगे लेक्चर देखें आई होप आपने सभी ने लेक्चर लाइक कर दिया होगा आई होप कर दिया होगा मैं अभी वेट करूंगा अभी वेट करूंगा आई होप आपने कर दिया होगा आई होप कर दिया होगा अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा अगर नहीं किया तो अभी भी कर लें अभी भी एक एक दो मिनट एक दो मिनट तो नहीं पर पांच सेकंड आपको देता हूं प्लीज लाइक कर लें अभी वीडियो को ताकि अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें रिक्वेस्ट है आपसे एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट एज ए टोकन ऑफ जैस्टर वीडियो को लाइक करें अभी अभी हाँ जी तो देखो प्रोसीजर लो हमें क्या बताता है हमें बताता है प्रोसीजर हमने कैसे राइट अचीव करना है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मर्डर किया तो क्या उसको पकड़ के उसे फांसी में लटका देंगे क्या ऐसा नहीं करेंगे उसको जेल में डालेंगे उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उसका ट्रायल चलेगा उसको आ, आ, हम गवाहों को बुलाएंगे फिर लास्ट में उसको सजा होगी तो जो ये प्रोसीजर है सारा ये प्रोसीजर लो बताता है तो प्रोसीजर लो अस नॉलेज अबाउट हाउ टू गेट आर राइट्स हाउ टू अचीव आर राइट्स हमारे जो राइट्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं हमें किसने हमारे घर चोरी करी मेरा राइट है मुझे उस बंदे को सजा मिली मेरा राइट है ये तो वो राइट मैंने कैसे अचीव करना है प्रोसीजर लो बताता है हमें लेकिन जो जुडियो स्टूडेंट्स है ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है ये हमें प्रोसीजरल लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स बताता है कौन Jurisprudence. अब दूसरा है is not a substantive इज नॉट is not इज नॉट law, not नॉट सब्सटेंटिव law. तो ये दूसरा नेचर है बच्चे Jurisprudence का कि Jurisprudence substantive law भी नहीं है अब आप बोलो कि बच्चों सब्सटेंटिव law क्या होता है देखो कोई भी लॉ हो कोई भी लॉ जो आपके राइट क्या क्या हैं जो आपको आपकी राइट्स के बारे में बताता है आपकी राइट्स के बारे में बताता है वो आपका बेसिकली सबस्टैंडिव लॉ होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपको बताता है ना राइट टू लाइफ राइट टू इक्वेल्टी राइट टू लिबर्टी तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स दे रहा है तो राइट जो 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 लो राइट दे हमें वो क्या होता है, लो। जैसे इंडियन ये आपको राइट देता है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो हो। ये आपको राइट देता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पर ब्रीच किया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्या है हमारा सब्सटेंटिव लॉ है लेकिन 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 जो जो स्टूडेंट्स है बच्चों ये आपका सब्सटेंटिव लॉ भी नहीं है ये आपको राइट्स नहीं देता ये आपको रेमडीज नहीं देता ये आपको क्या बताता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेरियस सब्सटेंटिव लॉ जैसे कि राइट right का मतलब क्या है रेमडी का मतलब क्या है तो जुर्सेंस क्या बताता हमें जनरल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजरल लो ये पता चलेगा हमें तो ये ना तो प्रोसीजरल लो है ना यह सब्सटेंटिव लो है तीसरा क्या हम बोल सकते हैं जूस स्पूडेंस का नेचर कैसा है इट इज इट इज एंड आई ऑफ लो ये कानून की आई है किसने बोला था प्रोफेसर लास्की ने ये बात करी थी तो जो क्या बच्चों ये आई ऑफ लॉ है ये लॉ की आई है यह कानून की आंख है इसे कानून की आंख क्यों बोला जाता है वाई इट इज आई ऑफ लॉ बिकॉज इट प्रोवाइड एस नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट लॉज यह हमें हर लॉ की जनरल प्रिंसिपल बताता है यह कोई एक पर्टिकुलर लॉ के साथ डील नहीं करता है यह कोई एक पर्टिकुलर कानून के साथ डील नहीं करता है यह हमें हर एक कानून के बारे में बेसिक नॉलेज देता है यह तीसरा आप नेचर में लिख सकते हो चौथा आप क्या लिख सकते हो इसका नेचर कैसा है ये कैसे प्रकृति का है चौथा आप लिख सकते हो इट इजीफाई लो अनकोडिफाइड लो, देखो बच्चों कानून दो प्रकार का हो सकता है एक कानून होता है आपका कोडिफाई और एक कानून होता है आपका अनकोडिफाई देखो कोडिफाई कानून क्या होता है जब किसी कानून का एक प्रॉपर कोड बन गया हो प्रॉपर कोड मतलब लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट में डिस्कशन करके लॉ पास किया हो उसका कोड बन गया हो तो वो होता है कोडिफाई लॉ जैसे हमारे देश में आईपीसी है आईपीसी का ही प्रॉपर कोड है ना प्रॉपर बेयर एक्ट आपको मिल जाएगा इंडियन पिनल कोड का तो ये क्या है इंडियन पिनल कोड तो ये क्या है ये कोडिफाइलो है जैसे सीआरपीसी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका ही प्रॉपर बेयर एक्ट है लेजिस्लेचर ने प्रॉपर बे एक्ट बनाया हुआ इसका तो ये भी क्या है हमारा कोडिफाइलो सी पी सी है ये भी क्या है हमारा कोडिफाइलो हिंदू मैरिज एक्ट है आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट ये भी क्या है आपका कोडिफाइलो है लेकिन अनकोडिफाइलो वो लो होता है जो थ्योरीज के ऊपर बेस करता है जो थ्योरीज के ऊपर बेस करता है जिसका कोई सेक्शन नहीं होता कोई प्रॉपर एक्ट नहीं होता कोई प्रॉपर कोड नहीं होता अब बताओ जूस का कोई कोड है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वैसे जुड़स से एक्ट है कोई कोई नहीं है तो मतलब जुडिस का नेचर कैसा है ये अनकोडिफाइड लॉ है इसको लेजिस्लेचर ने अभी तक कोडिफाई नहीं किया है इसको भी किसी एक बुक में सम्मिलित नहीं किया है ये जनरली थ्योरीज के ऊपर बेस करता है डिफरेंट स्कॉलर्स की और इसकी प्रकृति ऐसी है कि ये अनकोडिफाइड हो है। उसके बाद अगला जो है इसका जो नेचर है पांचवा वो आप ले सकते हो इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जूसपुरैन तो हमें क्या बताता है जनरल प्रिंसिपल्स बताता है किसके लो के बैडनेस ब्लू कम कर दे यह हमें क्या बताता है यह हमें जनरल प्रिंसिपल्स बताता है लो के जनरल प्रिंसिपल्स तो लो के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मतलब जैसे हमें राइट का नॉलेज देता है राइट का मतलब क्या है ड्यूटी का मतलब क्या है पोजैशन का मतलब क्या है ऑनरशिप का मतलब क्या है लाइबिलिटी का मतलब क्या है Uh, उसके बाद रेमेडी क्या होती है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है पनिशमेंट क्या होती है तो ये जितने भी जर्नरल प्रिंसिपल्स हैं ना उसका नॉलेज हमें कौन देता है हमें जुडिस प्रूडेंट्स उन जनरल प्रिंसिपल्स का नॉलेज देता है इट इज़ अ नेचर ऑफ जुडिस प्रूडेंस ठीक है आई होप आपको समझ आ रहा होगा और लास्ट आप लिख सकते हो नेचर में इज इट अ साइंस ये लिखोगे आपसे नेचर में इज इट अ साइंस क्या ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है क्या ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है केमिस्ट्री है जैसे आपका साइंटिफिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे जिसमें सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जिसमें प्रॉपर तरीके में एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो तो क्या जो स्टूडेंट्स एक साइंस है क्या ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे कि इसके रिगार्डिंग डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यू हैं अगर हम बात करें आस्टिन की बात करें होलैंड की बात करें सारमंड की ये सभी क्या बोलते हैं ये साइंस है ये साइंस है, है जैसे आस्ट्रीन बोलता है पॉजिटिव लो होलैंड बोलता है इट्स फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लो सारण बोलता है इट्स ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लो तो इन तीनों ने इसको क्या माना है साइंस माना है बाकी कुछ स्कॉलर ऐसे भी है जो इसको साइंस नहीं मानते पर इन तीनों ने साइंस माना है ये सारी बातें आप किस लिखोगे बच्चों नेचर में लिखोगे इसी से इसी के साथ हमारा नेचर खत्म हो जाएगा अब हम करेंगे आगे इसका जो है इसका इंपोर्टेंस क्या है इंपोर्टेंस बोल लो या यूटिलिटी बोल लो इंपोर्टेंस पेपर में क्वेश्चन आ जाता है नेचर इकट्ठा आता है utility. Utility है बच्चों या यूटिलिटी यूटिलिटी इसकी क्या और इसका इंपोर्टेंस क्या है तो मैं इंपोर्टेंस की बात करूं या यूटिलिटी या की बात करूं इसकी यूटिलिटी क्या है इसकी इंपोर्टेंस क्या है तो इसकी तो इंपोर्टेंस सबसे पहले ये है कि इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लो लिखो यहां पे इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लो साइन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द अबाउट द ये तो बेसिक प्रिंसिपल नॉलेज देता है और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इट इज आई ऑफ लो इट इज एन आई ऑफ लो आई ऑफ लो ये भी इसकी इंपोर्टेंस तो है यह कानून की आई है इसके बिना कानून को पढ़ा नहीं जा सकता जब तक जूस स्टूडेंट्स का नॉलेज नहीं होगा तभी तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इसको डाला हुआ है जब तक जूस स्टूडेंट्स का नॉलेज नहीं होगा बेसिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक तो तो लो क्या पढ़ोगे लो आया कहा से जब तक तो यही पता नहीं होगा तो क्या कानून की स्टडी करोगे तो ये एक आई है लो की सभी कारणों की आई इसको माना जाता है तीसरा आप लिखोगे कि ये जो जू स्टूडेंट्स है इट हेल्प्स द एडवोकेट्स एडवोकेट्स इन देयर प्रैक्टिस जब आप एडवोकेट बन जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस में जूस पुडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा जूस पुडेंस आपको बेसिक प्रिंसिपल समझने में हेल्प करेगा जूस पुडेंस आपको बेसिक लॉ का नॉलेज देगा तो ये एडवोकेट्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल प्रूव होता है उसके बाद चौथा सोते हो ये जो जूस स्पूडेंस है इसकी क्या यूटिलिटी है इट इज हेल्पफुल किसके लिए हेल्पफुल है ये ये हेल्पफुल है फॉर जजेज आर्सो जजेस जो डिसीजन देते हैं जजेस इन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस देखो बच्चों जो जजेस हैं उसका मेन जजेस का मेन काम लॉ को इंटरप्रेट करने होता है लॉ बनाता है कौन है लेजिस्लेचर विधायिका जिसको आप बोलते हो पार्लियामेंट जिसको आप बोलते हो उस लॉ को बनाने के बाद एनफोर्स कौन करता है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जब उस लॉ को लेके कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो उस लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है वो करती है हमारी जुडिशरी तो ये भी जजेस के लिए बड़ा हेल्पफुल है जू की जू जजेस की हेल्प करता है लॉ को इंटरप्रेट करने में आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो पांचवा इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ सोर्सेस ऑफ लॉ जू का यह भी

एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर में इसके रिगार्डिंग आए हुए हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हैं ताकि पेपर में आप कुछ भी छोड़ ना पाए और कोई दिक्कत हो तो आप अभी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है हाउ वुड यू डिफाइन जुर्स स्टूडेंट्स इज इट साइंथीसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सिंपल सा बात पूछी उन्होंने कि आप जुर्स स्टूडेंट्स को कैसे जुर्स स्टूडेंट्स को कैसे डिफाइन करोगे क्या ये साइंस है या इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ तो बच्चों देखो पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के साथ आंसर को शुरू करोगे और आपने इंट्रोड्यूस क्वेश्चन को आंसर कर, को करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आंसर की रिगार्डिंग हो जूर्स स्टूडेंट्स के बारे में पूछा हुआ है जो आपको ठीक लगता है आप लिख सकते हो आप आप यहाँ पे स्कॉलर्स की डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हो एज इट हैज राइटली सेड बाई प्रोफेसर लास्की दैट जूस स्टूडेंस इज द आई ऑफ लो ऐसा करके आप इसे सुंदर बनाने के लिए एक कोटेशन के साथ भी शुरू कर सकते हो इन्होंने बोला है कि आप इसको कैसे डिफाइन करोगे तो इंट्रोडक्शन पर आप मीनिंग तो लिखोगे लिखोगे मीनिंग तो आप लिखोगे लिखोगे बेशक पूछा है, नहीं पूछा है अब आगे आप डेफिनेशन लिखोगे यही है कि आप कैसे इसको डिफाइन करोगे तो डिफाइन में जो मैंने तीन चार डेफिनेशन बताई आपको उलपेन की इट इज़ अ साइंस ऑफ राइट एंड इट इज़ अ राइट एंड रोंग स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ राइट एंड रोंग जैसे आस्टिन uh, की स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ जैसे होलैंड uh, की फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ जो भी डेफिनेशन मैंने पांच बताई वो डेफिनेशन आप इसमें लिख दोगे आगे लिखा हुआ है इज इट साइंस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ तो अब ये देखो ये चीज पूछी है क्या ये जो लो के इसेंशियल प्रिंसिपल्स है उनका एक कलेक्शन है उनका समूह है जो पुण्य समय बहुत सारे प्रिंसिपल्स का बेसिक नॉलेज देता है तो आंसर होगा यस तो आप ये हेडिंग बनाओगे पूरी और नीचे लिखो यस यस न से हमें लॉ के बेसिक प्रिंसिपल का नॉलेज तो देता है ये हमें बताता है राइट right क्या है ये हमें बताता है ड्यूटी क्या है ये हमें बताता है पोजेशन क्या है ये हमें बताता है ऑनरशिप क्या है ये हमें बताता है लाइबिलिटी क्या है रेमेडी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है तो यस इट इज असिस इट इस अ कलेक्शन ऑफ ऑल द दशियस प्रिंसिपल ऑफ द वेरियस लॉस आप ये आंसर बना के इसको अच्छे से फ्रेम करोगे और पूरा आप स्कोप आप इसे से लिख सकते हो स्कोप कि क्या क्या डिसिस करता है

ओके ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता चल गया अब दूसरा है कि डिफाइन एक्सप्लेन दीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ जूस कैसे रीजन हुआ कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई बिल्कुल सिंपल है ओरिजिन तो आपको पता ही है किस टर्म से आया हुआ है जूस से आया है लैटिन टर्म है नॉलेज ऑफ लॉ मतलब होता है और डेवलपमेंट कैसे हुई एंशियंट टाइम बता दो वहां स्कोपनैरो थी बाद में आज के टाइम पे आ जाओ वहाँ पे स्कोप थोड़ी सी बड़ी लेकिन फिर भी नैरो रही लोगों की नई डेफिनेशन आ गई उसके बाद आप मॉडर्न टाइम में बता दो सारी स्कोप लिख दो डेवलपमेंट होगी जू स्टूडेंट्स की आज के करंट ईरा में बता दो इंडिया के संदर्भ में बता दो कि इंडिया में हमें वेरी राइट्स दिए गए हैं वेरी ड्यूटीज हमें दी गई हैं और वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें जू स्टूडेंट्स से पता चलते हैं अगला जो क्वेश्चन आया वो पेपर में डिफाइन जूड स्टूडेंट्स डिस्कस इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस जिस प्रॉस को डिफाइन करो पहले डिफाइन करोगे आप अच्छे से डेफिनेशन लिखोगे पांच स्कॉलर्स की डेफिनेशन में से दो तीन अच्छे से याद कर लें इजी इजी डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस नेचर का इंपॉर्टेंस क्या नेचर भी मैंने आपको बता दिया इट इज नॉट अ प्रोसीजरल लो नॉट अ सब्सटेंटिव लो इट इज इट प्रोवाइड्स इट नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इट गिव इट इज अ आई ऑफ लॉ इट इज अ डिफाइड लॉ इट इज साइंस एज पर सम स्कॉलर्स तो नेचर भी हमें पता है उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको बताई तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है एक क्वेश्चन आया बच्चों लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ यूर लॉ इज अ देखो ध्यान से लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ यूर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बाहर से आ गया है देखो होता क्या है ये जो टर्म थी ये जो थी बेसिकली एक हमारे स्कॉलर थे होलैंड होलैंड ने बोली थी टर्म इंटरनेशनल लॉ को लेके उसने बोला था इंटरनेशनल लॉ जो है ये वैनिशिंग पॉइंट है जूसपूडेंस का होलैंड का बोलने का मतलब क्या था इसका इसका मतलब क्या इस टर्म का मतलब क्या ये क्वेश्चन मैं बताने लगा हूँ आपको ध्यान से देखिए लास्ट ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है चार नंबर में देख लीजिए होलैंड एक स्कॉलर थे जिन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल लॉ होता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूसपूडेंस Vanishing point, एक ऐसा point होता है पे पे दो करती दो करती करती हैं, हैं। तो international law vanishing point of बोलना है, मतलब क्या है? इसका अपना basically, sorry, vanishing point का मतलब होता है जहां पे दो लाइनें कभी आपसे मिलती नहीं है बेसिकली मिलती नहीं है तो इस टर्म को बोलकर होलैंड ये बोलना चाहते थे कि अगर ये लाइन आपकी जू है और ये लाइन आपकी इंटरनेशनल लो है तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी ना बोले मतलब क्या हुआ बेसिकली होलैंड ये बोलना चाहते हैं जो इंटरनेशनल लो है वो सही मायने में जूड स्पूडेंस है ही नहीं इंटरनेशनल लो सही मायने में लो है ही नहीं हम इंटरनेशनल लो टर्म यूज तो करते हैं पर ये लो है ही नहीं इट इज नॉट अ लो बेसिकली बिकॉज इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट मीट विद द इंटरनेट ये वैसे इंटरनेशनल लो का कंसेप्ट है पता नहीं क्यों पूछ लिया होगा आई डोंट नो बट ये पूछना नहीं चाहिए था वैसे इस पेपर में क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में होलैंड ने एक डेफिनेशन दी थी कि जो इंटरनेशनल लॉ है क्वेश्चन ये राइज हुआ था क्या इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है सच में क्या ये लॉ है कि लॉ नहीं है तो होलैंड ने बोला था लो नहीं है ये जुड़ का बैनिशिंग पॉइंट है जुड़ के साथ कभी ये मेल खाएगा नहीं ये बोलना चाहते थे बेसिकली होलैंड आई होप आपको

जू स्पूडेंस इज आई एफ लो ये क्वेश्चन आया है जू स्पूडेंट इज आई एफ लो इसका मतलब क्या है तो बच्चों जो आई एफ लो की डेफिनेशन है ये बेसिकली लास्की ने बोला था तो जू स्पूडेंट आई एफ लो का मतलब है कि जूस स्पूडेंस जो है वो लो की आई है अब इसमें आप सारे लिख दोगे जितना भी आपने पढ़ा अभी तक वो सारा आ जाएगा नेचर स्कोप जू स्पडेंस सब कुछ आ जाएगा अगला क्वेश्चन आया हुआ आपको हाउ वुड यू डिफाइन जू स्पूडेंस विच डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यू वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट अब ये आपके ऊपर है कि आपके अनुसार क्या डेफिनेशन अप्रोप्रिएट है, है? सारमंड की अप्रोप्रिएट है आस्टिन की अप्रोप्रिएट है वो आप खुद आंसर बताओगे कौन सी अप्रोप्रियट है हाउ वुड यू डिफाइन आप कैसे डिफाइन करोगे आप पहले इंट्रोडक्शन लिखो मीनिंग लिखो जनरल डेफिनेशन definition लिखो डेफिनेशन लिखो और जो आपको डेफिनेशन अच्छी लगी वो आप उसे एक्सप्लेन कर दो ये डेफिनेशन मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें ये बातें मेरी बोली हुई हैं आप ये सारा लिख सकते हो नेचुरल स्कोप ऑफ जूस यूज ने स्कोपर है तो हमने सारे जो क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर के बताए इसमें सब कुछ ही हमें आता है ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं आता है तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक कर दें फटाफट बच्चों अभी अभी के लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें साथ ही मेरे दोस्तों अगर आपको हमारा ये जो नॉलेज आपको अच्छा लग रहा हो समझ आ रहा हो आपको लग रहा हो कि पेपर पास में है और साथ में आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर नाइन एट वन डबल सिक्स थ्री फोर टू सेवन सिक्स या एट टू वन नाइन एट टू जीरो फोर सिक्स वन अभी आपको मैसेज भी वहाँ पे पिन हो जाएगा हमारे गूगल पे फोन पे पेटीएम पे का तो आप आ, स्क्रीन पे मैसेज आपको पिन हो जाएगा तो आप यहाँ पे हमें जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं जैसे आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में और अच्छे से आपकी तैयारी हम करवाएंगे तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करेंगे नया टॉपिक जो है स्कूल्स ऑफ जो जिसमें सबसे पहला है हमारा एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल देखो बच्चों अगर मैं स्कूल्स की बात करूं स्कूल स्टूडेंट्स तो स्कूल का मतलब होता क्या है पहले पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्कूल स्कूल का मतलब क्या है तो स्टूडेंट्स देखो हमारे इतिहास में बहुत सारे स्कॉलर्स हुए आस्टिन हुए बैंथम हुए रोस्को पाउंड हुए आहलिक हुए हैनरी मेने हुए सेविग्नी हुए ये सारे स्कॉलर्स हैं जूस प्रस के इन सभी स्कॉलर्स ने ये लॉ की स्टडी करते थे एल एल बी बी एल एल बी एल 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 एम पी एच डी लॉ में कर रहे थे तो इन सभी से डिफाइन इन सभी से पूछा गया कि ये जो लॉ है ये जो कानून है ये कहाँ से आया है ये कहाँ से आया हुआ है कानून है क्या क्यों कानून की जरूरत है सोसाइटी के लिए तो कुछ एक स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला कानून हिस्ट्री से आया हुआ है कुछ एक ने बोला कानून तो सोवरन की कमांड है कुछ एक ने बोला कानून कानून है चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ एक ने बोला कानून का मतलब मोरालिटी ही है मोरालिटी कानून सेम है कस्टम कानून सेम है कुछ लोगों ने बोला कानून सोसाइटी के लिए आया हुआ है कुछ लोगों ने बोला कानून जो है वो एक सोसाइटी में कैसे लो चला हुआ है वो कानून है तो सभी लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए सभी स्कॉलर्स ने सभी जो बड़े बड़े हमारे पढ़े लिखे विद्वान थे फिलोसफर थे उन्हें फिलोसफी दी और उनकी फिलोसफीज को हमने स्कूल ऑफ थॉट बोल दिया तो स्कूल का मतलब है जो डिफरेंट स्कॉलर्स की बातें हैं वो क्या क्या हैं अब सब स्कॉलर्स ने कुछ बाते कुछ बातें बोली उनमें कुछ स्कॉलरों की बातें आपस में मैच कर गई मैच कर गई जैसे मैंने कोई बात बोली मुनीर सर ने कोई बात बोली एक और सर ने कुछ बात बोली तीनों ने हमने सेम सेम बोला हमें एक स्कूल में डाल दिया कुछ और स्कॉलर्स ने कुछ डिफरेंट बातें बोली उन्होंने आपस में सेम सेम बातें बोली उनको एक स्कूल में डाल दिया तो इसी प्रकार से हमारे स्कूल्स उत्पादित हुए इसी प्रकार से स्कूल्स आए तो स्कूल्स मतलब का मतलब होता है नॉलेज ऑफ थॉट स्कूल का मतलब होता है लोग कहाँ से आया ये आइडियोलॉजी क्या है थ्योरी क्या है बेसिकली कहाँ से चीज़ें आई हैं बेसिकली ये स्कूल्स का मतलब होता है अगर मैं एनालिटिकल स्कूल की बात करूँ बच्चों तो एनालिटिकल स्कूल जो है इसको हम इम्पेटिव स्कूल भी बोलते हैं इम्पेरेटिव स्कूल भी इसको बोला जाता है अगर एनालिटिक स्कूल की बात करूँ मैं तो इसको हम लोग इसको हम लोग पॉजिटिव स्कूल भी बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल भी इसको बोलते हैं ठीक है एनालिटिकल स्कूल की बात की जाती है तो सबसे पहले ये जो स्कूल है इसमें मेन मेन स्कॉलर्स में आपको बताऊंगा कौन कौन स्कॉलर्स हैं मेन मेन अगर इसमें मेन मेन स्कॉलर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्कॉलर है इसमें वो है बैंथम आपके सिलेबस में बैंथम के ऊपर पढ़ने के लिए है नहीं पर लास्ट ये क्वेश्चन देखिए मैंने और बैंथम के बारे में दस क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम बैंथम को पढ़ेंगे जरूर अच्छे से दूसरा मतलब आए आपके चार नंबर में क्वेश्चन है लार्ज क्वेश्चन नहीं आए हुए दूसरा इसका इंपोर्टेंट स्कॉलर है हमारा आस्टिन तीसरा इसका इंपोर्टेंट स्कॉलर है हमारा होलैंड चौथा स्कूल का जो मेन स्कॉलर है मेन जो प्रोपाउंडर है वो है कैल्सन पांचवा इस स्कूल का जो मेन प्रपाउंडर है वो कौन है वो है हमारा हार्ट हार्ट उसके बाद सालमंड भी स्कूल से बिलोंग करता है सालमंड भी तो ये कुछ एक स्कॉलर हैं स्कूल के इस स्कूल को जो हमारा एनालिटिकल स्कूल है इसको एनालिटिकल स्कूल क्यों बोलते हैं क्यों एनालिटिकल स्कूल बोलते हैं इसको क्योंकि बिकॉज ये जो स्कूल है इट एनालिसिस एनालिसिस द इंपोर्टेंट प्रिंसिपल या फर्स्ट प्रिंसिपल इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लो एनालिटिकल स्कूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये लो के बेसिक प्रिंसिपल का नॉलेज देते थे लो आया कहां से बेसिकली ये हमें बताते थे एनालिटिकल स्कूल बोला इसको इसको पॉजिटिव स्कूल बोला इस स्कूल का नाम पॉजिटिव स्कूल दिया गया क्योंकि ये स्कूल जो है वो पता कौन से लो की बात करता है जो लो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है लो एज इट इज जो लो सोसाइटी में है ना उसकी बात करते हैं लो दो प्रकार के हो सकते हैं एक तो लो जो सोसाइटी में ऑलरेडी है लो एज इट इज जो है अभी एक वो लो हो सकता है एक वो लो हो सकता है जो सोसाइटी में होना चाहिए लो एज इट आउट टू बी जो होना चाहिए सोसाइटी में है नहीं वो लो पर होना चाहिए हम स्कॉलर्स मानते हैं तो जो एनालिटिकल स्कूल है बच्चों वो बात करता है बेसिकली लो जो सोसाइटी में है वो अच्छा लो है बुरा लो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोरलिटी के अगेंस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग है उसी की स्टडी ये करते हैं एनालिटिकल स्कूल इसलिए इसको हम पॉजिटिव स्कूल बोलते हैं पॉजिटिव स्कूल बेसिकली उसी स्कूल को बोलते हैं जो स्टडी करता है लोग की जो लो सोसाइटी में है उसकी लोग कैसा सोसाइटी में होना चाहिए इससे इस, इस स्कूल को कुछ लेना देना नहीं है इस स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं इंपेरेटिव स्कूल भी स्कूल को बोलते हैं क्यों बोलते हैं इंपेरेटिव स्कूल क्योंकि इस स्कूल के अनुसार ये जो स्कूल है इस स्कूल के अनुसार लो क्या है इट इज अ कमांड ऑफ सॉवरन इट इज अ कमांड ऑफ सोवरन जो कंट्री में सबसे सुप्रीम बंदा है उसकी कमांड लो को माना जाता है इसलिए इसको हम इम्परेटिव स्कूल भी बोलते हैं तो एनालिटिकल स्कूल जो है बच्चों इसके तीन चार नाम है इसको इंपरेटिव स्कूल बोलते हैं क्योंकि यह स्कूल मानता है कि लो कमांड है सोवरन की इसको हम लोग जो है वो पॉजिटिव uh, स्कूल भी बोलते हैं क्योंकि ये डील करते हैं लो एज इट इज के साथ इसको हम लोग जो है इसको हम लोग एनिट्रिकल स्कूल बोलते हैं क्योंकि ये डील करता है लॉ एज डील करता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ के साथ अब बच्चों सबसे पहले बैंथम बैंथम जो थे इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तीन चार बार आ चुका है बेशुक सिलेबस में नहीं है सिलेबस में तीन है आपके एक हार्ट है एक कैल्सन है एक आस्टिन है पर बैंथम का क्वेश्चन चार नंबर में दो तीन बार दस बार क्वेश्चन है इनफैक्ट पिछले लास्ट तक देखो आप तो बैंथम जो थे बच्चों बेसिकली Bentham को फर्स्ट स्कॉलर ये पहले पर्सन थे जिन्होंने स्कूल को किया पॉजिटिव पॉजिटिव लो के बारे में बात करी पॉजिटिव लो मतलब जो लो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बात करी ये बैंथम थे पहले 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 स्कॉलर ये थे के के आस्टीन आस्टीन बारे आस्टीन बारे आस्टीन बैंथम के बाद आस्टिन आए बैंथम के बाद ऑस्टिन आएम के

इट आउट टू बी लो एज इट आउट टू बी लो एज इट आउट टू बी और एक्सपोजिटोरियल डील करता है लो एज इट इज लो एज इट इज मतलब बैंथ में पहले पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि लो दो प्रकार का हो सकता है लो एज इट इज एंड लो एज इट आउट टू बी लो सोसाइटी में एक्चुअल में है और लो सोसाइटी में होना चाहिए लोगों की इच्छा है होना चाहिए पर है नहीं तो ये पहले थे जिन्होंने एक तो ये बात आपने बैंथ के बारे में याद रखनी है ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर ही वॉज द जनि बैंथम जो था उन्हें फाउंडर ही माना जाता है पॉजिटिविज्म का बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड द जूस स्टूडेंट्स इंटू सेंसोरियल जूस स्टूडेंट्स एंड एक्सपोजिटोरियल जूस स्टूडेंट्स ही टॉक्ड अबाउट लो एज इट इज एंड लो एज इट आउट टू बी ये बात आप पहले लिखोगे दूसरी बैंथ के बारे में क्या मेन बात आपने याद रखनी है जो बैंथम थे इन्होंने क्या दिया था इन्होंने प्रिंसिपल और लिटेरियन दिया था प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटी लिटेरियन इन्होंने क्या बोला इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला, इन्होंने बोला या फिर इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म ने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया उन्होंने बोला सोसाइटी में कानून ऐसे बनने चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल्स को ज्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले इंडिविजुअल्स अपने सारे काम कर सके गवर्नमेंट को इंडिविजुअल के काम करने के बीच रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए उनके बीच कोई रूल्स नहीं बनाने चाहिए चाहे लोग जो मर्जी करना चाहें जो मर्जी बिजनेस करना चाहें वो कर सकें किसने बोला बैंथम ने इसने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियन दिया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया इन्होंने क्या किया इन्होंने थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर दी प्लेजर दी पेन ये सारी बातें आप लिखो चार नंबर में आपको बहुत कुछ हो जाएगा लिखने के लिए तीन चार बातें हैं सेंसोरियल एक्सपोजिटोरियल थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरिज्मी है सारी बातें ये पेन एंड प्लेजर का मतलब क्या होता है सोसाइटी में जब आप रहते हो तो कुछ चीजें आपको पेन देती हैं कुछ आपको खुशी देती हैं प्लेजर देती हैं आपको और पेन एंड प्लेजर में लॉज ऐसे बनने चाहिए जो मैक्सिमम लोगों को खुश करे मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल किसने बच्चों ये बात बोली ये बैंथम ने बात बोली बैंथ ने बोला कि सोसाइटी में लोग कैसे होने चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस हो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो ये बैंथो ने सारी बातें बोली तो अब ये सारी बातें बैंथम में लिख सकते हो तो बैंथम इतना काफ़ी है अब हम जोहन आस्टिन के ऊपर आएंगे जिसमें आपको तीस नंबर क्वेश्चन आएगा हंड्रेड परसेंट तो जोहन आस्टिन जो कि एनालिटिकल स्कूल के जिनको हम फादर भी मानते हैं जिनको हम लोग इंग्लिश जूसप के फादर भी मानते हैं जोहन आस्टिन जोह आस्टिन की ओके जो okay. तो जोन आस्टिन की बात कर रहा था मैं जोन आस्टिन जो है क्या हुआ जी हांजी के बाद जोन आस्टिन की बात करूं तो जोन आस्टिन सतारह सौ नब्बे में पैदा हुए थे इंग्लिश के जुरिस्ट थे इंग्लिश के इंग्लैंड के इनको फादर ऑफ इंग्लिश जुस स्टूडेंट्स ही बोला जाता है इन्होंने क्या किया था इन्होंने अपनी स्टडी करी उसके बाद आर्मी में भी सर्व किया जो आर्मी में सर्व करने के बाद ये जो थे ये आ, प्रोफेसर भी बने यूनिवर्सिटी में लॉ की ब्रांच मुझे मेरे पास वो दिया मेरे पास दिया फ़ोन दिया मेरे पास तो बाहर जाएगा तो बोल रहा हूँ मैंने जु, इन्होंने स्टूडेंट्स का जो है इन्होंने जूस के प्रोफेसर भी बने ये लॉ के यूनिवर्सिटी में उसके बाद देखो इन्होंने छह लेक्चर्स डिलीवर किए लंदन में सिक्स लेक्चर्स बड़े फेमस हैं वो लेक्चर इनके सिक्स लेक्चर लंदन यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए और उन लेक्चर्स को किस बुक में डाला गया इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जिसका नाम था द प्रोविंस ऑफ जूस स्टूडेंट डिटरमाइंड द प्रोविंज ऑफ जू स्टूडें डिटरमाइंड Provinces of determined, इन्होंने ये एक बुक लिखी प्रोविसे और इस बुक में इन्होंने सिक्स लेक्चर को पब्लिश किया और लंदन के रहने वाले थे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं जॉन आस्टिन की तो इन्होंने अपना काफी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एनालिटिकल्स को डेवलप करने में इन्होंने लॉ की डेफिनेशन कैसे थी ध्यान सुनना अब बच्चों main concept पे आ में मेन कंसेप्ट रहा हूँ पेपर में क्वेश्चन यही आएगा डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आस्टिन या डिस्कस द थ्योरी ऑफ लॉ या डिस्कस द कमांड थ्योरी ऑफ आस्टिन ये को अब ये फिलहाल जूसपूडेंस ये फिलहाल तो आस्टिन के बारे में था कि वो सात नब्बे में पैदा हुए इंग्लैंड के रहने वाले थे आर्मी में सर्व किया प्रोफेसर बन गए उसके बाद इन्होंने कुछ एक लेक्चर्स लिखे बुक का नाम था द प्रोविसेज ऑफ जूसपूडेंस द प्रोविंस ऑफ जूसपूडेंस डिटरमाइंड ये बुक का नाम था ये जनरल सी बात होगी अब आ रहे मेनली आस्टिन का कंसेप्ट क्या लो का ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ लो आस्टिन कंसेप्ट ऑफ लो आस्टिन क्या लो का कंसेप्ट क्या था बच्चों आस्टिन ने क्या किया आस्टिन ने बोला लो दो प्रकार का होता है लो क्या होता है लो दो प्रकार का होता है पहला होता है हमारा लो लो प्रॉपरली सो कॉल्ड लो प्रॉपरली सो कॉल्ड और दूसरा जो लो होता है हमारा वो होता है लो इम सो कॉल्ड लो इम सो so, कार्ड इन्होंने क्या बोला लो दो प्रकार का हो सकता है एक लो वो जो सच में लो है प्रॉपरली सो कार्ड जिसको हम सही में लो बोल सकते हैं जो सच में लो है और दूसरा लो वो हो सकता है जो लो होता नहीं पर उसको लो बोल दिया जाता है इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था लो ऑफ ग्रेविटेशन का लो ऑफ ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम देखो हम अगर साइंस पढ़ते हैं हम बहुत सारे नियम पढ़ते हैं मोटर का लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ रा, राइट मोटर लेफ्ट मोटर बहुत सारे लॉज हैं मैंने भी टेंथ प्लस टू में बहुत सारे पढ़े थे जब मैं टेंथ सॉरी प्लस टू में तो नहीं पढ़ा था टेंथ में मैंने साइंस में बहुत सारे लॉज पढ़े थे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का नियम थे तो देखो हम यहाँ भी टर्म यूज़ कर रहे हैं पर ये लॉ कैसा लॉ है ऐसा लो जो इम्प्रॉपर है मतलब ये लो सही बाई नहीं वो लो नहीं है जो आसने बोलना चाहते हैं ये वो लो नहीं है जो सोसाइटी को गवर्न करता है ये तो बस लो हम नाम दे देते हैं साइंटिफिक लॉज है नाम दे देते हैं पर ये लो लो नहीं होता इसको बोला इसने लो इम प्रॉपरली सो कार्ड और जो लो प्रॉपरली सो है इसमें इसने बोला दो प्रकार का लो होता है एक ह्यूमन लो और एक होता है हमारा लो मेड बाई गोड लो मेड बाई गोड भगवान के जरिए बनाया हुआ लो ह्यूमन लो में इसने क्या बोला आस्टिन ने ह्यूमन लो भी दो प्रकार का होता है एक वो सेट बाई एक वो लो जो सेट कौन करता है सेट बाई पोलिटिकल सुपीरियर पोलिटिकल सुपीरियर और एक वो सेट बाई एनी अदर पर्सन हु इज नॉट पोलिटिकल सुपीरियर देखो ध्यान से आज जो फर्स्ट पर्सन था जिसने बोला लो दो प्रकार का होता है लो एक सही मायने में जो लो है एक वो लो जो लो टर्म यूज कर लेते हैं पर लो होता नहीं इसमें उसने उन्होंने लो ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल दिया लो प्रॉपरली सो काल में जो सच में लो है वो दो भागों में बांटा ह्यूमन लो और लो मेड बाई गॉड ह्यूमन लो की मैं बात करूं तो ह्यूमन लो को इसने बोला दो प्रकार का हो सकता है एक वो जो पॉलिटिकल सुपीरियर सेट करे और एक वो जो पोलिटिकल सुपीरियर सेट ना करे एक तो वो जो कंट्री में राजा सेट करे एक वो जो छोटे मोटे लोग सेट कर देते हैं मान लो राजा के अलावा और भी लोग सोसाइटी में रहते थे वो अपने घर में नौकरों को रखते थे नौकरों के लिए वो लॉज बनाते थे एक बेतु तो उन्हें कब आना है कब नहीं आना है तो वो छोटे मोटे लॉज भी कोई ह्यूमन बींग ही बना रहे थे ना पर वो पॉलिटिकल सुपीरियर तो नहीं बना रहा था राजा तो नहीं बना रहा था इसने बोला दो प्रकार के ह्यूमन लॉ होते हैं एक वो लोग जो ह्यूमन बींग बनाते हैं पर अपने छोटे लेवल पर एक वो लोग जो सुपीरियर बनाता है ह्यूमन बींग इसने बोला केवल यही लो सही मायने में लो है बाकी कुछ भी लो नहीं है क्या बोला आस्टी ने आस्टी ने बोला इज़ कमांड ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर और सोवरन ओवर द इनफीरियर इन द सोसाइटी बैकड बाई इन केस इफ़ वन डज नॉट फॉलो द कमांड ध्यान सुना आपने क्या बोला आस्टिन ने आस्टिन ने बोला कि लो एक जो कमांड है किसकी कमांड है पॉलिटिकल सुपीरियर की जो सोसाइटी में सबसे सुपीरियर है सबसे पावरफुल है उसकी कमांड है लॉ इज आसनिया कांसेप्ट ऑफ लॉ पर हम क्या बोले इसमें लॉ क्या ये कमांड है किसकी कमांड है ये कमांड है सोवरन की कौन सा सोवरन जो सोसाइटी में पॉलिटिकल है पॉलिटिकल सोवरन है मतलब किंग है जैसे सम्राट है और जब वो कमांड देता है तो सभी की ड्यूटी बन जाती है सभी की ड्यूटी टू फॉलो दैट टू फॉलो ड्यूटी टू फॉलो सभी की ड्यूटी बन जाती है उसको फॉलो करे किसको फॉलो करे कमांड को जो कमांड सोवरन दी उसको फॉलो करे और अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेंगे उसको सेंक्शन मिलेंगे उसको पनिशमेंट मिलेगी तो देखो तीन चार बातें निकले सामने ही आज ने क्या बोला लो इज द कमांड ऑफ सोवरन फॉलोड बाई इंफीरियर एंड इफ दे डो नाट फॉलो इट दे वुड बी पनिश्ड वट इज लो लो इज अ कमांड ऑफ सॉवरन लो इज अ कमांड ऑफ सोवरन और पोलिटिकल सुपीरियर विच इज बैकड बाई सेंशन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फॉलोइंग ऑफ कमांड ये ये है लो ये है कमांड थ्रोरी इसी को कमांड थ्योरी तो आपने एक्सप्लेन करनी है कमांड का मतलब क्या है सोवरण का मतलब क्या है ड्यूटी क्या है और सेंशन का मतलब क्या है ये बातें आप एक्सप्लेन करोगे तो ये है हमारी सोवरण की ये हमारी किसकी बेसिकली आस्टिन की डेफिनेशन uh, आस्टिन की के जो मेन इसल्स है वो ये है अब बच्चों ये लिख दिया अब आस्टिन ये बात तो बोल दी पर आस्टिन को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया आस्टिन को लोगों ने यह आया पेपर में प्रीवियस सीजन के आस्टिन की डेफिनेशन की पहला उसको क्या क्रिटिसाइज किया गया उसे बोला गया कि आस्टिन ने बोला लो इज कमांड ऑफ सोवरन पर इसने कस्टम इग्नोर कर दिए कस्टम इग्नोर कर दिए इसने क्या किया इसने जज मेड लो इग्नोर कर दिया इसने क्या किया इसने अनरिटन लो इग्नोर कर दिया इसने क्या किया इसने बोर्कजिस्ट इग्नोर कर दिया समझे डोंट वरी देखो क्या बोला मैंने पहले आपको इसने क्या किया इसने किया लॉस कन्फरिंग प्रिविलेजेस इग्नोर कर दिए इसके कंसेप्ट को सैंक्शंस को भी इसको जो इसने सैंक्शंस वर्ड यूज किया उसको भी क्रिटिसाइज किया गया देखो हुआ क्या जो क्रिटिक्स थे जो इसको विरोध करने वाले उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारी सोसाइटी तो आज नहीं बनी है सोसाइटी तो सदियों से बनी आ रही है आस्टिन तो अभी आए नाइनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी में आए उससे पहले सोसाइटी बनी हुई है सोसाइटी जब बनी थी तो लॉज तो पहले से सोसाइटी में थे कस्टम पहले से सोसाइटी में थे कस्टम लोग फॉलो करते थे वो कस्टम राजा और महाराजों ने नहीं बनाए वो लोगों ने बनाए लोगों ने खुद कस्टम फॉलो किए अगर आस्टिन की डेफिनेशन को देखा जाए तो कस्टम तो इग्नोर ही होगी कस्टम हो अब लो नहीं है क्या आप बताओ आप सोसाइटी में मैक्सिमम कस्टम से रेगुलेट होते हो आप कस्टम बोलते हैं कि आपने ये काम करना है आप पक्का करते हो और कस्टम नहीं करना आप नहीं करते हो और जितने भी कानून बने आज की सोसाइटी में वो सारे कस्टम बेस्ड है जो कस्टम थे उन्हीं को लिख दिया और कानून बना दिया हिंदू मैरिज एक्ट पूरा कस्टम पे बेस्ड है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पूरा कस्टम पे बेस है जो सदियों से कस्टम फॉलो किए जा रहे थे उन्हीं का लॉ भी बन रहा है तो क्रिटिक्स मानते हैं कि जो थी ने बोला लो इज कमांड ऑफ सॉवरन जो सॉवर ने बोला वो लो है जो कस्टम ऑलरेडी है वो सॉवरन ने नहीं बोले हैं वो भी लो ही तो है तो इन्होंने आस्टिन क्या कि अपनी डेफिनेशन को बड़ा नैरो कर दिया और कस्टम इग्नोर कर दिया ये क्रिटिक्स का मानना है दूसरा जज मेड लो इग्नोर आपको पता है जजेस जो डिसीजन देते हैं वो लो बन जाता है अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में हाई कोर्ट हमारे देश में कोई भी डिसीजन देते हैं ना वो कानून बन जाता है वो सभी कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं कोर्ट उससे बाहर नहीं जा सकता अगर जज ने बोल दिया कोई पर्टिकुलर चीज तो वो कानून बन जाता है पर आस्टिन ने तो जज मेरे लोग इग्नोर ही कर दिया उसने बोला लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन जो सोवरन ने बोला सुप्रीम पोलिटिकल अथॉरिटी ने बोला वही लॉ है जो जजेस बनाएंगे वो लॉ नहीं है क्या तो इसने क्या किया इसने प्रेसिडेंट बोलते हैं जजेस के जरिए बनाए हुए लोगों को President को इसने इग्नोर कर दिया इसको भी इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया गया अनरिटन लो इसने बोला लो इज ए कमांड ऑफ सोवरन सोवरन ने जो कमांड दी वो लो है यार सोसाइटी में ऐसे बहुत से लो हैं जो सदियों से फॉलो किए जा रहे हैं वो लिखे हुए नहीं है वो अनरिटन है वो अनरिटन है, है वो लिखे हुए नहीं है और इसको क्या किया इसको इग्नोर कर दिया तो वर्सेपे जा इसको क्या किया इसको इग्नोर कर दिया किसने आस्टिन ने ये क्रिटिक्स मानते हैं जिस्ट इग्नोर का मतलब था क्या था Walk. Walk का मतलब होता है ने दिया था हम आगे हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ेंगे सेविग्नी एक स्कॉलर थे उन्हें बोला कि कानून जो बनते हैं वो लोगों की इच्छा पे डिपेंड करते हैं विल ऑफ पीपल के ऊपर कानून डिपेंड करते हैं लेकिन आस्टिन ने क्या बोला लो इज ए कमांड ऑफ सोवरन सोवरन की कमांड है अब मान लो सोवरन कोई ऐसी कमांड दे जो लोग नहीं चाहते लोगों की विल नहीं है पर सोवरन ने कमांड दे दी वो तो लो बन जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बोल के जिसका कंसेप्ट था लोगों की इच्छा लोगों की इच्छा के ऊपर कानून बनते हैं जो कि सविग्नि ने हिस्टोरिकल स्कूल ने दिया था उसको आस्टिन ने इग्नोर किया तो हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो हैं वो आस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं ये बोल के कि <coughs> कानून हमेशा सोवरन की विल नहीं होता कानून लोगों की विल होता है सोवरन लोगों की विल के अनुसार काम करता है पर आस्टिन ने तो सोवरन को सर्वे सर्वा बना दिया और सोवरन जैसा मर्जी लॉ बनाए बोल के जिस्ट को भी इग्नोर कर दिया अगला लॉज कन्फरिंग प्रिवलेज इग्नोर देखो सोसाइटी में कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमें प्रिवलेज देते हैं जो हमें प्रिवलेज देते हैं अच्छा जो लॉज आपको प्रिवलेज दें वो लो आप फॉलो करोगे ना आप करोगे चाहे उसके पीछे आपको पनिशमेंट मिले या ना मिले ऑब्वियस ऑब्वियसियो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कमांड अगर लॉ कमांड है की, और अगर आप उस कमांड को फॉलो नहीं करेंगे करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी आपको सजा मिलेगी आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ जो प्रिवलेजेस वाले कानून हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं प्रिविलेज देते हैं क्या आपको उनको मानने के लिए किसी सज़ा से डरने की जरूरत है आप तो मानोगे वो तो आपके बेनिफिट में है सज़ा ना भी हो तो भी आप उनको मानोगे आपको अगर आप आपको कोई नहीं डराएगा तो भी आप मानोगे आपको पता आपके बेनिफिट फेरफिट के लिए है तो लॉस जो प्रिवलेजेस देते हैं उसको इस आस्ट ने क्या कर दिया इसने इग्नोर कर दिया आगे आता है हमारा सेंक्शंस इसने बोला लो जो कमांड ऑफ सॉवरन है और अगर आप कमांड नहीं मान लोगे तो आपको सेंक्शन मिलेंगे आपको सजा मिलेगी यार सोसाइटी में बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो बिना सेंक्शंस के डर के भी आप मानते हो बहुत से कारून ऐसे हैं जो आप मानते हो चाहे आप उसके ऊपर सेंक्शन ना मिले आप सोसाइटी में चोरी नहीं करते हो चोरी की सजा है सजा है डर है सेंक्शन है पर क्या आप चोरी तो नहीं करते क्योंकि वहां पे डर है आपको चोरी करने पर सजा मिलेगी या वैसे ही आपका इनर कॉन्शियस एलाउ नहीं करता मेरा तो इनर कॉन्शियस अलो नहीं करता मैं चोरी करूं मैं किसी को गालियां दूं मेरा इनर कॉन्शियस अलाव नहीं करता मैं डरता थोड़ा सजा से सजा से मैं डरता मैं तो इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा इनर कॉन्शियस बोलता है कि तुम फॉलो करो तो क्रिटिक्स का मानना यही है कि जो इसने सेंक्शन टर्म बोली कि सोसाइटी में लॉज इसलिए फॉलो होते हैं क्योंकि लोगों को डर है कि नहीं फॉलो करने पर सज़ा मिलेगी ये सही बात नहीं है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बहुत से लॉज ऐसे हैं बहुत से लॉज ऐसे हैं जो एक पर्सन फॉलो करता है एक पर्सन फॉलो करता है चाहे उसको उसके लिए सजा मिले या ना मिले ठीक है बच्चों आई होप आपको समझ आ रहा होगा तो हमें आस्ने का कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया अब आस्ने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है हमारा हैंस कैल्सन का किसका है बच्चों कैल्सन का ठीक है कैल्सन कैल्सिन दूसरे हम पढ़ेंगे कैल्सिन के बारे में हमने पहले आस्टिन के बारे में पढ़ा अब हम, हम कैल्सिन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस वियना स्कूल ऑफ लॉ तो भी आप यही लिखोगे वियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स तो भी आपने यही लिखना है बच्चों बियना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स आ जाए तो भी कैल्सन के बारे में लिखना है कैल्सन जो थे बच्चों बेसिकली ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और कैल्सन ने क्या किया इन्होंने एनालिटिकल स्कूल को आगे बढ़ाया इन्होंने एनालिटिकल स्कूल को आगे बढ़ाया और एनालिटिकल स्कूल में ही इनको हम इंक्लूड करते हैं आस्टिन के बाद आने वाले बड़े महत्वपूर्ण स्कॉलर थे जिन्होंने क्या दी थी इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लो दे दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लो तो प्योर थ्योरी ऑफ लो किसने दी कैल्सन ने दी पहली बात और प्योर थ्योरी ऑफ लो कैल्सन ने दी में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी डिस्कस द प्योर थ्योरी ऑफ फ्लो प्योर थ्योरी ऑफ फ्लो आ जाए तो भी यही जो ऑफ लीगल थॉट ये जाए तो भी ये लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन ये लिखोगे कभी भी आ जाता है डिस्कस द कैल्स कंसेप्ट ऑफ ग्रन नो ग्रन नोम कभी ये कंसेप्ट आ जाता है डिस्कस कैल्सन कंसेप्ट ऑफ ग्रन नोम तो भी आपने ये लिखना है जो मैं आज पढ़ाऊंगा तो आज हम अच्छे से भी कैल्सन के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बता दू आपको जो कैल्सन थे अठारह सौ में बोर्न हुए थे एटीन एट्टी वन में ऑस्ट्रिया में ये बोर्न हुए थे उसके बाद इन्होंने भी अपनी काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया ये प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने स्टडी भी जर्मनी से करी तो ये सारी बातें आप लिख लिखे तो किसी पर्सन की जीवन की गाथा है जो आप लिख सकते हो जो आपको लिखनी पड़ेगी अब मेन आएगा जो मेन है मेन है कि कैल्सनस प्योर थ्योरी ऑफ लो क्या थी क्या है मेन प्योर थ्योरी ऑफ फ्लो कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लो तो बच्चों मैं कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लो की बात करूं तो कैल्सन एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने लो को बिल्कुल प्योर कर दिया बाकी सोशल साइंसेस से बाकी सोशल साइंसेस से सोशल साइंस मतलब जैसे सोशोलॉजी हो गई जैसे इकोनॉमिक्स हो गई जैसे साइकोलॉजी हो गई जैसे मोरालिटी हो गई जैसे रिलीजन हो गया कैल्सन ने बोला कि भाई लॉ इज अ प्योर इन इट्स नेचर लॉ इज नॉट सेम एज अदर सोशल साइंसेस, लॉ डजेंट हैव एनी इंट्रैक्शन एनी कनेक्शन विद ऑल दि सोशल साइंसिस इसने बोला लो लो है लो प्योर है लो का नॉलेज अलग है और ये सोशल साइंसिस का नॉलेज अलग है लो ना तो रिलीजन है लो ना तो मोरालिटी है लो ना तो साइकोलॉजी है लो ना तो इकोनॉमिक्स है लो ना तो सोशोलॉजी है ना तो सोशल साइंसिस तो है किसी प्रकार की लो को इसने एक प्योर थ्योरी दी जिसका मतलब था कि लो बिल्कुल प्योर है बाकियों से लो अलग है बिल्कुल और बाकी चीज़ें अलग हैं इसने ये बात बोली अपनी इसी थ्योरी में कैल्सन ने क्या बोला कैल्सन ने बोला लो इज अ इज अ नॉर्मेटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस देखो बच्चों जो कैल्सन था ना वैसे तो पॉजिटिव स्कूल से बिलोंग करता है पॉजिटिव स्कूल वाले फोकस करते हैं लो एज इट इज के ऊपर पर कैल्सन ने नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर फोकस किया इसने बोला लो कोई नेचुरल साइंस नहीं है ये नॉर्मेटिव साइंस है क्या साइंस है नॉर्मेटिव साइंस इसने बोला कि लो डील विद द आउट टू प्रपोजिशन आउट टू प्रपोजिशन इसका मतलब क्या हुआ इसने क्या बोला इसने बोला कि लो जो है वो आउट टू के साथ डील करता है आउट टू का मतलब होता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए कैल्सन ने बोला कि लो इज नॉर्मेटिव साइज अकॉर्डिंग टू विच इफ वन कमिट्स क्राइम देन ही मस्ट बी पनिश्ड

स्कूल में पढ़ रहे हैं जैसे कैल्सन ने बोला कि लो क्या है लो इज ए कमांड ऑफ सोवरन ये कमांड है सोवरन की वैसे ने, वैसे ही ने ने कैल्सन क्या बोला लो क्या है लो नॉर्म्स है सेट ऑफ नॉर्म्स है वो से नॉर्म्स का समूह कानून है इसने बोला लो कोई नेचुरल साइंस नहीं है लो नॉर्मेटिव साइंस है लो हमें बताते नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है ऐसी साइंस जो हमें नॉलेज देती है क्या होना चाहिए सोसाइटी में व्हाट शुड बी व्हाट आउट शुड बी क्या होना चाहिए तो इसने बोला कैल्सन ने कि हमें जूसपूडेंस बताता है लो बताता है कि सोसाइटी में लो कैसा होना चाहिए ये हमें बेसिकली बताता है ये कैल्सन का मानना था कैल्सन ने आउट टू प्रेपोजिशन पे फोकस किया उन्होंने बोला कि अगर सोसाइटी में कोई एक पर्सन क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ अब देखो बच्चों कैल्सन ने एक बात तो ये बोल दी आपको समझ आ गई अब कैल्सन ने आगे कंसेप्ट दिया नॉर्म्स का जो पेपर में क्वेश्चन अलग से आता पैरामिट पैरा पैरामिट पैरामिट ऑफ नॉम्स देखो ध्यान से बात सुनो क्या बोल रहा हूं मैं आपको हमने कैल्सन को पढ़ डे हम हमने कैल्सन वाइन जाना कैल्सन ऑस्ट्रिया के पर्सन थे ऑस्ट्रिया में एटीन एटी वन में जन्म हुआ इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन ली बाद में ये प्रोफेसर बन गए और इन्होंने एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि लॉ बाकी सोशल साइंसेज से बिल्कुल सेपरेट है बिल्कुल अलग है बाकी सोशल साइंसिस के साथ हम लॉ को मिक्स नहीं कर सकते ये सिंपल बात बोली ऑस्ट्री ने सॉरी uh, कैल्सन ने कैल्सन ने बोला कि लॉ जो वो नॉर्मेटिव साइंस है अर्थात लॉ सोसाइटी में कैसा होना चाहिए यह बात स्टडी करता है जो स्टूडेंट्स इसने ये बात बोली इसने बोला ग्रैंड नॉर्म्स और पैरामिड ऑफ नॉर्म्स का कंसेप्ट दिया इसने बोला सोसाइटी में जो लॉ है इट्स अ सेट ऑफ नॉर्म्स किसका सेट है सेट ऑफ नॉर्म्स बहुत से नॉर्म्स का सेट है और जो बहुत से नॉर्म्स हैं बहुत सारे नॉर्म्स हैं सेट में बहुत से नॉर्म्स हैं है, वो नॉर्म्स जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं वाई दे आर नॉम्स वैलिड ये नॉर्म्स वैलिड क्यों है बिकॉज दे ड्राइव द अथॉरिटी फ्रॉम द ग्रैंड नॉर्म्स कैल्सन ने बोला सोसाइटी में एक ग्रड नॉम होता है एक सुप्रीम नॉम होता है और उस सुप्रीम नॉम से सारे नॉम अपनी अथॉरिटी लेते हैं सुप्रीम नॉम से अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो वो नॉम्स वैलिड नहीं होंगे वो वाइड हो जाएंगे ये इन्होंने बोला इन्होंने क्या किया कैल्सन ने कैल्सन ने बोला इन्होंने पैरामिड ऑफ नॉम दिया पैरामिड मतलब ये त्रिभुज ये त्रिभुज दी इन्होंने बोला टॉप में होता है हमारा ग्रड नॉम और इसके नीचे बहुत से नॉम्स होते हैं और जो नॉर्म्स होते हैं बहुत सारे वो सारे के सारे नॉर्म्स जो है वो बेसिकली ग्रैंड ग्रॉम से अपनी क्या लेते हैं अथॉरिटी लेते हैं आप इंडिया में आओ इंडिया में पहले इंडिया के संदर्भ में देखो फिर आपको अच्छे समझ आएगा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है है ना इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है किसको पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है पार्लियामेंट क्या कर दे, देती है उसके पास पावर है कि वो जो दे हमारे राज्य के डीसी होते हैं या एसडीएम होते हैं उनको पावर देती है कि वो भी लो बना सकते हैं पावर डेलीगेशनस इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर डेलीगेटेशन एस डी एम क्या जो है वो लो बना देते हैं फिर नॉर्म्स बना देते हैं मतलब बहुत सारे नॉर्म्स बना देते हैं अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से जो एस डी एम ने लो बनाया वो लो वैलिड है क्यों वैलिड है क्योंकि एस डी एम कहाँ से अथॉरिटी ले रहे हैं अपनी पार्लियामेंट से तो पार्लियामेंट क्या बन गया एक पार्लियामेंट एक तरह से एसडीएम के लिए ग्रोम बन गया पार्लियामेंट से उन्हें अथॉरिटी ली अब पार्लियामेंट ने अथॉरिटी क्यों दी पार्लियामेंट के पास क्या पावर थी क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि तुम लॉ बनाकर किसी को अथॉरिटी दे सकते हो लॉ बनाने के आगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने पा पावर ली अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो ये क्या बन जाएगा हमारा ग्रह नॉम तो कैंसर ये बोलना चाहते हैं बच्चों कि हर सोसाइटी में एक सबसे सुप्रीम नॉम होता है और वो नॉम सबसे पावरफुल होता है उस नॉम से हर नॉम को नीचे से पावर लेनी पड़ती है वैलिड होने के लिए अगर वो सुप्रीम नॉम नीचे वाले नॉम्स को पावर नहीं देगा तो नीचे वाला नॉम जो कभी भी क्या नहीं होगा कभी भी नीचे वाला नॉम वैलिड नहीं हो सकता मतलब मतलब एक ऑफ नॉम है सबसे ऊपर ग्रण नॉम होगा उससे नीचे कुछ और नॉर्म्स होंगे नीचे कुछ और नॉर्म्स होंगे ये नॉर्म जो वो इससे अथॉरिटी लेगा ये इससे लेगा ये इससे लेगा और ये फाइनली ग्रैंड नॉर्म से लेगा ग्रैंड नॉर्म सबसे सुप्रीम नॉर्म होगा पर कैलसन अपनी अपनी थ्योरी में ये बताना भूल गए कि ये ग्रैंड नॉर्म क्या है ये ग्रैंड नॉर्म है क्या इसने इन्होंने ये बताया नहीं इन्होंने बोला क्या कि ग्रैंड नॉर्म कैसे पता चलेगा वो एक देश के लीगल सिस्टम को देखना पड़ेगा हर कंट्री में ग्रैंड नॉर्म अलग अलग होगा किसी कंट्री में जैसे हमारा देश है हमारे देश में ग्रण नोम क्या है हमारे देश में जो ग्रण नोम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे देश में ग्रण नोम कॉन्स्टिट्यूशन आप इंग्लैंड में चले जाओ वहाँ ग्रण नोम क्या है वहाँ पर ग्रण नोम पार्लियामेंट है तो कैलसन ने बोला ग्रण नोम क्या होगा इसने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी इसने बोला ग्रण नोम कुछ है या नहीं है ये हर कंट्री में अलग अलग होगा हर कंट्री के लीगल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा तो बच्चों ने अपनी डेफिनेशन तो दे दी इन्होंने और क्या बातें बोली अब कुछ एक पॉइंट्स हैं इंप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट हैं इसेंशियल्स हैं कैल्सन की डेफिनेशन इस थ्योरी के इन्होंने क्या बात बोली इन्होंने बोला कि पब्लिक लो और प्राइवेट लो इनमें कोई फर्क नहीं है ये डिफरेंट नहीं है आपस में क्यों डिफरेंट नहीं है क्योंकि पब्लिक लो होगा वो भी ग्रैंड नॉर्म से ही अपनी पावर लेगा अगर प्राइवेट लो होगा तो वो भी ग्रैंड नॉर्म से पावर लेगा अगर सारे पावर ग्रेड नॉर्म से लेंगे तो इनमें फ़र्क क्या है इनमें कोई फर्क नहीं है इन्होंने बोला कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लो प्राइवेट लो वैसे इन्होंने बोला देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल पर्सन एंड जुडिस्टिक पर्सन कोई डिफरेंस नहीं है नेचुरल पर्सन और जुडिस्ट्रिक पर्सन में बट जो नेचुरल पर्सन जैसे मैं हूँ आप हैं ह्यूमन बींग है और जुडिस्टिक पर्सन जो कंपनीज होती हैं वो नेचुरल पर्सन नहीं होती पर उनके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं तो कैंसर मानते हैं कि दोनों पर्सन के ऊपर जो है वो नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे जो ग्रैंड नॉम्स से पावर लेंगे और नीचे नॉर्म्स जो बनाए जाएंगे वो सारे इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे तो इनमें कोई फर्क ही नहीं है नेचुरल पर्सन हो या जुडिस्टिक पर्सन हो सभी के ऊपर नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे तो इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है इनमें कोई फर्क ही नहीं है इन्होंने ये बात बोली इसके बाद क्या बात बोली इन्होंने एक और बात बोली कि लो एंड स्टेट दे आर नॉट डिफरेंट देखो उन्होंने क्या बोला कि चाहे कानून हो चाहे राज्य हो दोनों में कोई फर्क नहीं है कानून जो है वो भी ग्रंड नोम से अपनी पावर लेता है और जो स्टेट है वो भी ग्रंड नोम से अपनी पावर लेता है किससे ग्रंड नोम से तो इन्होंने बोला इन दोनों में कोई फर्क नहीं है एक उन्होंने ये पॉइंट बोला कैल्सन ने पॉइंट ने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है इट इज सुप्रीम लॉ। सु, इंटरनेशनल लॉ बच्चों क्या है सुप्रीम लॉ है सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है सुपरमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करी कैल्सन ने ये कैल्सन ने बातें बोली कैल्सन की थ्योरी भी क्रिटिसिज्म से बची नहीं जैसे आसनी को क्रिटिसाइज किया गया वैसे कैल्सिन को बहुत से पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज किया गया अब हर चीज़ों के दो पहलू हैं बच्चों जहां पे कोई पर्सन कोई बात बोल लेगा तो विरोधाभास तो उसका होता ही है अब मैं कोई बात बोलूँ तो काफी लोग मेरे मुझे विरोध मेरा विरोध करेंगे आप गलत बोल रहे हो तो कैल्सन को सबसे पहले किस बात पर क्रिटिसाइज किया गया अब मैं क्रिटिसिजम पर आ रहा हूँ क्रिटिसिजम ऑफ कैल्सन थ्योरी क्या क्रिटिसिजम थे कैल्सन के कैल्सन को क्रिटिसाइज किया गया सबसे पहले ये बोल के कि जो कंसेप्ट ऑफ ग्रंट नॉर्म था इट इज़ वेक

देखो बच्चों हर सोसाइटी में अपने कुछ लॉज होते हैं नेचुरल लॉज ऐसे लॉज हैं जो लिखी भी ना हो फिर भी लॉज होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर मान लो मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया तो जज साहब आपको ऐसे नहीं आपको लटका देंगे पहले वो आपकी बात भी सुनेंगे दोनों को सुना जाएगा पहले ये प्रिंसिपल होता है नेचुरल जस्टिस का जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी को सांस लेने का राइट है सभी को खाना खाने का राइट है सभी को घूमने का राइट है तो ये कुछ नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल लॉ से मिले हमें ये चीजें लेकिन जो हमारे कैल्सन हैं उन्हें नेचुरल लॉ की बात ही नहीं करी नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया अब नेचुरल लो है इसको किसी ग्रह नॉम से अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है नेचुरल लो तो पहले से आ गया था सोसाइटी में ग्रह नॉम तो अभी आते रहे होंगे नेचुरल लो तो पहले से जब सोसाइटी में तब नेचुरल लो आ गया था अपने आप सभी को जीने का अधिकार था सभी को सांस लेने का अधिकार था तो नेचुरलो पहले जो सोसाइटी में था तो नेचुरल नेचुरलो के पॉइंट पर भी उसको डिसाइड किया गया कि किसी नेचुरल नैचुरलो को इग्नोर कर दिया नेचुरल नेचुरलों के बारे में अच्छे से कुछ भी इसने नहीं बोला इसके बाद पांच में सर सीजन है सोशलॉजिकल स्कूल वाले जो सोशलॉजिकल स्कूल के लोग हैं वो बोलते हैं कि लोगों को सोसाइटी के लिए बनाया जाता है लोग और सोसाइटी आपस में लिंक करते हैं लेकिन ये जो कैल्सन की थ्योरी है इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेबिलिटी नहीं है प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकेबल uh, नहीं है थ्योरी ये इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल एग्रेंट नॉर्म होगा फिर नीचे के नॉर्म्स होंगे फिर वो पावर लेंगे उससे तब वो वैलिड होंगे क्या मतलब है तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बड़ा कम पाई जाती है तो ये सारी बातें आप लिखोगे किस में लिखोगे आप एक किस चीज़ में लिखोगे ये होप आपको समझ आ गया होगा अब अगला जो है वो हमारा नया कंसेप्ट आता है एच एल ए हार्ट का किसका एच एल ए हार्ट हार्ट जो है बड़े ही महत्वपूर्ण स्कॉलर है जो भी जो ये भी एनालिटिकल स्कूल के है बच्चों एनालिटिकल स्कूल में आपको बेसिकली चार पढ़ी हमने ठीक है तो बच्चों देखो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने हम एनालिटिकल स्कूल के बारे में पढ़ने हैं एनालिटिकल स्कूल और एनलिटिकल स्कूल में हमने पहले पढ़ा हमने आश्री के बारे में हमने पढ़ा आज हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में और अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने के बारे में ठीक है तो, ओके देखो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ा सा पहले बताया मैंने आपको कि जो कैल्सन की थ्योरी है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्यों नहीं है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देखो अगर 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 आप प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली ऐसा क्या ऐसी क्या चीज़ है प्रैक्टिकली जो एक सोसाइटी में नॉर्म्स होंगे नॉर्म्स की अपनी अथॉरिटी किसी और से लेंगे उसके अथॉरिटी देखो बच्चों जो क्रिटिसिज्म होता है वो क्रिटिसिज्म जो सोशलॉजिकल स्कूल वाले हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि लो सोसाइटी में लो सोसाइटी का आपस में लिंक है जो ये थ्योरी मानना बोल रहे हैं इसकी तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्योंकि पहले हमें ग्रैंड नॉर्म ढूंढना पड़ेगा उसके बाद उससे अथॉरिटी कोई लेगा उससे अथॉरिटी को लेगा तब लो बनेगा अगर ग्रैंड नॉर्म नहीं हुआ तो लो वैलिड नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है लोग तो सोसाइटी में बनाए जाते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अगर सोसाइटी में कोई ग्रैंड नोम हुआ ही नहीं तो क्या सोसाइटी रेगुलेट नहीं होगी क्या सोसाइटी में रिलेशनशिप नहीं बनेंगे क्या सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ लिंक नहीं बनाएंगे क्या आपस में डील नहीं करेंगे तो लोग उसको तब भी बनेंगे जब ग्राउंड नोम नहीं होगा तो इसकी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है ये सोशलॉजिकल स्कूल वाले मानते हैं तो आप इसको ऐसे लिखोगे सिज्न में क्योंकि हर चीज़ जो चीज़ कोई पर्सन बनाता है उसका कुछ कोई दूसरे उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं या आपको हम इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज करते हैं और किस पॉइंट पर क्रिटिसाइज करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है कहाँ से ग्रैंड नॉर्म ढूंढेंगे कहाँ से हम लो, लोग सोसाइटी में लॉज बनाने से पहले इस सिस्टम को फॉलो करेंगे वो सोसाइटीज ऐसी होती है जिसमें कोई ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं होती मतलब ऐसा ग्रैंड नॉम्री और फिर भी सोसाइटी जन कर रही है वो तो आप ये सारी बातें उसमें लिख सकते हो अब हम एच एल ए हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो एच एल ए हार्ट की मैं बात करूँ तो ये भी पॉजिटिव इस थे एच एल ए हार्ट जो थे बेसिकली इन्होंने अपना जो कंसेप्ट दिया लो का इसमें इन्होंने सेट ऑफ रूल्स की बात करी ध्यान से मैंने बात कर को, कोशिश करनी है सेट ऑफ रूल्स इन्होंने सेट ऑफ रूल्स की बात करी जो अक्चल हार्ट थे उन्होंने बोला कि लो क्या है व्हाट इज लो इन्होंने बोला लो जो है वो सेट ऑफ रूल्स है लो क्या है वो सेट ऑफ रूल्स है कैसे देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आस्टिन ने क्या बोला लो इज अ कमांड ऑफ सोवरन कैल्सन ने क्या बोला लॉ इज़ अ सेट ऑफ नॉम्स विच ड्राइव द फ्रॉम द ग्रेड नॉम्स वैसे ही एच एल ए हार्ट ने बोला कि लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड विच टाइप ऑफ रूल्स सेट ऑफ प्राइमरी रूल्स सेट ऑफ प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स बोली बच्चों ये बात ये बोली बातल हार्ड ने हार्ड ने बोला लो ना तो नोम है लो ना तो कमांड है लो सेट ऑफ रूल्स है रूल्स का समूह है वो रूल्स सेकेंडरी भी हो सकती है वो ड्यूटी बाइंडिंग रूल है वो ड्यूटी बाइंडिंग रूल्स हैं जो प्राइमरी रूल है वो बंदों को क्या करते हैं ड्यूटी बाइंडिंग रूल है वो लोगों को बेसिकली राइट्स भी देते हैं राइट्स गिवन रूल रूल भी भी है भी है राइट्स गिवन गिवन रूल्स भी हैं लेकिन प्राइमरी रूल्स जो है उसमें कोई डिफेक्ट भी पैदा हो सकते हैं जो प्राइमरी रूल्स बन, बनते हैं जो सोसाइटी में लोगों को ड्यूटीज देते हैं लोगों को राइट्स देते हैं उनमें वो कुछ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं वो तीन प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं हार्ड ये बोलते हैं पहला डिफेक्ट ये हो सकता है कि वो रूल स्टैटिक हो सकते हैं दूसरा वो रूल अनसर्टेन भी हो सकते हैं वो रूल्स अन... सर्टेन भी हो सकते हैं तीसरा वो रूल जो है वो वो रूल जो हैं वो, वो, वो इन एफिशियंट भी हो सकते हैं इन एफिफिशियंट भी हो सकते हैं कौन से प्राइमरी रूल्स हार्ट ने बोला कि लो जो वो रेल सेट ऑफ रूल्स है बहुत सारे इसने बुक लिख दी कंसेप्ट ऑफ लो आपने याद करना है पेपर में लिख के आना है कंसेप्ट ऑफ लो जो इन्होंने बुक लिखी उसमें उन्होंने बोला कि लो जो है वो दो लो इज सेट ऑफ रूल्स रूल्स प्राइमरी रूल्स भी हो सकते हैं रूल्स सेकेंडरी भी हो सकते हैं प्राइमरी रूल्स वो रूल्स हैं जो हमारे ऊपर ड्यूटी बाइंडिंग है जो हमें राइट्स देते हैं वो रूल्स प्राइमरी रूल्स हैं लेकिन उन प्राइमरी रूल्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो प्राइमरी रूल्स स्टैटिक हो सकते हैं वो प्राइमरी रूल्स अनसर्टेन हो सकते हैं वो प्राइमरी रूल्स इनएफिशिएंट होते हैं तो जब प्राइमरी रूल्स में डिफेक्ट आ जाते हैं तो उस उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी रूल्स आते हैं सेकेंडरी रूल्स बच्चों तीन प्रकार के होते हैं एक रूल ऑफ चेंज रूल ऑफ चेंज एक रूल ऑफ रिकॉग्निशन और तीसरा रूल ऑफ एजुडिकेशन तीन प्रकार के रूल हो सकते हैं एक रूल ऑफ चेंज एक रूल ऑफ एक रूल ऑफ एजुडिकेशन क्या बोला हार्ट ने हार्ट ने बोला कि अगर प्राइमरी रूल स्टैटिक हो किसी प्रकार के स्टैटिक हो तो आप स्केंडरी रूल की हेल्प लीजिए रूल ऑफ चेंज की उसको चेंज कर दीजिए अगर प्राइमरी रूल आपके अनसर्टेन हो सर्टेन नहीं हो तो स्केंडरी रूल की हेल्प लीजिए रूल ऑफ रिकॉग्निशन उसको रिकॉग्नाइज कर दीजिए <coughs> और अगर वो इनएफिशिएंट हो प्राइमरी रूल्स इन इनएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंट नहीं हो तो स्कैंडल रूल्स की हेल्प लीजिए आप और इसको आप आर्जडिकेट कर दीजिए तो इस प्रकार से आप प्राइमरी रूल्स और स्कैंडल रूल्स की हेल्प से एक सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं एचएलए हार्ट के अनुसार तो ये हमारा एलेटिकल स्कूल खत्म हो गया बच्चों एनालिटिकल स्कूल में आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर में अभी हम लास्ट ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में तो अभी फटाफट मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बच्चों का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ जब तक मैं बोर्ड अच्छे से साफ़ करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमें हमारे मोटिवेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे नंबर फ़ोन पे नंबर पेटीएम नंबर नाइन एट वन डबल सिक्स थ्री फोर टू सेवन सिक्स एट टू वन नाइन एट

देखिए अब जो एनालिटिकल स्कूल में देखो कितना पूरा पेज भरा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों बीस नंबर में दस नंबर में तीस नंबर में च, चार हर एक नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं हर नंबर के देखो पहला क्वेश्चन है वो एरिस टोटल जो है सॉरी एरिस आस्टिन आस्टिन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ हमारा तो देखो आस्टिन का जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है तो वो तो आप लिख सकते हो आस्टिन जो थे वो पॉजिटिविस्ट थे और उसके बाद इनके थोड़े जन्म के बारे में कभी एक पैदा हुए इन्होंने क्या दी कमांड थ्योरी दी लो, इसे कमांड ऑफ सौंप रहे हैं। सारी बातें चार नंबर क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन है ग्रड नॉर्म्स ग्रंड नॉर्म्स क्या होते हैं वो कैल्सन की थ्योरी में से आया हुआ है ग्रंड नॉर्म्स क्या है कैल्सन ने थ्यूरी दी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इसमें इसने लॉ को सेट ऑफ नॉर्म्स बोला था इसमें एक लॉ इसने एक नॉर्म्स इसने सुप्रीम नॉर्म बोला था जो ग्रंड नॉर्म था जो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा जिसकी डेफिनेशन इसने एग्जैक्टली नहीं दी थी ग्रंड नॉम्स से बाकी सारे नॉर्म्स अपनी अथॉरिटी लेंगे ये बात इसने बोल दी थी पैरामिड ऑफ नॉर्म्स इसने बात करी थी वो सारी बातें आप लिखोगे ये भी हमारा चार नंबर में आया और तीन टाइम्स आ चुका ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आस्टिन रिजोल्व एवरी लॉ इन टू कमांड ऑफ सॉवरन गिवन एन ऑब्लिगेशन इम्पोज थ्योरी ऑन द सिटीजन एंड द देयर अटेंडेंट इन द इवेंट ऑफ डिस डू ड्यू एग्री विद द व्यू आस्टिन ने क्या बोला आस्टिन ने कमांड थ्योरी दी जिसमें इसने बोला लो कमांड है सॉवरन की और सभी को फॉलो करनी पड़ती है जो नहीं फॉलो करेगा उसको उसको सेंक्शन होती हैं पनिशमेंट मिलती हैं क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आप पहले आश्रम के बारे में सवाल लिख दोगे उसके बाद लास्ट में अब आपका व्यू क्या है क्या ये थ्योरी ठीक है या नहीं है वो आप अपना व्यू अपने अनुसार दे सकते हो आप बोल सकते हो आज के टाइम पर ये सिस्टम खत्म है आज के टाइम पर जो लॉज बनते हैं वो कोई किसी की कमांड नहीं होती वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल फार्मर बिल फार्मर बिल बनाए गए पार्लियामेंट ने बनाए फार्मर एक्ट बनाए वो एक्ट सोसाइटी को एक्सेप्टेड नहीं थे उनको बाद में वापस ले लिया तो आप ऐसी बातें लिख सकते हो कि कमांड का मतलब अब इस डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया में तो नहीं हो सकता जो भी है जैसे मुझे लो होंगे ऐसी बात नहीं हो सकती लॉज बिल्कुल सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होने चाहिए लास्ट में आप अपना व्यू दे सकते हो पहले तो आपको पूरी कमांड थ्रू लिखनी पड़ेगी अगला क्वेश्चन आया है डिस्कस द कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लो वट आर द मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लो क्या है और क्रिटिसिज्म क्या किया कैल्सन की वो मैंने आपको बता दिए वो आप इसमें लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंथम इन जुड़िस फोर नंबर का है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बैंथम बैंथम सिलेबस में है नहीं आपके तो मैंने आपको करवाया अभी बैथम जो थे सबसे पहले पॉजिटिविस्ट थे जो उन्होंने एनलिटिकल स्कूल की शुरुआत करी प्रिंसिपल ऑफ़ यूटिलिटेरियन दिया प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर दिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म दिया प्रिंसिपल ऑफ सेंसोरियल जो स्टूडेंट्स एंड एक्सपोजिटोरियल जो स्टूडेंट्स के बारे में बताया मैंने थोड़ा सा पहले बताया था आपको वो आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्कस द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जो स्टूडेंट्स वट आर द वीकनेस ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एनालिटिकल स्कूल क्या है आप सारा बताओगे जनरली लास्ट में एम्पेटिव थ्योरी ऑफ लो की वीकनेस क्या है तो इम्पेटिव थ्योरी ऑफ लो किसको बोलते हैं बच्चों कमांड थ्योरी को कमांड थ्योरी को बोलते हैं बेसिकली ना एम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लो जो है वो एनालिटिकल स्कूल में बेसिकली आप इसमें कमांड थ्योरी को फोकस करना है जो है आस्टिन का कंसेप्ट है आप इसमें कैंसर भी लिख सकते हो वैसे बेसिकली आप इसमें आ, जो हार्ट का कंसेप्ट है वो भी लिख सकते हो क्रिटिसिज्म उनके भी लिख सकते हो आप पर बेसिकली आपने कमांड की ओर फोकस करना है क्योंकि इंपेरेटिव का मतलब होता ही है कि कमांड ऑफ सॉवरन है ना कम्पेरेटिव थ्योरी का मतलब सॉवरन जो कमांड थ्योरी है वही है फिर बैंथम के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन फिर ग्रैंड का क्वेश्चन आया हुआ है जूस पोरेंस इज कंसर्न विद लो एज इट इज कमेंट जूस पुरेंस का मतलब है लो एज इट इज इसके ऊपर डिस्कस करो तो एनालिटिकल स्कूल पूरा आ जाएगा इसमें बेसिकली पॉजिटिव की अप्रोच आ जाएगी एनालिटिकल स्कूल में आस्टिन का कंसेप्ट पूरा आ जाएगा बेसिकली आस्टनी आएगा इसमें एज इट इज के ऊपर आस्टिन ने ज्यादा फोकस किया था और बैथम भी आप लिख सकते हो डिस्कस द थ्योरी ऑफ हर आर के ऑफ नॉम्स हर आर के ऑफ नॉम्स क्या थे तो ये नॉम्स के बारे में किसने बोला कैल्सन ने बोला उसने हर आर के दी नॉम्स की पैरामिड ऑफ नॉम्स दिया एक सुप्रीम नॉम होगा फिर इनफेरियर नॉम होगा फिर उसे इनफेरियर नॉम होगा ये सभी नॉम्स अपने से सुप्रीम नॉम्स से पावर लेंगे ये सारी बातें आप लिखोगे किस में लिखोगे आप ये सारी बातें हर आर के ऑफ नॉम्स में आसन के सॉरी किसके कंसेप्ट में कैल्सन के कंसेप्ट में पोजिशन ऑफ कैल्सन ब्लड नॉम इन इंडिया इंडिया में कैल्सटन का जो ग्रह नोम का स्टेटस है उसके इंडिया में क्या पोजिशन है तो बच्चों इंडिया में क्या होता है इंडिया में हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंडिया में एक तरह से ग्रह नोम है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट नहीं जा सकता इससे अथॉरिटी मिलती है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की इसी से अथॉरिटी मिलती है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स को लॉ बनाने की और ये जो लो बनाते हैं ये अपनी पावर किसको डेलीकेट कर सकते हैं जो लोज बनते हैं वो फिर वैलिड होते हैं लोगों के ऊपर वो अप्लाई किए जाते हैं तो ये सारी बातें आप लिखोगे इंडिया पहले लिखोगे पूरा ग्रेड नोम है क्या कैसे क्या बोला क्या नहीं बोला फिर इंडिया के संदर्भ में आप एक पेज लिख दोगे अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है बस हमारी कॉन्सेप्ट हमारा इसमें ख़त्म हो गया तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हिस्टोरिकल स्कूल जो कि है हिस्टोरिकल स्कूल तो बच्चों आपको बता दूं कि जो भी मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रॉपर एक सिस्टमेटिक मैनर में ए टू जेड सिंपल लैंग्वेज में हमारे बिल्कुल नोट्स बने हुए हैं अप टू डेट हमारे नोट्स हैं इस बार लेटेस्ट जो स्टूडेंट्स को बनाया गया है पिछले लास्ट टाइम जो हमारे चेंजेस आए थे उसके हिसाब से तो आपको नोट्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नाइन एट वन सिक्स फोर नाइन डबल टू सेवन सिक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स की डिमांड कर सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे और अगर आप अभी आपको अभी जस्ट अभी नोट्स नहीं पढ़ते पढ़ते ताकि आप साथ में पढ़ सको साथ में नोट्स देख सको तो नाइन एट वन डबल सिक्स थ्री फोर टू सेवन सिक्स इस नंबर पर मैसेज कीजिए आप, आपको नोट्स अभी अभी मिल जाएंगे नोट्स पेड़ है और उसकी कॉस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज़ है बच्चों आज अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ आज के दिन आज की कॉस्ट बता रहा हूँ आगे फ्यूचर के लेक्चर जब ये आप देखोगे उस टाइम कोस्ट चेंज हो सकती है कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है तो वो उस टाइम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर वैसे पता कर लेना पर आज का जो टाइम है उसमें थ्री हंड्रेड रुपीज़ कोस्ट है आप नोट्स ले चाहें आप ले सकते हैं और साथ में आपको बता दूँ आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने सी सी एस यूनिवर्सिटी के बच्चों का दो हज़ार बाईस से पच्चीस के बैच का आगे आने वाले तीन सालों में हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे पिछले चार सालों से हम लोग सी सी एस को पढ़ा रहे हैं और हर साल हम लोग सी सी एस के रेगुलर लेक्चर लेते हैं डेली शाम को आठ से नौ और बाद में हम रिविजनरी लेक्चर भी ऐसे लेते हैं कुछ लेक्चर्स हमारे फ्री रहते हैं कुछ हम पेड भी लेते हैं तो कल को आगे अगर आपको आपकी स्टडीज में हेल्प चाहिए पूरा सेमेस्टर आप जॉब करते हैं पूरा सेमेस्टर आप अपने काम करते हैं घरेलू काम करते हैं कुछ भी काम करते हैं और पेपर के दौरान आपको पाँच छः घंटे के सेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चों आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों यू जुड़ी सी हम हर यूनिवर्सिटी के बच्चों से डील करते हैं चाहे वो एच हो एमएस हो कि एक इकई यूनिवर्सिटी हो पी यू यूनिवर्सिटी हो के यू यूनिवर्सिटी हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब कोई भी यूनिवर्सिटी हो दिल्ली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एल कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी सभी के लिए हम मटेरियल तैयार करते हैं सभी के लिए हम लेक्चर्स देते हैं नोट्स है, देते हैं रिविजन सेशन देते हैं पेड रहते हैं हमारी काफ़ी सर्विसेज लेकिन आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर अगर वो पेड में होगा तो पेड़ में दे देंगे अगर वो हो फ्री होगा तो आपको फ्रीली अवेलेबल करवा देंगे अब हम अगला पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल बच्चों अभी एक साल के बाद लेक्चर ले रहा हूँ लाइव इतना इतना लंबा लेक्चर तो गला बैठना शुरू हो गया मेरा अभी से हिस्टोरिकल स्कूल मैं हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ाऊँ इससे पहले मुझे आपके साथ मैसेज जानना है मैंने कि आपको समझ आ रहा है एक बार मुझे बताओ एक बार मुझे मैसेज में बताओ कि यहाँ तक तो जो मैंने पढ़ाया वो समझ आ गया आप सभी को एक बार मुझे रिप्लाई कीजिए जो पढ़ाया वो समझ आ गया सभी को जो पढ़ाया मैंने वो समझ आ गया सभी को आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई यस सर यस सर रीता मित्तल कपिल शर्मा नीरज टैक्स कंसल्टेंसी यस सर समझ आ रहा है ओके okay, नीरज भाई यस सर यस सर यस सर प्लीज बात की बताएं मुझे एक सौ तेईस लाइव है मेरे साथ एटलीस्ट मुझे पता चले ब्रेक भी होना चाहिए बिटवीन सर ब्रेक तो वैसे बहुत कुछ हो गया बीच में एक बहुत बार नेट जा रहा बीच में बार बार बिल्कुल समझ आ गया थैंक यू सो मच यस सर पूजा मल्लिक गौरव ऑफकोर्स यस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई और Uh, मेरा एग्जाम सिक्स फरवरी को आए यस 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 मुझे पता है मुझे पता है बिल्कुल बिल्कुल यू आर अमेजिंग थैंक यू सो मच बसंत शर्मा थैंक यू सो मच तो बच्चों बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके और 114 लाइव हमारे ऐसा चले हुए हैं और वीडियो के ऊपर प्लीज़ लाइक जरूर कर दें जो लाइक नहीं किया है आई एल बाय द नोट्स मोस्ट वेलकम सर मोस्ट वेलकम सर कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा गीतिका चौरासिया जितिन जीतिका जी हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी हैं बहुत अच्छी बात है इफ़ पोस्टर प्लीज अपलोड करा देना हम um, कोशिश करेंगे वेरी नाइस स्टेबल है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच शे से हैं यस 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 थैंक यू रिकेश जी थैंक यू इफ सर इफ लो इज एलिट्रिकल स्कूल इज़ वट इफ इट इज़ देन वाई डू वी स्टडी कैलसन इन दिस देखो कैल्सन ने भी इसने बोला लो एज इट इज ठीक है लो सोसाइटी में जो है वो ठीक है कैल्सन ने बोला पॉजिटिव अप्रोच को, को मैं फॉलो करता हूं ठीक है लो एज इट इज लेकिन लो कैसा होना चाहिए लो ऐसा नहीं है कि लो एक लो बना हुआ है वो किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा चोरी करोगे और पनिशमेंट है नहीं तो ऐसा लो का मतलब क्या है तो इसने बोला लो जो है वो ओर टू प्रपोजिशन भी होना चाहिए देखो हमने एनालिटिकल स्कूल में इसको पढ़ा क्योंकि ये पॉजिटिव था इसने इसने को एज एज इट इट इज स्टडी किया पर साथ में आउट टू के ऊपर भी फोकस इसने किया, इसने किया। अब, अब हिस्टोरी रोहित थैंक यू सो मच रोहित जी गौरव जी साहिल uh, मिश्रा जी थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन थैंक यू सो मच फॉर योर जेस्टर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन थैंक यू सो मच तो अब हम हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे हिस्टोरिकल स्कूल तो बच्चों अगर आपको हमें लेक्चर अच्छे लगते हैं जैसे हमें बा, बाकी स्टूडेंट्स हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जीपे फ़ोन पे नंबर हमारी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा लगा था आप यहाँ से देख सकते हैं तो फटाफट आगे चलते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो हिस्टोरिकल स्कूल की मैं बात करूँ तो हिस्टोरिकल स्कूल जैसे एनालिटिकल स्कूल ने फोकस किया बेसिकली आस्टिन ने बोला कि लो इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन जैसे आस्टिन ने बोला लो क्या है वो कमांड है किसकी सोवरन की जैसे कैल्सन ने बोला लो क्या है वो सेट ऑफ नॉम्स है जैसे हार्ट ने बोला लो क्या है वो सेट ऑफ रूल्स है वैसे ही कि, जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले थे उन्होंने कमांड को रिजेक्ट कर दिया नॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया लो को रूल्स को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने बोला कि लो जो है वो सोसाइटी में ना तो सोवरण बनाता है ना किसी प्रकार ग्रण नॉर्म का कंसेप्ट है कि सोसाइटी में ग्रण नॉर्म होगा फिर लो बनेगा ना तो कोई रूल्स हैं लो लो जो है वो सोसाइटी में कस्टम के ऊपर बेस करता है लो सोसाइटी में हिस्टोरिकल डेवलप होता है हिस्टोरिकली डेवलप होता है हिस्टोरिकल स्कूल वाले मानते हैं कि लो जो है मैं हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में जनरली बता रहा हूँ लो जो है वो सोसाइटी में कोई पर्सन नहीं बनाता कोई कमांड नहीं देता कोई सोवरन या कोई नॉर्म का कंसेप्ट सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं होता लो तो सोसाइटी में पहले से कस्टम थे लो तो सोसाइटी में पहले से है लो इज ऑलरेडी इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी लो तो सोसाइटी में होता ही होता है बट इट इज फाउंड इट इज फाउंड लो को फाउंड किया जाता है इट इज नॉट मेड ये बनाया नहीं जाता ये कौन बोलता है बच्चों ये बोलता है बेसिकली कौन बोलता है ये ये हिस्टोरिकल स्कूल वाले बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल वाले बोलते हैं कि लोअ को बनाने की जरूरत ही नहीं है लो इज एंटीसीडेंट टू द सोसाइटी क्या है लो इज एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट मतलब पुराना ऑफ सोसाइटी लो तो सोसाइटी से पुराना है लो तो सोसाइटी से पहले आ गया था सोसाइटी तो अभी आई लो तो सोसाइटी में पहले से था कस्टम पहले से थे लेकिन वो ढूंढने पड़ते हैं ये हिस्टोरिकल स्कूल मानते हैं हिस्टोरिकल स्कूलें मानते हैं कि लो ना तो कोई कमांड है ना कोई फॉब्लम बनाता है ना रूल्स हैं ना नॉर्म्स हैं लो तो सोसाइटी में ऑलरेडी पहले से होता है बस उसको फाउंड किया जाता है उसको फाउंड किया जाता है लो तो सोसाइटी से पहले ही आ जाता है ये सारी बातें कौन बोलता है बच्चों ये कमांड थ्योरी वाले सारी बातें सॉरी ये सारे कौन बोलते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी वाले ये सारी बातें है, बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल वाले ये सारी बातें है, बोलते हैं इसमें बच्चे दो स्कॉलर्स हैं बड़े महत्वपूर्ण एक सेविग्नी और एक हेनरी मे ने और दोनों के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं दोनों ने दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं अच्छे समय में इनको अच्छे से सबसे पहले हम हिस्टोरिकल स्कूल में रोल ऑफ सेविग्नी की बात करते हैं रोल ऑफ सेविग्नी रोल ऑफ सेविग्नी रोल ऑफ सेविग्नी सेविग्नी जो थे अगर सेविग्नी में बात करूं तो सेविग्नी बेसिकली बच्चों जो सेविग्नी थे बेसिकली वो कहाँ के थे वो बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे जर्मनी में बोर्न हुए थे सेवनटीन नाइन में थोड़ी सी बायोग्राफी देख लें सेवनटीन नाइन में जर्मनी में बोर्न हुए थे जर्मनी में बोर्न हुए वहाँ से स्टडी करी बाद में प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी में ये जो थे सेविग्नी ये जर्मनी में जो जर्मनी में जो क्विफिकेशन ऑफ लॉज हो रहा था उसके अगेंस्ट थे ही वॉज अगेंस्ट द अगेंस्ट द डिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ जर्मनी देखो क्या था जो जर्मन था ना वो अबाउट फोर्टी किंगडम्स में बंटा हुआ था जर्मन के बहुत छोटे पार्ट थे जर्मन के और वहां पर बोला जा रहा था जर्मन के लिए सभी के लिए एक जैसा लॉ बनाया जाए एक यूनिफाइड लो बना दो सभी पूरे जर्मन के लिए जो जर्मन बटा हुआ है सब में एक जैसा लो बना दो तो ये जो सेविगनी थे ये इसके अगेंस्ट थे ये ऐसा नहीं चाहते थे ये चाहते थे पहले जर्मनी को यूनिफाई करो आप जर्मनी को इकट्ठा करो उसके बाद आप क्वालिफिकेशन करो क्योंकि जर्मनी में हर एक सोसाइटी का अपना लॉ है हर एक जगह का अपना लॉ है हर जगह का अपना कस्टम है तो सारी जगह के अपने अपने कस्टम है उनके अपने अपने, अपने लॉज हैं तो अगर आप उन सभी में एक ही लो एप्लीकेबल कर दोगे तो ये बहुत गलत बात होगी अब जर्मनी मान लो जर् जर्मनी मान लो जर्मनी है, जर्मनी है। इसमें मान लो बहुत सारे इसमें किंगडम है कि है कि है इसके अपने रूल्स हैं इसके अपने इसके अपने इसके अपने इसके अपने इसके अपने इसके अपने कस्टम है इसके अपने कस्टम इसके अपने इसके अपने और सब जगह पे अगर आप एक ही लो इंपोज करोगे तो किसी ना किसी सा गलत होगा ना सेम लो आप एप्लीकेबल करोगे पूरी की पूरी जर्मनी के ऊपर तो ये जर्मनी के कॉडिफिकेशन के अगेंस्ट थे बहुत ज़्यादा ये जर्मनी के कोडिफिकेशन को फेवर नहीं करते थे इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि जो लो है वो बेसिकली अब देखो मैं सैवेनी के के को आना शुरू कर रहा हूँ दिस्बे अभी तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल स्कूल क्या था हिस्टोरिकल स्कूल फोकस करता है हिस्ट्री के ऊपर फोकस करता है कस्टम के ऊपर फोकस करता है लो सोसाइटी में ऑलरेडी होता है उसे फाउंड किया जाता है बनाया नहीं जाता लो तो सोसाइटी से पहले आ गया था लो स्टेट से पहले आ गया था लो किसकी कमांड नहीं है लोग कोई किसी प्रकार का नॉम नहीं है ये मैंने जर्नली बताया फिर सेविगनी के मैंने बताया सेविगनी जर्मनी के थे सतारह में ये पैदा हुए थे और ये जर्मनी के क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट थे क्योंकि जर्मनी बहुत से पार्ट्स में बंटा हुआ था और ये नहीं चाहते थे कि पूरे जो डिफरेंट लॉज हैं उसमें एक लो बना कर सब लोगों के ऊपर इम्पोज कर दो ये नहीं चाहते थे <coughs> बच्चों हुआ क्या अब मैं इनके इसके कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ इन्होंने क्या बोला सेविगनी ने बोला रोल ऑफ सेविगनी के ऊपर रोल के ऊपर आ रहा हूँ इन्होंने क्या किया इन्होंने बोला कि जो वोल्क जिस्ट है वोल्क जिस्ट इज द सोर्स ऑफ लो सोर्स ऑफ लो वोल्क जिस्ट द सोर्स ऑफ लो सेविगनी ने बोला कि लो ना तो कोई कमांड है लो ना तो कोई रूल है लो ना तो कोई नॉम है लो जो है वो वोल्ड के जिस्ट से आता है जो लोग का सोर्स है वो बेसिकली बोल के जिस्ट है वोल्ड का मतलब क्या होता है पीपल और जिस्ट का मतलब क्या होता है विल तो लो कहां से आता है लोगों की विल से लोगों की इच्छा से <coughs> कमान की इच्छा से नहीं सॉरी <coughs> सोवरन की इच्छा से नहीं आता ये आता है लोगों की इच्छा से तो ये पहली बात इसने ये बोली दूसरी बात इसने बोली कि जो लो है इट डेवलप लाइक अ लैंग्वेज लो कैसे डेवलप होता है लो डेवलप लो डेवलप डेवलप्स लाइक लो डेवलप लाइक द लो जो है वो कैसे डेवलप होता है वो एक लैंग्वेज की तरह डेवलप होता है जैसे लैंग्वेज जो है ना आप देखो आप अपने आसपास देखो लैंग्वेज हर दो किलोमीटर का बदल जाती है लैंग्वेज हर सौ किलोमीटर बाद हर एरिया के एरिए बदल जाती है हमारी हिमाचल में जितने भी एरिया होंगे अलग अलग लैंग्वेज है किसी की कैसी बोल रही है किसी कैसी बोल रही है तो जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है लैंग्वेज चेंज होती है वैसे हर सोसाइटी का लो अपना चेंज होता है हर सोसाइटी में लो बदल जाता है तो इसलिए इन्होंने तो बोला था कि हम क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हर एक किंगडम का अपना लो है आप कैसे एक ही लो वहाँ इंपोज कर सकते हो गलत बात है ना तो इन्होंने इसलिए क्वालिफिकेशन के अगेंस की क्वालिफाई नहीं करना चाहते लोगों को एक लोडी बनाना चाहते थे तो इन्होंने बोला कि जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है जैसे लैंग्वेज चेंज होती है वैसे ही हर जगह लो चेंज होता है तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला बच्चों अपनी थ्योरी में अपने रोल में इन्हें बोला लो इज नॉट यूनिवर्सल लो इज नॉट इन्होंने बोला लो यूनिवर्सल नहीं है लो कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक कर, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लॉ लो बना दिया अब वो लॉ पूरे कंट्री के लिए बन गया ऐसा नहीं है लो यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं है लॉ जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है लो जैसे लैंग्वेज चेंज होती है हर सोसाइटी की वैसे हर सोसाइटी का लॉ भी चेंज होता है लॉ यूनिवर्सल नहीं है ये किसने बात बोली ये हमारी सविग्नी ने बात बोली इसके बाद सरविग्नी ने क्या बोला अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इस दियर फॉर डेवलप इट क्या बोला इसने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज बच्चों तो लाइट चली गई लाइट की दिक्कत है बिल्कुल अंधेरा हो गया बच्चों <laughs> लाइट आ गई बीच में लाइट चली गई थी आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है सभी को प्रॉपर दिख रहा है सभी को ना सभी को दिख रहा है प्रॉपर वाइस हेलो hmm. से आवाज आ रही है अब देखिए अब आ रही है आवाज़ आपको पीच में एक्चुअली लाइव चला गया था लाइट चली गई थी बच्चों वाईफाई चला गया था अब आवाज़ आ रही है सभी को यस ठीक है ओके तो बच्चों अगला पॉइंट क्या है जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ थी जो पहले सोसाइटी में एंशियट टाइम पे जो सोसाइटी में लॉ की डेवलपमेंट हुई वो सपोन्टेनियस थी वो पक्का थी डेवलपमेंट होनी थी सोसाइटी में लॉज थे ही थे क्योंकि वो डेवलपमेंट पक्का थी सम्पोटेटेनियस अपने आप हुई वो वो होनी थी इसलिए बाद में क्या किया जूडिस्ट ने उस उन लॉज को आगे डेवलप करना शुरू कर दिया मतलब सैविकिन ये बोलना चाहते हैं कि लॉ सोसाइटी में ऑटोमेटिकली आ गया अपने आप आ गया कोई लेके नहीं आया अपने आप आ गया इसलिए जुलिस ने उसको डेवलप किया इसके बाद अगला जो सेविनी का रोल था ही वॉज अगेंस्ट द ही वॉज अगेंस्ट द क्वॉडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ तो जो ये जो सीनी थे ये जर्मन लॉ के कॉडिफिकेशन के अगेंस्ट थे इन्होंने बोला जो जर्मनी है वो डिफरेंट किंगडम में बंटा हुआ है तो उन सभी में एक ही लॉ को इम्पोज करना बहुत बड़ा गलत काम होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा इसलिए ये इसके फेयर में नहीं थे ये जर्मनी के कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट थे इसके बाद उन्होंने बोला लॉ डेवलप विद सोसाइटी लॉ सोसाइटी में डेवलप होता है सोसाइटी के साथ साथ चलता है पहले से लो सोसाइटी में है जैसे सोसाइटी आई लो भी साथ साथ में डेवलप होता जाएगा ये किसने बोला ये बोला हमारा ने लेकिन बच्चों ने को भी बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया जैसे ने किया, किया वैसे ही सविग्नि को भी क्रिटिसाइज किया सबसे पहले क्या हुआ सविघनी क्रिटिसिज्म पहला किर्णिस्य। क्या किया गया इसने क्या बोला इसने बोला बॉल के जस्ट इज सोर्स ऑफ लो बिल ऑफ पीपल लोगों की इच्छा जो है वो सोर्स ऑफ लो है लोगों ने बोला कि जो बोर्ड के जिस्ट है जो बोर्ड जिस्ट है इट इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लो बोर्ड के जिस के अलावा कस्टम भी लो का सोर्स है बोर्ड जिस के अलावा लोगों के बिल के अलावा हमारा जो प्रेसिडेंट है जो जजेस लोग बनाते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लो है हमारी हमारी ये सारे सोर्स ऑफ लो है इन सभी से लो आया हुआ है लो केवल वो से नहीं आया हुआ तो पहला इसको इसलिए क्रिटिसाइज किया गया किसने बोला कि बोलकेजिस इज ओनली द सोर्स ऑफ लो इट इज टोटली रॉन्ग बोल्केजिस इज नॉट द ओनली सोर्स एक्सेप्ट द दोल्केजिस दे आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ द लो ऑल्सो दो थैंक यू सो मच चंपक जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन चंपक जी uh, मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि बच्चे वहां पे देखते हैं तो uh, उनके नाम अच्छा लगता है सुनना तो थैंक यू सो मच तो बोर्केजिस्ट के जिसके पॉइंट क्रिटिसाइज किया गया कि के बोलकेजिस्ट केवल लो का सोर्स नहीं है कस्टम भी है प्रेसिडेंट भी है पहला ये हो गया दूसरा बच्चों इसको क्रिटिसाइज किया गया कि कस्टम डज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन बेस द पॉपुलर कॉन्शियसनेस कस्टम डज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पीपल्स विल बहुत सारे कस्टम ऐसे होते हैं जो लोगों की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, पर फिर फॉलो किए जाते हैं सोसाइटी में कुछ कस्टम ऐसे हैं जो लोगों की विल के अगेंस्ट होते हैं पर क्योंकि कस्टम है तो लोग उसे फॉलो करते हैं फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा कुछ लोग ऐसे थे जो सती प्रथा को अच्छा नहीं मानते थे पर कस्टम था तो फिर भी फॉलो वो करते थे उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज कुछ लोग समझदार थे वो चाइल्ड मैरिज को ठीक नहीं मानते थे पर पेरेंट्स उनको बोलते थे आप मानो ये कस्टम है तो वो मान लेते थे तो बोलने का मतलब ये हुआ कि सेविनी को सैविगनी को क्रिटिसाइज़ किया गया ये बोल के कि जो कस्टम आप बोल रहे हो कस्टम आपका आप ये मानना है कि वर्ल्ड के जिस्ट विल ऑफ पीपल इज द सोर्स ऑफ लॉ आपका मानना है कि कस्टम जो है वो लोगों की इच्छाएं हैं है, तभी कस्टम आगे आते हैं लोगों की जो इच्छा है वही कस्टम है लोग चाहते हैं वही कस्टम है ऐसा नहीं होता बहुत से कस्टम ऐसे होते हैं जो लोगों के ऊपर इम्पोज किए होते हैं जबरदस्ती लोग नहीं चाहते वो कस्टम फॉलो किए जाए पर फिर भी फॉलो किए जाते हैं कस्टम ठीक है तीसरा जो किया गया बोला गया बोला इसकी थ्योरी बहुत नैरो थ्योरी को नैरो माना गया नैरो माना गया क्योंकि इसने अपनी थ्योरी में जर्मन का कोडिफिकेशन के अगेंस्ट बात बोली इसने बोला जर्मन का कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए भाई कोडिफिकेशन तो लोग का बहुत जरूरी है आप देखो ना सोसाइटी में लॉ कोडिफाई नहीं होगा लो का कोड नहीं बनेगा एक्ट नहीं बनेगा तो क्या सर्टेनिटी है लॉ की हमारे देश में सारे लॉ कोडिफाई हो चुके हैं है, मैक्सिमम कुछ एक लोज को छो, छोड़कर <coughs> मतलब कोडिफिकेशन तो हर कंट्री के लिए जरूरी है पर इसने अपनी थ्योरी में कोडिफिकेशन को जरूर महत्व ही नहीं दिया कोडिफिकेशन के अगेंस्ट इसने बोला तो इसलिए इसलिए भी इसकी थ्योरी को डिसाइड किया गया कि कोडिफिकेशन जरूरी नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है इसके अलावा इसने क्या किया इसने जज मेर लॉ को इग्नोर कर दिया जज मेड लो जो लॉ जजेस बनाते हैं इसने उसको इग्नोर कर दिया इसने बोला कि जज मेड लो कुछ नहीं होता जज के जरिए बनाया हुआ लो कुछ नहीं होता लो वही होता है जो लोगों की बिल के ऊपर डिपेंड करता है अब जजेस जो डिसीजन देते हैं वो बहुत बार लोगों की बिल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं आप देखो ना अगर जज बोलेगा तुझे फांसी सजा होगी वो बंदा नहीं चाहता मुझे फांसी सजाओ लोन जो जज ने लॉ बनाया वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड भी नहीं करते उसके लिए वो अच्छे भी नहीं होते पर फिर भी फिर भी लोग फिर भी वो लो लॉज को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि जज ने बनाया हुआ है तो एक तरह से जज के जरिए बनाए हुए लॉ को इसने क्या कर दिया बिल्कुल इग्नोर कर दिया <coughs> इसने इसको मत भी नहीं दिया तो ये बच्चा कुछ एक चीज़ें जो आप पेपर में लिखोगे तो इस तरह से हमारा सेविग्नी का कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है तो सेविग्नी के बाद जो दूसरे स्कॉलर थे बड़े महत्वपूर्ण इसी स्कूल के वो थे हमारे हेनरी मेने कौन थे बच्चों हेनरी मेने, मेने। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक कर दें लाइक अभी के अभी कर दें वो रिक्वेस्ट है आपसे अभी के अभी लाइक कर दें तो अब मेन मेने क्या किया बच्चों इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी डेवलपमेंट ऑफ लॉ की डेवलपमेंट ऑफ लॉ की बात करी इन्होंने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी डिस्कस स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो वो हैनरी मेन के कंसेप्ट लिखोगे आप जो मेन ने थे इनको सोशल डॉनिस्ट भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चों को? दर्वनिस्ट। सोशल डॉनिस्ट सोशल डायबनिस्ट भी बोला जाता है हेनरी है हेनरी ने को ने ने बहुत सारी बुक्स लिखी इसमें एक बुक थी द एंशंट लॉ कौन सी बुक थी बच्चों एंशंट लॉ एंशियंट लो अठारह सौ इक्यासीवी में लिखी ये बुक बड़ी महत्वपूर्ण बुक है इस बुक में इसने लॉ के बारे में अच्छे से बताया एंशियंट लो के बारे में इस ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है एंशियंट लो तो जो पेपर में हमें लिख के आनी है इस बुक में इसने बेसिकली लॉ के बारे में कंसेप्ट के बारे में इसमें अच्छे से बताया इसने क्या बोला इसने बोला कि लो जो है वो चार स्टेजे से डेवलप होता है क्या बोला इसने डेवलपमेंट ऑफ लो के लिए लेके डेवलपमेंट ऑफ लो डेवलपमेंट ऑफ लो में क्या बोला इसने डेवलपमेंट ऑफ हेनरी मेरे ने लो की डेवलपमेंट कैसी हुई सोसाइटी में इसके बारे में इसने बोला लो जो है वो चार स्टेज से डेवलप होता है सबसे पहली स्टेज होती है डिवाइन लो सोसाइटी में कैसा लो आता है डिवाइन लो फिर वो लो कैसा बन जाता है डिवाइन लो कैसा बन जाता है कस्टमरी लॉ कस्टमरी लॉ तीसरी स्टेज कस्टमरी लॉ जो फॉलो किया जाता है वो प्रिस्ट फॉलो कर देना प्रिस्ट रिकोगशन ऑफ कस्टमरी लॉ और चौथा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ टेंशनली अभी समझा जाएगा जो हेनरी मेने हैं है, जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल को डेवलप किया लो सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करता है इसके बारे में बताया उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला एक लॉ का डेवलप होने का चार स्टेजेस हैं डेवलप होना मतलब लो कैसे कोडिफाई हुआ इसकी चार स्टेजेस हैं उन्होंने बोला सबसे पहले सोसाइटी में एक डिवाइन लो होता है डिवाइन लो का मतलब है जो लो गॉड बनाता है जो लो भगवान बनाता है डिवाइन लो का मतलब है ऐसा लो जो सोसाइटी में एक तरह से भगवान के मैसेंजर ने बनाया हुआ है किंग ने बनाया है किंग ने बनाया है क्वीन ने बनाया है बेसिकली सोसाइटी में किंग होते थे क्वीन होते थे वो जो लोग बनाते थे उसको डिवाइन लो बोला जाता था जब वो डिवाइन लॉ बना देता था कोई जब वो किंग कोई ऑर्डर दे देता था कमांड दे देता था तो बाद में बाद में लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे तो वो कस्टमरी लॉ में तब्दील हो जाता था जब एक चीज को सभी लोग फॉलो करेंगे बार बार तो बार वो कस्टम बन जाएगा अगर मान लो एक चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ फिर आप फॉलो कर रहे हैं फिर आगे फॉलो कर रहे हैं वो कश्मीरी बन जाएगी तो पहले एक बंदे ने कमांड दी जो कि भगवान का मैसेंजर था राजा को भगवान का मैसेंजर माना जाता था भगवान का भेजा हुआ आदमी माना जाता था राजा जो बोलता था वो लो था वो डिवाइन लो था भगवान के जरिए बनाया हुआ लो माना जाता था वो वाला जो राजा बनाए उस लोग को लो को लोग फॉलो करने पड़ते थे वो कस्टमरी लॉ बन जाता था बाद में उस कस्टमरी लॉ को जो पृष्ठ थे जो पुजारी थे जो पादरी थे वो उसको रिकोगनाइज कर देते थे मान्यता दे देते थे सोसाइटी में कि हाँ राजन जो लॉ बनाया है वो सभी को मानना चाहिए पादरी लोगों को बताते थे जैसे हमारी सोसाइटी में पंडित बताते हैं ना कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए अच्छी बातें बताते हैं तो राजा ने लॉ बनाया आगे लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया वो कस्टम बन गया अब वो कस्टम बन गया तो कभी-कभी क्वेश्चन राइज हुआ कस्टम सही है गलत है ये लो है कि नहीं है तो लोग जाते भी बड़े पुजारियों के पास पूछने के लिए पुजारी उस लो को रिकॉग्नाइज कर देते हैं हाँ भाई ये लो है ये जो आप कर रहे हो ये करो ये सही काम है ये लॉ राजा ने बनाया था भगवान ने बनाया था जब कस जब उसको रियोगनाइज कर देते हैं प्रेस्ट तो बाद में फिर फाइनली क्या होता है उस लो को लेकिन लेकिन हैं कि जो सोसाइटी यहां पर रुक जाती है वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है इसके है इसके बाद की डेवलपमेंट होती होती कैसे फॉलो करने लगे वो कस्टम बन गया प्रिस्ट ने उसको रिकॉगनाइज कर दिया कोडिफाई उसको कर दिया गया इसके बाद अगर आगे सोसाइटी रुक जाए तो वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं होती इसके बाद क्या होता है फर्दर लॉ की डेवलपमेंट करी जाती है किसके जरिए लीगल इक्वलिटी लीगल इक्विटी जस्टिस लेजिस्लेशन इनके जरिए लॉ को बाद में फिर और डेवलप किया जाता है बोलने मतलब क्या हुआ जब लॉ को कोडिफाई कर दिया गया तो बाद में फिर आगे फर्दर उस लॉ को डेवलप किया जाता है इक्विटी के माध्यम से अगर वो लोग सही है तो लोग सोसाइटी में वेल्ट रहता है नहीं तो खत्म कर दिया जाता है जस्टिस जस्टिस क्या वो लोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है लेजिसलेशन क्या जो लो बना हुआ है जो ये कस्टम था जो कॉडिफाई किया गया इसका प्रॉपर कोई कोडिफिकेशन थ्रू द पार्लियामेंट हो गया है अभी प्रेजेंट सोसाइटी में हेनरी मेने बोलते हैं कि यहाँ पर जो सोसाइटी रुक गई वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है यहाँ के बाद जो सोसाइटी यहाँ पहुँच जाती है तो इसके माध्यम से डेवलपमेंट करती है इसी को प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो बेसिकली बोला जाता है तो ये क्या है हमारी ये हमारी हेनरी मेने की डेवलपमेंट ऑफ लो है हेनरी मेर ने कंसेप्ट दिया स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट यही पेपर में आता है कभी कभी तो ध्यान से इसको भी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का है जो हेनरी मैनिया का टाइम है ना इस टाइम पर इंडिया अठारह सौ बहत्तर में पास हुआ था कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा बोलबाला था तो हेनरी मैन ने बोला कि पहली सोसाइटी स्टेटस के अनुसार चलती थी स्टेटस के स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट ये क्वेश्चन पेपर में आता है हैनरी मैंने बोलते हैं सोसाइटी पहले स्टेटस के अनुसार चलती थी स्टेटस का मतलब क्या है जिसका जो स्टेटस है उसको वैसा काम मिलेगा स्टेटस अच्छा है तो अच्छा काम मिलेगा लो स्टेटस है तो लो काम मिलेगा मतलब सोसाइटी में आप क्या काम करोगे ये आपके स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में पर बाद में जैसे सोसाइटी डेवलप होने लगी डिवाइन लॉ आया कस्टमरी लॉ आया रिकोगनाइज हुआ बाद में उसको कोडिफाई किया गया लीगल इक्वलिटी के बेस पे देखा गया लेजिस्लेशन बनाए गए जब प्रोग्रेसिव सोसाइटी आ जाती है चार स्टेज की सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं थी उसके बाद लीगल इक्वलिटी में सोसाइटी वो प्रोग्रेसिव थी जब प्रोग्रेसिव सोसाइटी पहुंच जाती है बच्चों तो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो अब कोई पर्सन कोई भी काम कर सकता है अर्थात पहले सोसाइटी स्टेटस से फोकस करती थी स्टेटस को देख के काम देती थी पर बाद में स्टेटस से वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गई अब कोई पर्सन कोई भी काम कर सकता है जो वो करना चाहता है किसके साथ कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है कोई भी काम कर सकता है कोई भी सर्विस में एंटर हो सकता है तो ये था हमारा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चों अब मैंने आपको ये हिस्टोरिकल स्कूल बताया आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में हिस्टोरिकल स्कूल में जो ये चीज थी इसको इसमें देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन इसमें पेपर में आए हुए हैं बच्चों अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं नोट्स पेड रहेंगे थ्री हंड्रेड आज के लिए कॉस्ट है आज मतलब जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ बाकी आप हमारे व्हाट्सए नंबर पर जो मैं लिखे ऊपर स्क्रीन पे सबसे ऊपर टॉप में दोनों नंबर इसमें नीचे वाले नंबर पे आप मैसेज करके अभी और बाद में फ्यूचर में आप ऊपर वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अठानवे एक सौ चौंसठ बावन दो सौ छिहत्तर अठानवे सौ छियासठ चौतीस दो सौ छिहत्तर इसमें मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं नोट्स में बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में हर चीज को सिंपल वे में लिखा हुआ है मजा आएगा आपको नोट्स से पढ़ते पढ़ते तो बच्चों देखो क्या है एंड हिस्टोरिकल स्कूल में क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखो सबसे पहले वट डू वट डू मीन बाय बोल्केजिस्ट थ्योरी ऑफ लॉ गिवन बाय सेविग्नि सिंपल सेविग्निया कंसेप्ट लिखोगे क्या हिस्टोरिकल स्कूल या इंट्रोडक्शन लिखोगे सेविग्निक का रोल क्या था वो लिखोगे बोल्केजिस्ट के बारे में बताओगे क्या है इसका मीनिंग क्या है कैसे सविग्नी ने लॉ को डेवलप किया इट इज इट डेवलप विद द सोसाइटी इट इज नॉट यूनिवर्सल अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ये सारी बातें जो बताई मैंने सारे लिखोगे अगला दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है सैविग्नीस थ्योरी ऑफ बॉल्किजिस्ट वही क्वेश्चन आया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर हेनरी मेन हेनरी मेन का कॉन्ट्रीब्यूशन बता दो अभी बताया मैंने हेनरी मेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हेनरी मेन ने डेवलपमेंट ऑफ लॉ के बारे में बताया हेनरी मेनर ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया हेनरी मेनर ने प्रोग्रेसिव सोसाइटी के बारे में बताया ये आप लिखोगे सारा अगला क्वेश्चन है वो द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज ही टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट डू यू एग्री विद इट जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसके उसमें क्या होता है बंदा स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो क्या आप इससे एग्री करते हो तो बिल्कुल आपको जो मैंने बात बताई ये बात हमने अभी डिस्कस करी तो आप ये भी इसमें लिखोगे बच्चों लाइव बहुत कम रह गए केवल 99 बच्चे लाइव रह गए और 100 समथिंग बच्चे लाइव थे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों को कि यहाँ पे स्टे रहें देखो लेक्चर कितना बीच में रुका कितनी दिक्कत आई और मुझे नहीं पता ये लेक्चर अपलोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो आप लाइव देखो जो चीज़ें बता रहा हूँ अगर आप कल अच्छे से देखेंगे वह नोट्स में सारा समझ आ जा जाएगा क्या बताया हुआ है तो इसलिए लाइव लेक्चर में बने नहीं ताकि आपका लेक्चर मिस ना हो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए मैं कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए पर 100 परसेंट श्योर मैं नहीं हूँ इसके लिए अब हम नया स्कूल देखते हैं बच्चों अगला जो कि है हमारा सोशोलॉजिकल स्कूल जो कि है हमारा सोशोलॉजिकल स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल बड़े महत्वपूर्ण स्कूल है सोशलॉजिकल स्कूल इसमें भी क्वेश्चन आता है बच्चों सोशोलॉजिकल स्कूल hmm. देखो स्टूडेंट्स जो सोशोलॉजिकल स्कूल था ना इसमें दो नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं एक रोस्को पाउंड एक लियोन डुगट और भी नाम एक है एहलिक आइरिंग कॉन्टे अगस्त कॉमटे कॉमटे मोन्टेस्क्यू ये सारे इसके स्कॉलर्स हैं सारे इसके जो है मानने वाले हैं सारे स्कूल को फॉलो करने वाले हैं पर उसको पाउंड और डुगट ये दोनों आपके सिलेबस में है बाकी आपके सिलेबस में नहीं है हाँ एक क्वेश्चन जो है वो आयरलिक में से पूछ लिया है आयरलिक ने एक लिविंग लो का कंसेप्ट लिविंग लो लिविंग लो क्या होता है ये लास्ट ईयर में आ गया क्वेश्चन लीविंग लो क्या होता है इसका अहली का क्वेश्चन पूछ लिया है, वो भी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में पर मेनली ये दो हैं और यहां से तीन तीस नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो बच्चों देखो जो सोशोलॉजिकल स्कूल था ये आया क्यों वैसे क्या रीजन था सोशोलॉजिकल स्कूल आने का देखो पहले आप एनालिटिकल स्कूल में जाओ फिर आप जाओ हिस्टोरिकल स्कूल में जो दोनों स्कूल थे ना इन्होंने फोकस किया कहीं ना कहीं इसने फोकस किया कमांड के ऊपर सोवरन के ऊपर सैंक्शंस के ऊपर पॉजिटिव लॉ के ऊपर लॉ एज़ इट इज़ के ऊपर इसके ऊपर फोकस किया बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल की बात की जाती है तो हिस्टोरिकल स्कूल ने बेसिकली फोकस किया कस्टम के ऊपर लॉ ऑलरेडी सोसाइटी में होता है इस बात के ऊपर वर्ल्ड के जिस्ट के ऊपर विल ऑफ़ पीपल के ऊपर इन दोनों जो स्कूल्स थे इन्होंने सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया सोसाइटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया ऊपर से जो एनालिटिकल स्कूल के जो बैंथम थे जो बैंथम थे बच्चों इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दिया था मैंने बताया था शुरू में आपको प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म दिया था इंडिविजुअलिज्म दिया था जिसमें इसने बोला था कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स को फ्री कर देना चाहिए कि वो जो मर्जी करें लेजिस फेयर की डॉक्ट्रिन इसने दी थी जिसमें इसने बोला था गवर्नमेंट को लोगों के ऊपर रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए लोगों को काम करने देना चाहिए अपने प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश करने देने चाहिए किसी को किसी प्रकार का वो वो नहीं करना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए तो इसने फोकस किसके ऊपर किया था इंडिविजुअलिज्म के ऊपर इंडिविजुअलिज्म के ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया बच्चों कोई भी स्कूल वाला नहीं था जो सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था सोसाइटी मतलब लोगों के बारे में पीपल्स के बारे में सोसाइटी लोगों से मिलकर बनती है इसने फोकस किया एक बंदे के ऊपर सिंगल इंडिविजुअल सोसाइटी तो नहीं बनाता इसने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जो बैंथम थे इसके अलावा हिस्टोरिकल स्कूल ने बोल के जस्ट विल ऑफ पीपल के ऊपर फोकस किया पर लोगों के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया लोगों के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया सोसाइटी के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया सोसाइटी के लिए लोग आया हुआ है ये किसने नहीं बात करी सोसाइटी सोसाइटल एंगल को लोगों का किसने निपताया तो इसी दो स्कूलों की वजह से इनमें जो ड्रा थे उन्हीं की वजह से जो सोशलॉजिकल स्कूल था वो आगे निकल के सामने आया था बच्चे सोशलॉजिकल स्कूल क्या बोलते हैं बेसिकली सोशलॉजिकल जो स्कूल है सोशोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी सोशोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सोसाइटी तो स्टडी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी से लिंक करता है सोशोलॉजिकल स्कूल सोशलॉजिकल स्कूल वालों का मानना क्या है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आया है लो क्यों आया सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लो सोवरन की कमांड नहीं है लो किसी प्रकार का कोई बोलकेजिस्ट नहीं है लो है लोगों के लिए आया हुआ लो सोसाइटी में लोगों को आपस में मिलाने के लिए आया है लोगों की रिलेशनशिप रेगु... को रेगुलेट करने के लिए आया है सोसाइटी में सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ हम मिल के रहते हैं हम रिलेशनशिप बनाते हैं हम सभी के आपस में रिलेशनशिप है तो उन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करने के लिए उनको आपस में संबंधों को बनाने के लिए हमारे पास जो है सोशलॉजिकल स्कूल ने बोला लो हमारे पास आया हुआ है तो लो ने क्या किया लो ने बोला कि एक्सपोनेंट ऑफ सोशलॉजिकल स्कूल द लो एज ए सोशल फिनोमिना लो को सोशल फिनोमिना माना है स्कूल ने सोशल फिनोमिना मतलब सोसाइटी के लिए लो आया हुआ है सोसाइटी से लो को हम अलग नहीं कर सकते सेपरेट नहीं कर सकते और इसी स्कूल ने बोला था देखो कैल्सन को याद करो कैल्सन ने क्या बोला था लो प्योर है बिल्कुल बाकी सोशल साइंस से डिफरेंट है सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स पोलिटिकल साइंस से कोई लिंक नहीं है लोग का पर ये जो सोशलॉजिकल स्कूल वाले हैं वो बोलते हैं लोग का सोशोलॉजी के साथ ही तो लिंक है लोह का सोसाइटी के साथ ही तो लिंक है सोशोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी तो सोसाइटी के साथ लिंक है तो इन्होंने कैल्सन ने भी सोसाइटी को इग्नोर कर दिया कहीं ना कहीं आस्टिन ने भी कर दिया सेलिग्नी ने भी कर दिया हैनरी मेन ने भी कर दिया तो सोशोलॉजिकल स्कूल आया कि भाई इसने सोसाइटी की बात तो करी नहीं लो तो सोसाइटी के लिए बनता है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है तो बच्चों इसलिए ये स्कूल जो डेवलपमेंट हुआ तो इस स्कूल में बेसिकली बात करी गई सोसाइटी में लो कैसे एप्लीकेबल होता है कैसे लोगों के लिए लो बनाया जाता है लो का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है लो कैसे सोसाइटी में काम करता है लो कैसे सोसाइटी में चेंज लाता है सोसाइटी के साथ लो का लिंक क्या है इस स्कूल ने बताया इसकी मेन फीचर्स हैं पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है वट आर द ऑफ सोशलॉजिकल स्कूल तो आप लिखोगे सारी बातें सोशलॉजिकल स्कूल फोकस ऑन द सोसाइटी सोशलॉजिकल स्कूल डील विद द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ इन सोसाइटी सोशलॉजिकल स्कूल सेज दैट लॉ एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर सोशलॉजिकल स्कूल फोकस ऑन द सोसाइटी इन एज ए सुप्रीम फॉर विच द लो इज मेड सोशलॉजिकल स्कूल सेज दैट लॉ एंड सोशोलॉजी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे अब हम बेसिकली पढ़ना शुरू कर रहे हैं रोस्को पाउंड का रोल रोस्को पाउंड रोस्को पाउंड जो है वो सोशलॉजिकल स्कूल के इनको फादर भी माना जाता है फादर ऑफ सोशलॉजिकल स्कूल भी इनको माना जाता है रोस्को पाउंड को फादर ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल रोस्को पाउंड को माना जाता है रोस्को पाउंड जो है बच्चों इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर रोस्को पाउंड जो थे बेसिकली अमेरिका के जूस थे अमेरिका के रहने वाले थे इन्होंने अपने बहुत से काम किए जिसमें इनका उन्नीस में नाइनटीन में ये दीन बन गए यूनिवर्सिटीज़ में देखो जो किसी की किसी की जीवन की कथा है ना वो तो आपको याद मेमोराइज़ करनी पड़ेगी मैं आपको इनका आइडिया क्या है वो अच्छे से बता सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि वो ये क्या थे कहाँ इन्होंने एजुकेशन ली कहाँ ये प्रोफेसर बने ये चीज़ें मेमोरेबल होती हैं ये तो मेमोराइज करनी पड़ती हैं समझने वाला इसमें कुछ होता नहीं जो समझ आया वो बताऊंगा मैं आपको रोस्को पार्ड को फादर ऑफ यहाँ पे जो अमेरिकन ले लो साथ में अमेरिकन अमेरिका के थे ये ना तो अमेरिकन जो स्टूडेंट अमेरिकन सोशलॉजिकल स्कूल बोलते हैं इसको फादर ऑफ अमेरिकन सोशलॉजिकल स्कूल रोस्को पार ने क्या किया ही फोकस्ड ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ रोस्को पावर ने बोला कि लोगों को सोसाइटी में बनाया जाता है सोसाइटी के लिए सोसाइटी में वर्क करने के लिए इसने फोक, फोकस किया फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर कि सोसाइटी में लोग काम कैसे करता है सोसाइटी में लोग जो है वो काम कैसे करता है इसके ऊपर फोकस किया रोस्को पावर ने इसने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि भाई लोग क्या है क्या नहीं है इसने बोला कि सोसाइटी में लोग वर्क करता है सोसाइटी के लो बनाया जाता है फंक्शनल एस्पेक्ट कैसे लो फंक्शन करता है सोसाइटी में उसके ऊपर इसने पहले फोकस किया आप ये बात लिखोगे ये फोकस ऑन द फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ लो कौन है रोस्को पाउंड दूसरा सोशल इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग बच्चों इसने कंसेप्ट दिया सोशल इंजीनियरिंग का इसने क्या बोला इसने ये बोला कि सोसाइटी में जो इंजीनियर होते हैं इंजीनियर इंजीनियर मतलब जो इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर तो बोर बच्चों बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा आप प्लीज एक बार ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए इसका एक बार इसका ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए समझना बोर्ड देखिए अभी देखिए बोर्ड आप अभी देखिए हमने क्वालिटी हाई क्यों अभी देखिए बच्चों अभी देखिए दोबारा से बार ट्राई कीजिए शायद बोर्ड दिख जाए आपको हाँ हाँ बोर्ड दो मिनट होल्ड कर लेते हैं कोई इशू नहीं है रेस्ट कर लीजिए आप भी दो मिनट वेस्ट वेट कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं ऐसा कुछ नहीं है पर आप देखिए अभी बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है अभी देखिए अनमोल जी अभी मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है इसमें अब देखिए नहीं हुआ क्लियर क्या होगी दिक्कत ये सब एको करना झंडा उसमें अभी भी नहीं हुआ बच्चों सब दो मिनट रुको मैं करता हूँ कुछ स्विच को ऑफ कर फोन कर हेलो देखो मैं सभी के क्वेश्चन लास्ट में लूंगा लास्ट के जो पांच दस पंद्रह मिनट होंगे वो क्वेश्चन सारे लूंगा आपके स्टेट कंसर्ट बाई गांधी जो भी है हम सभी लेंगे लास्ट में ओके तो देखो बच्चों क्लियर हो गया होगा आई होप आपको क्लियर दिख दिख रहा होगा बोर्ड तो रोस्को पाउंड ने क्या बोला इनको फादर ऑफ सोशलॉजी का जूस पुणे से बोला जाता है या अमेरिकन सोशलॉजी का जूस पुणे से बोला जाता है इन्होंने क्या बोला इन्होंने लो को फंक्शनल एस्पेक्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करी लो सोसाइटी में कैसे फंक्शन करता है उसकी बात करी इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी इन्होंने बोला कि जैसे सोसाइटी में इंजीनियर होते हैं ना इंजीनियर सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं वैसे ही सोसाइटी में जो एडवोकेट्स हैं वो क्या हैं एडवोकेट्स हैं या जो लॉयर्स हैं जो लॉ प्रोफेशन से डील करते हैं वो क्या है बच्चों वो भी एक इंजीनियर है कोशिश करना रोस्को पाउंड ने लॉयर्स को एडवोकेट्स को इंजीनियर की संज्ञा दी इसने बोला एक तरफ इंजीनियर सोसाइटी की बिल्डअप करते हैं वैसे ही जो सोशल इंजीनियर हैं जो सोसाइटी में सोशल इंजीनियर जो एडवोकेट्स हैं वो सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करते हैं वेरियस इंटरेस्ट का क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनो भी समझ आ जाएगा आपको सारा सारा रोज को क्या बोलते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं जो लॉयर्स हैं जिनको उसने सोशल इंजीनियर बोला क्यों सोशल इंजीनियर बोला क्योंकि जो लॉयर्स हैं लॉयर्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो क्या करते हैं वो बैलेंस मेंटेन करते हैं बैलेंस मेंटेन करते हैं ऑफ बैलेंस ऑफ वेरियस इंटरेस्ट वेरियस इंटरेस्ट ये बहुत से इंटरेस्ट का बैलेंस मेंटेन करते हैं कौन बैलेंस मेंटेन करता है वेरियस इंटरेस्ट का एडवोकेट्स लॉयर्स अब कौन से इंटरेस्ट हैं बच्चों सोसाइटी में तीन प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं एक होते हैं हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक हमारे होते हैं हमारे पर्सनल इंटरेस्ट एक इंडिविजुअल हो गए एक होते हैं हमारे सॉरी इंडिविजुअल का मतलब प्राइवेट एक होते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट एक होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट और एक होते हैं हमारे सोशल इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है बच्चों इंडिविजुअल इंटरेस्ट में आ जाएगा हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट जैसे इनहेरिटेंस हो गया प्रॉपर्टी लेनी किसी की रेपुटेशन का इंटरेस्ट फ्रीडम का इंटरेस्ट राइट right का इंटरेस्ट जो एक बंदे के लिए प्राइवेट जो जुड़ी है प्राइवेट के लिए मुझे राइट्स मिलने चाहिए मुझे अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए जो मेरे लिए जुड़ी है वो तो होते हैं हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट या प्राइवेट इंटरेस्ट एक होते पब्लिक इंटरेस्ट जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है जैसे इन्वायरमेंट हो गया सभी को इन्वायरमेंट फ्रेश चाहिए जो पब्लिक इंटरेस्ट है एक होते हैं सोशल इंटरेस्ट जिसमें हेल्थ हो गई सभी को हेल्थ मिलनी चाहिए सभी को प्रॉपर हेल्थ की सर्विसेज मिलनी चाहिए प्रॉपर सड़कें होनी चाहिए प्रॉपर ये होते हैं हमारी सोशल इंटरेस्ट तो रोस्को ने बोला कि सोसाइटी में बहुत से इंटरेस्ट हैं जो हमारे बैंथम थे उन्होंने केवल इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया था बेसिकली है ना इंडिविजुअलिज्म थे वो इंडिविजुअलिस्टिक थे उन्होंने इंडिविजुअल प्राइवेट इंटरेस्ट के फोकस किया था इंडिविजुअल को ज्यादा फ्रीडम दे दो बस बात ख़त्म रोस्को पाउंड ने बोला जो एडवोकेट हैं जो लॉयर्स हैं वो एक तरह के इंजीनियर हैं वो सोसाइटी में जैसे इंजीनियर बिल्डिंग्स बनाते हैं वैसे जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो सोसाइटी में इन सभी इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन करते हैं इन सभी इंटरेस्ट में इक्वलिटी मेंटेन करते हैं दिस इज द थ्योरी ऑफ रोस्को पाउंड विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा ये थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट तो ये लिखोगे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है रोस्को पाउंड ने बोला था सोसाइटी में बहुत से इंटरेस्ट होते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं इंडिविजुअल uh, इंटरेस्ट होते हैं सोशल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और जो रोस्को पाउंड से उन्हें बोला था कि एडवोकेट जो होते हैं जो हमारे लॉयर्स हैं वो सोसाइटी में वेरियस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं इसके बाद आगे रोस्को पाउंड ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जुरुल पोस्टुलेट जुरुल जुरुल जुरल।, जुरल जुरल पोस्टुलेट देखो पहले रोस्को पावर ने फंक्शनल स्पेक्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर फोकस किया फिर उसने सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया अब उसने जुरल पोस्टुलेट्स के बारे में बोला इसने क्या बोला रोस्को पाउंड ने कि सोसाइटी में पांच प्रकार की एजम्पन्स होती हैं एजम्पन का मतलब क्या है सोसाइटी में पांच चीजें ऐसी हैं जो हर बंदा अपने दिमाग में एज्यूम कर लेता है मान लेता है सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल हो वो पांच चीजों को मान लेता है कि वो सोसाइटी में विद्यमान है वो पांच चीजें कौन सी हैं सबसे पहले जो पहला जो पोस्टुलेट था वो ये था कि इन अ सिविल सोसाइटी अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट नो वन वुड यूज नो वन वुड यूज एनी फोर्स एनी आर्बिट्रेरी फोर्स अगेंस्ट क्या बोला मैंने आपको एक सिविल सोसाइटी में एक सिविल सोसाइटी में एक मैन एबल मैन के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए यह एज्यूम करने की कि कोई भी पर्सन किसी प्रकार की फोर्स यूज नहीं करेगा अपने अगेंस्ट दूसरे के अगेंस्ट देखो होता क्या है सोसाइटी में सब लोग रहते हैं रोस्को पाउड ने बोला सोसाइटी में जो लॉज बनते हैं वो कुछ चीजों को देख के बनते हैं पांच प्रकार की चीजें हैं जो हर सोसाइटी में हर बंदा एज्यूम कर लेता है मान लेता है पहली चीज क्या मानता है बंदा कि कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट अनरिजनेबल फोर्स यूज नहीं करेगा हर सोसाइटी में हर सोसाइटी में एक बंदा मानेगा कि कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट अनरिजनेबल फोर्स यूज नहीं करेगा दूसरी क्या एक्समशन मानेगा सोसाइटी में कि जिसके पास प्रॉपर्टी है ही हैज राइट ही हैज राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी इन अ मैनर ही लाइक्स जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके पास पूरा राइट है कि वह प्रॉपर्टी को अपने तरीके से यूज कर सकता है ये किसने बोला दूसरा इसका पॉजिटिव था तीसरा क्या था तीसरा यह था कि इन अ सिविल सोसाइटी देखो बच्चों आपको ना प्रॉपर्ली याद करने पड़ेंगे पॉइंट पहले बोला गया इन अविल सोसाइटी एवरी वन वुड एज्यूम दैट नो वन विल यूज एनी फोर्स अगेंस्ट हिम दूसरा इन अ सिविल सोसाइटी एवरी वन वु है राइट टू यूज प्रॉपर्टी इन द मैन्यज ही लाइक्स तीसरा इन अ सिविल सोसाइटी अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट दो विद होम दे डील एज अ मैम्बर ऑफ सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ तीसरा क्या था कि हर एक सिविल सोसाइटी में बंदा एज्यूम कर सकता है कि जिसके साथ वो डील कर रहा है वो पर्सन भी उसके साथ गुड फेथ में काम करेगा गुड फेथ में काम करेगा अगर मैं किसी से डील कर रहा हूँ बातचीत कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ डील कर रहा हूँ किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो मैं हर सिविल सोसाइटी में बंदा एज्यूम कर सकता है कि दूसरा बंदा उसके साथ गुड फेथ में काम करेगा चौथा पोस्टुलेट क्या था उसका चौथा पोस्टुलेट ये था कि इन सिविल सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट दोज एंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट विल एक्ट विद ड्यू केयर चौथा क्या था कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस करता है कोई भी काम करता है उसको ड्यू केयर के साथ करेगा ड्यू केयर के साथ करेगा पाँच बच्चों ये तो ये बस इतना लिख के नहीं आना पेपर में ये तो मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपने लिखने हैं पूरा लिख किया टू जूम दैट नो वन विल यूज एनी फोर्स अगेंस्ट हम ऐसे करके पहले में दूसरे में इन मस्ट भी एबल टू जूम हैव दोपर्टी इन सिविल सोसाइटी मैन मस्ट भी एबल टू जूम विद होम ही इज डीलिंग वक्ट इन गुड फेथो इन मैन मस्टल टू जूम दैट एवरी वन हुज एंगेजिंग इन बिजनेस विल डू द बिजनेस विद ड्यू केयर ऐसे करके लिखोगे आप पूरा प्रॉपर बना के और लास्ट जो पांचवा पोस्ट है वो ये कि एक सिविल सोसाइटी में हर पर्सन अपनी लिमिट में काम करेगा एक सिविल सोसाइटी में एवरी वन विल विल डू द वर्क विद इन हिज लिमिट कोई भी बंदा ऐसे काम नहीं करेगा जिससे किसी को हार्म हो और किसी को हार्म हो रहा है तो उसके उस काम को ख़त्म कर दिया जाएगा ये हमारे किसने बोला ये रोस्को पावर ने बोला तो बच्चों रोस्को पावर ने बहुत सारी बातें बोली सोशोलॉजिकल जूनिस्ट थे सोशोलॉजी को उसने लो के साथ कंप्यू के, के, के साथ लिंक किया लो के फंक्शनल स्पेक्ट को बोला लोग में सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया जो पोस्टलेट बोला पर फिर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया फिर भी ये फ्री नहीं था ही वॉज नॉट फ्री फ्रॉम द क्रिटिसिज्म इसको क्रिटिसाइज़ किया गया क्या बोला गया पहले पहला क्रिटिसिज्म क्या किया गया लोगों ने ये बोला कि यार रोस्को पाओ ने अपनी थ्योरी के जरिए सोसाइटी को एक फैक्ट्री बना दिया जैसे एक फैक्ट्री में इंजीनियर काम करते हैं वैसे इसने सोसाइटी में एडवोकेट को फैक्ट इंजीनियर बना के सोसाइटी को फैक्ट्री बना दिया तो पहला इसको ये बोला गया कि इसने जो अपना कंपैरिजन किया इंजीनियरिंग के साथ एडवोकेट्स का बड़ा ही इ एक्सपीरियंस बड़ा ही इरेलीवेंट एक कंपेरिजन था क्योंकि सोसाइटी को फैक्ट्री थोड़ना है फैक्ट्री में काम करते हैं इंजीनियर कंपनीज में काम करते हैं और रोस्को पॉन्ड ये बोलना चाहते हैं कि सोसाइटी एक फैक्ट्री है और एडवोकेट एक इंजीनियर है और सॉरी एडवोकेट एक वहाँ पर इंजीनियर है तो इसने इस पॉइंट पर इसको क्रिटिसाइज किया गया दूसरा इसको क्रिटिसाइज किया गया एलेटिकल स्कूल वालों ने उन्होंने बोला कि इसने इंडिविजुअल को बिल्कुल फोकस नहीं किया इसने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को खत्म ही कर दिया बैंथम ने बोला था कि सोसाइटी में इंडिविजुअल को ज्यादा जहाजा फ्रीडम दो और इसने क्या किया इसने बोला सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करो वेरियस इंटरेस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करो क्या मतलब है इंडिविजुअल को फोकस दो इसने किया नहीं बिल्कुल भी, भी और इंडिविजुअल लिबर्टी जरूरी है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए इसके लिए भी इसको क्रिटिसाइज़ किया गया अगला जो इसका क्रिटिसिज्म था वो था बेसिकली प्लोरिस्टिक सोसाइटी को लेके ये बोला गया कि वो सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं विभिन्न धर्मों के विभिन्न रिलीजन के विभिन्न कास्ट के विभिन्न क्रीड के बहुत से लोग रहते हैं जिस सोसाइटी में उन सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं तो उन सभी लोगों को इस थ्योरी के अनुसार बेनिफिट नहीं दिया जा सकता क्योंकि सभी के अपने इंटरेस्ट होंगे कितना अगर बैलेंस मेंटेन करोगे किसी को तो प्रिविलेज देनी पड़ेगी तो दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोरिस्टिक थ्योरी वे द पीपल हैव मैनी इंटरेस्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा अब हमने रोस्को पाउंड का कंसेप्ट पढ़ लिया अब अगला जो कंसेप्ट आपका पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है शशलोजकर स्कूल में से दूसरे स्कॉलर लियोन डिगट लियोन डिगट लॉन डिगो जो है इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन्होंने कंसेप्ट दिया सोशल सोलिडरिटी का सोशल सोली डायरिटी इन्होंने कंसेप्ट दिया सोशल सोलिडरिटी का कंसेप्ट दिया ध्यान से देखो इन्होंने सोशल सोलिडरिटी का कंसेप्ट दिया लोन डिगट ने क्या बोला लोन डिगट ने बोला कि जो लो हैं जो लो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं सोसाइटी में यूनिटी लाने के लिए इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए <coughs> अभी समझ आ जाएगा देखो ध्यान से आस्ट्री ने बोला लो इज अ कमांड ऑफ सोवरन लो इज मेड फॉर द पीपल एज इट इज अ विश ऑफ द पीपल कमांड ऑफ सोवरन हिस्टोरिकल को बोल लो तो पहले से सोसाइटी में होते हैं उनको फाउंड किया जाता है बनाया नहीं जाता कैल्सन ने बोला लो नॉर्म्स है हार्ड ने बोला लो जो है वो एक तरह से रूल्स हैं जो हमारे लो लियोन डुगर थे उन्हें बोला कि भाई जो लॉ है वो सोसाइटी में यूनिटी और इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है लॉ इज अ सोर्स ऑफ सोशल सोलिडाइलिटी सोशल सोलिडाइलिटी का कंसेप्ट किसने दिया डुगर ने पेपर में क्वेश्चन आता है पूरा लिखोगे आप ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको जब ये कंसेप्ट आएगा लियोन डुगर ने बोला देखो सोशल का मतलब होता है सोसाइटी और सोलिडिटी का मतलब होता है एक तरह से मजबूती एक तरह से मतलब यूनिटी डुगर ने क्या बोला कि सोसाइटी में कोई भी फ्री नहीं है कोई इंडिपेंडेंट नहीं है सभी डिपेंडेंट है सोसाइटी में कोई सेल्फ सफिशेंट नहीं है सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी नीड्स को लेके अगर कोई बोले कि मैं बिल्कुल पूरा का पूरा मैं मेरे पास सब कुछ है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो वो गलत बोल रहा है हर बंदे को छोटे ना छोटे बड़े ना बड़े काम के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है तो सोसाइटी में एक इंटर है सभी लोगों की इसी को बोल जाता है सोशल सोलडेरिटी डुगर बोलते हैं कि जब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं लोग एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं तो ऑब्वियस ऑब्बियस बात है उनके बीच काफ़ी काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती होंगी आपस में बीच में बातचीत होती है बीच में कन्फ्लिक्ट भी होती होंगे तो लो जो है वो एक सोर्स है उन लड़ाइयों को दूर करने का लो सोर्स है सोशल सोलिडरिटी का लो सोसाइटी में यूनिटी को मजबूत करता है इंटरडिपेंडेंस को मजबूत करता है ये डुगड़ का मानना है आई होप आपको डुग्गर का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि लो इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ सोशल सोलिडलिटी एक तो बात आपने याद रखनी है दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने कि लियोन डुगर्ट ने बोला इसने कंसेप्ट ऑफ राइट को इग्नोर कर दिया इसमें राइट right कुछ नहीं होता है इसने कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवर्निटी को इग्नोर कर दिया इसने कमांड थ्योरी को इग्नोर कर दिया इसने क्या बोला कि लॉ जो बनाए जाते हैं वो सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं सोशल सोलडेटी को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं लॉ जो है वो ना तो किसी की कमांड है ना स्टेट सोवरन है इसलिए बनाए जाते हैं ना वो किसी प्रकार का इसने राइट right के ऊपर फोकस नहीं किया इसने देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने हूं इसने बोला कि राइट कुछ होता ही नहीं है अगर मैं बोलूं मेरा राइट है तो मेरा कोई राइट नहीं है राइट होता ही नहीं है सोसाइटी में केवल ड्यूटी होती है ड्यूटी होती है और सबसे महत्वपूर्ण राइट सोसाइटी में है राइट टू फॉलो द ड्यूटी एवरी वन हैज राइट बट ओनली टू फॉलो हिज ड्यूटी इसने बोला सोसाइटी में राइट नहीं होता कुछ प्राइवेट लॉ कुछ नहीं है पब्लिक लोग कुछ नहीं है स्टेट कुछ नहीं है सो कमांड कुछ नहीं है लो सोसाइटी में बनता है लोगों को रेगुलेट करने के लिए लो सोसाइटी में बनता है सोशल सोलिडिटी को मजबूत करने के लिए इंटरडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए और सोसाइटी में यूनिटी इंटीग्रिटी लॉ बनाया जाता है सोसाइटी में ड्यूटी ही है जो सभी को फॉलो करनी पड़ती है और किसी को कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो ये हमारा लियोन डुगरा का कंसेप्ट था पर जैसे हर बंदे को क्रटिसाइज़ किया गया इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया लोगों ने बोला इसने नेचुरल लॉ की थ्योरी ही फॉलो कर ली पूरी पूरी इसने क्या नया लाया नेचुरल लॉ भी यही तो होता है सोसाइटी में लॉ बनता है लोगों के लिए बनता है जो है वो है लॉ कोई सोवरन नहीं होता लॉ अपने आप ही बन जाता है <kessive> ये भी यही बातें बोल रहा है कि सोवरन लॉ नहीं बनाता है स्टेट सॉवरनटी नहीं होती है राइट्स नहीं होते हैं ड्यूटी है सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी को फॉलो करें तो किसी को किसी के राइट सभी की ड्यूटी है अपनी अपनी कोई किसी को मारे ना कोई किसी के साथ डेफामेशन ना करे सभी की ड्यूटी है मतलब सभी शांत प्रिय तरीके से रहे सभी अपनी ड्यूटी फॉलो करें राइट की बात कोई ना करे तो नेचुरल लॉ भी यही बात तो बोलता था नेचुरल लॉ बेसिकली यही बात तो बोलता था बच्चों नेचुर बेसिकली यही बात तो बोलता था तो इस ग्राउंड पर इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई लॉ को ही फॉलो कर लिया इसने एक तरफ नेचुरल नेचुरलो क्रिटिसाइज़ कि किया दूसरी तरफ नेचुरल लॉ का खुद वो ये एक तरह से सपोर्टर बन गया तो आप ये सारी बातें इसमें लिखोगे आई होप आपको समझ आ होगा अब सोशलोजीकर स्कूल हमारा हो गया तो हम सोशलोजीकर स्कूल के कुछ एक हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं लास्ट ईयर में आए हुए कि क्या क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं सोशलोजीकर स्कूल में से ताकि पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हमसे छूट जाए तो सोशोलॉजिकल स्कूल में सबसे पहले आया हुआ है रोस्को पाउंडस कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल रोस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी उसमें इसने बोला था इंजीनियर के साथ एडवोकेट्स को कंपेयर किया था एडवोकेट्स और लॉयर्स इंजीनियर्स होते हैं सोसाइटी में जो वेरियस इंटरेस्ट के बीच बैलेंस मेंटेन करते हैं तीन प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट क्या होते हैं काफ़ी लिस्ट है बड़ी सी लिस्ट सोशल इंटरेस्ट की भी लिस्ट है और उसकी भी इसमें मेन मिन है सोशल में हेल्थ आ जाएगा प्राइवेट में सक्सेशन आ जाएगा डोमेस्टिक रिलेशन आ जाएंगे और पब्लिक में हमारे इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट आ जाएंगे तो इसने बोला इन सभी में बैलेंस मेंटेन करते हैं एडवोकेट्स लॉयर्स यही है सोशल इंजीनियरिंग और यही है इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कंसेप्ट ऑफ द रोस्कोपाउंड सोशल सोलिडरिटी चार नंबर में आया हुआ है अभी अभी पढ़ा हमने किसने कंसेप्ट दिया लियोन डोगट ने दिया क्या बोला इसने सोशल मतलब सोसाइटी सोल मतलब यूनिटी इंटरडिपेंडेंस इसने बोला सभी लोग आपस में indip, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है सभी एक दूसरे को डिपेंड करते हैं और ये कंसेप्ट है सोशल सोशल यूनिटी का इंटीग्रिटी का जो मैंने आपको बताया मतलब अभी वो आप सारा लिख सकते हो अगला क्वेश्चन है दिस द एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज टू बिल्ड एन एफिशेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एज पॉसिबल विच इन्वॉल्व द बैलेंसिंग ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ पाउंडस पाउंड ने क्या बोला था सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था वो सारा आ जाएगा इसमें पाउंड का सारा रोल आ जाएगा इसमें फंक्शन एस्पेक्ट ऑफ लॉ जुल पोस्टल भी आप इसमें लिख सकते हो एक पैरी में और मेनली आपने फोकस करना है जो इसने इंटरेस्ट के बारे में बताया जो इसने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो तीस नंबर में अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो वट इज पाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हाउ फॉर इट इज एप्लीकेबल इन इंडियन लीगल सिस्टम पाउंड की थ्योरी क्या है सोशल इंजीनियरिंग की और इंडिया में कैसे एप्लीकेबल है देखो बच्चों थोड़ा सा बता देता हूँ इंडिया में क्या एप्लीकेबिलिटी है पाउंड ने फोकस किया कि सभी जो इंटरेस्ट हैं उनमें बैलेंस मेंटेन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और और साथ में पब्लिक और साथ में सोशल इंटरेस्ट इनमें बैलेंस मेंटेन में होना चाहिए इंडिया में भी बैलेंस मेंटेन होता है इंडिया में जितने भी राइट्स दिए हैं इंडिविजुअल को आप राइट टू लाइफ देखो आप राइट टू स्पीच देखो आप राइट टू इक्वलिटी देखो आप राइट टू फ्रीडम देखो जो भी राइट्स दिए हैं इंडिया में ना इंटरेस्ट दिए हैं लोगों को वो सारे सोसाइटी और पब्लिक के अगेंस्ट नहीं हो सकते इन सभी के ऊपर रिजनेबल रिजनेबल रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन हैं इन सभी के ऊपर देखो ध्यान से अगर आपको बोलने का राइट है मतलब इंडिविजुअल हो आप आपको बोलने का राइट है तो आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारे हम किसी की डेफामेशन करें पब्लिक को नुकसान करें आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिसे सोसाइटी को नुकसान हो इस स्टेट को नुकसान हो आप गालियाँ नहीं दे सकते आप गंदी बातें नहीं बोल सकते सोसाइटी में खड़े होकर आप मोरालिटी इन डिसेंसी नहीं फैला सकते सोसाइटी में क्योंकि आपको बोलने का राइट है अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट है इसका मतलब मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल न्यूड हो जाओगे सोसाइटी में घूमोगे मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ जी आपको बोलने का राइट है पर सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए आपको जीने का राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ आपके पास है लेकिन अगर आप मर्डर करोगे तो आपको फांसी में लटका दिया जाएगा राइट टू लाइफ आपका खत्म हो जाएगा अगर किसी को आपने मारा सोसाइटी में तो आपको भी मार दिया जाएगा तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारी सोसाइटी में अप्लीकेबल है जो इंटरेस्ट को बैलेंस करने का कंसेप्ट है वो इंडियन लीगल सिस्टम में फॉलो किया जाता है आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ इसको लिंक करोगे बच्चों में कॉन्स्टिंग लो अगर लेक्चर लूंगा अगर नहीं लूंगा तो मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा हुआ लेक्चर ऑलरेडी आप उसको देखा लेक्चर को उसमें इस इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से बताया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है सारा क्या क्या बैलेंस है क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है वो सारा आर्टिकल सारे आर्टिकल्स यहां लिखे जाएंगे अगर आपको इंडन लिगल सिस्टम आ गया तो कैसे बैलेंस मेंटेन किया गया है आपको धार्मिक सुंदरता है आर्टिकल बच्ची बोलता है आप किसी भगवान को मान सकते हो ठीक है पर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते जब हेल्थ के अगेंस्ट हो जाए वो कोविड आया था ना तो कोविड में मंदिर बंद हो गए मस्जिद बंद हो गई सब चीज़ें बंद सब चीज़ें बंद हो गई आप इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते थे हेल्थ के अगेंस्ट था इकट्ठा खड़ा होना तो आपको रिलीजन की स्वतंत्रता थी हम है, मानते हैं आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट था आप स्वतंत्रता थी आपके पास पर अगर आप इकट्ठे हो रहे थे सोसाइटी के अगेंस्ट था वो पब्लिक के अगेंस्ट था वो एन्वायरमेंट के अगेंस्ट था वो हेल्थ के अगेंस्ट था वो तो यहाँ पे क्या हुआ आर्टिकल पच्चीस में रेस्ट्रिक्शन लगी है कि ठीक है आपके पास स्वतंत्रता है धर्म की पर अगर कोई बीमारी आ जाती है धार्मिक और वो बीमारी फैलने लगती है उस सुनता की वजह से आपस में इकट्ठे होने की वजह से तो आप ऐसा नहीं कर सकते मतलब इंडिया में सोशल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को फॉलो किया गया है या आप इसमें बात लिख सकते हो ये बात कभी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको पर ये बात जो है वो एक्सपीरियंस के साथ पता चलती है जब आप लगातार वेस स्लोस को पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी क्या बोलना चाहते हैं ठीक है अगला जो कंसेप्ट आया हुआ है अगला जो कंसेप्ट है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द डुगट व्यू रिगार्डिंग द सोशल सोशलैरिटी अभी पढ़ा हमने सोशल सोलह क्या था इसमें आप इसका कंसेप्ट लिखोगे पूरा आप इसके बारे में लिखोगे इसकी क्रिटिसिज्म लिखोगे आप सारे अच्छे से इसको बताओगे आप इंट्रोडक्शन मीनिंग के साथ अब बच्चों एक है कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ ये मैंने आपके सिलेबस में है नहीं पर एर लिख एहर लिख एहरलिक स्कॉलर थे हमारे उन्हें कंसेप्ट दिया था लिविंग लॉ का देखो क्या बोला अहरलिक ने एहलिक ने बोला कि लो वो लो होता है एक वैलिड लो वो लो है जो सोसाइटी में सोसाइटी की नीड के अनुसार सोसाइटी की जरूरत के अनुसार एग्जिस्ट करता है वो लिविंग है सोसाइटी के अनुसार चला हुआ है सोसाइटी कुछ और बोल रही है लो बना दो आपने वो सोसाइटी में एप्लीकेबल नहीं है वो कैसा लिविंग हुआ इसने बोला लो मस्ट बी लिविंग लो लो मस्ट बी दैट लो विच कैन प्रोवेड इन द सोसाइटी विच कैन एग्जिस्ट एज पर दिचुएशन इन द सोसाइटी विच कैन बी फॉलोड बाई द पीपल पीसफुली दिस इज लिविंग लो लिविंग लो का मतलब है जो लोग सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है लिविंग लो का मतलब सोसाइटी में ऑलरेडी लो है तो एहरलिक ने लिविंग लो कंसेप्ट दिया था जिसमें इसने फोकस किया था लो ऐसा लो होना चाहिए जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है लो ऐसा लो होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है लो ऐसा लो होना चाहिए जो सोसाइटी में एक्चुअल में काम करता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि लो बना दिया और सोसाइटी में वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो लिविंग लो नहीं होगा तो ये लीविंग लो कंसेप्ट था एहरलिक ने दिया था पेपर में क्वेश्चन चार नंबर में आया हुआ है याद कर लें अब बच्चों ओके थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो बच्चों हमने क्या कर लिया हमने काफ़ी कुछ कर लिया पांच नहीं इंट्रोडक्शन कर लिया एलर्टिकल कोई स्टोर अब हमारे तीन टॉपिक है क्या फटाफट खत्म करेंगे इनको कोई दिक्कत नहीं है कोई नहीं बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ अंकुर जी आ, सिंपल बजाज जी थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन थैंक यू सो मच ऐसे लेक्चर ओके बिल्कुल सर हम ऐसे लेक्चर आपको देते रहेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं आप इन व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके जो हमारे ग्रुप्स बने हैं सी सी एस यूनिवर्सिटी के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं 2022 से 25 के बैच के और आगे फ्यूचर में कोई वीडियो आप देखेंगे तो अगर आपको आ, आप किसी और बैच के हुए तो हमारे पास ग्रुप्स सारे होते हैं तो आप आपने ज्वाइन होना है उस ग्रुप्स में फ्यूचर्स अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दे कर सकते हैं मैं ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा दूंगा दूसरा बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा यस दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस प्रॉपर लेक्चर से तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ डिलीवर कर रहा हूँ सिस्टमेटिक मैनर में हर चीज को अच्छे से बताया हुआ यहाँ तो बता रहा हूँ वहाँ पे सिंपल में लिखा हुआ है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर नाइन एट वन डबल सिक्स थ्री फोर टू सेवन सिक्स नाइन एट डबल सिक्स फोर नाइन डबल टू सेवन सिक्स काफ़ी बच्चों ने नोट्स अभी लिए भी हमसे लेक्चर देखते दे थे दे नोट्स पढ़ने का अलग मजा होता है तो अगर आप चाहिए आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं लेक्चर पेड है थ्री हंड्रेड रुपीज कॉस्ट है आज के लिए फ्यूचर में कॉस्ट कम ज्यादा होगी वो उस टाइम देखा जाएगा आज जब लेक्चर ले रहा हूँ उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ तो आप नोट्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको बता दूँ बच्चों आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है हमारे पेड़ बैच चलते हैं हम रेगुलर स्टूडेंट्स के लेक्चर्स लेते हैं हम रिविजन स्टूडेंट्स की लेक्चर लेते हैं आप उनको उनको आप आ, हमारे से डील हमारे से कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए या उन बैच का हिस्सा बढ़ने के लिए हमसे पढ़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए अगर आप प्रोफेशनल हैं आप अपनी आ, आपका बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का आपको आपके पास एग्जाम के दौरान दो या तीन दिन का टाइम होता है तो आप हमारे रिविज़न बैच ले सकते हैं जिसमें आपको पाँच से छः घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर दिया कर दिया गया होता है विद एपोर्ट क्वेश्चन जिसमें पेपर में आप सौ परसेंट करके आ सकते हो तो हम आपको काफी सर्विसेज देते हैं बच्चों अगर आपको आगे आने वाले लोग कोर्स जो आप कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपकी काफी हेल्प हम करेंगे नोट्स चाहिए लेक्चर चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज आप कर सकते हैं और आप अगर हम हमारे फ्री लेक्चर से संतुष्ट हैं हम काफ़ी लेक्चर फ्री भी देते हैं यूट्यूब पर काफ़ी लेक्चर्स हमारे फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं तो अगर आपको वो लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आप जब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा मन करता है हम और लाइव आएँ हम और मोटी हम हम जो है और ज़्यादा आपके लिए लेक्चर्स बनाएँ क्योंकि हम भी यहाँ पर टाइम लगा रहे हैं अपना आप समझ सकते हैं मुझे स्पेशली यहाँ पे जहाँ जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे वाईफाई फाई की वाई की कोई सुविधा नहीं है बड़ी मुश्किल से एयरवेज कंपनी का वाईफाई मिला यहाँ पे और वो मैंने पिछले परसों ही इंस्टॉल करवाया क्योंकि मुझे लेक्चर लेना था यहाँ पे और आप देखो इसकी उपरांत भी यहाँ पे कितनी दिक्कत आई है नेट की क्योंकि वाईफाई मैंने इनफैक्ट स्पीड मैंने काफ़ी एम की स्पीड लगवाई हो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एरिया ऐसा ही है यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है पर फिर भी चलो आपसे मेरी इंटरेक्शन हो रही है मैं इतना काफ़ी खुश हूँ तो अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है तो आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे भी अगर आप ट्यूशन पढ़ें आप कहीं पर किसी की हेल्प लें या कहीं से आप नॉलेज लें वहाँ आप कॉन्ट्रीब्यूट करें तो इससे अच्छा आप यहां पर भी अगर आपको नॉलेज मिल रहा है आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये नॉलेज मैं आपको ये बोल सकता हूं आप पेपर में सौ परसेंट अटैप्ट करके आओगे मेरी गारंटी है आपसे आपने बस मेरा ही जो पढ़ाया लेक्चर है वो ध्यान से सुनना है और ध्यान से दिमाग में अपने याद रखना है तो बच्चों सबको समझ आ जाएगा बता दीजिए यस सौ नो में फटाफट आंसर कर दीजिए मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूं फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे फटाफट बताइए बच्चों 109 बच्चे लाइव हैं अभी तक रिप्लाई किसी का नहीं आया तो मैं क्या समझूं सी सी एस एडमिट कार्ड भी नहीं आए रिया मल्खी जी प्लीज एक जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए क्योंकि इसका यहाँ पे आपको आंसर कैसे मिल सकता है अब एडमिट कार्ड तो मुझे खुद नहीं पता है आए नहीं आए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंशज थैंक यू थैंक यू कमल शर्मा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाकी बच्चे रिप्लाई कर दिया करें क्योंकि आपका एक रिप्लाई हमें मोटिवेट करता है गेट कोई एक्सटेंड नहीं होने वाली है थैंक यू सो मच जो जो बच्चे सुन रहे हैं जो बच्चे समझ रहे हैं जो हम क्वेश्चन करते हैं हमें बताएं तो वो इन बातों को समझते हैं कि टीचर पूछ रहा है हमें बताना चाहिए तो थैंक यू सो मच आप ये रिगार्ड दे रहे हैं हमें बाकी जो बच्चे बिल्कुल एक बन जाते हैं बिल्कुल जवाब तक नहीं देते बड़ा दुख होता है क्योंकि हम लोग आपसे अगर पूछ रहे हैं तो कुछ सोच के पूछ रहे हैं हमें पता भी तो चले कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं पढ़ाता रहूँ आपको पता ना चले उसका फ़ायदा कुछ नहीं है सर तो आप लोग सभी रिप्लाई करें तो हमें अच्छा लगेगा हमें एक मोटिवेशन मिलेगी थैंक यू सो मच 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 बच्चों देखो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए सोसाइटी में तभी मजा आता है एक इंसान बोलता रहे दूसरा उसका रिप्लाई ना करे तो बड़ी शेम फील होती है कि यार ये कैसी कैसा सिस्टम है मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने चार चार सौ बच्चों को इकट्ठा ही पढ़ाया हुआ है और आप लोग तो एक सौ नौ बच्चे हो चार सौ का बैच था हमारा पिछले आपके सीनियर जो है तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने और उनका रिस्पॉन्स बहुत हाई था बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच तो अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म पढ़ेंगे अभी अमेरिकन स्कूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आएगा क्वेश्चन इसका भी अमेरिकन रियलिज्म बच्चों अमेरिकन रियलिज्म आ जाए या रिलिस्टिक स्कूल आ जाए क्वेश्चन आंसर आपने ये लिखना है तो देखो बच्चों जो अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल था ना वो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल एनालिटिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल का मिक्सचर था सोशियोलॉजिकल स्कूल का आपसी मिक्सचर था मतलब एनालिटिकल स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल को मिला दिया गया तो क्या कर दिया उन्हें अमेरिकन रिलीजन बोल दिया कुछ लोग इसको रिलिस्टिक स्कूल बोलते हैं अब रियलिस्टिक स्कूल जो है बच्चों वो दो जगह पे विद्यमान है एक तो अमेरिका में अमेरिका के फ्लोरेंस की कुछ एक है कंट्रीज लेकिन आपके सिलेबस में स्कैडेवियन वाला नहीं है आपके सिलेबस में अमेरिका का है तो सोशोलॉजिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल दोनों को आपस में मिला दिया गया दोनों के थॉट्स आपस में मिल गए तो रियलिस्टिक स्कूल का अप्रोच पैदा हुई कुछ लोग ऐसे हैं वो इसको स्कूल मानते ही नहीं वो इसको स्कूल मानते ही नहीं वो इसको स्कूल नहीं मानते वो इसको क्या मानते है? हैं वो मूवमेंट मानते हैं मूवमेंट मानते हैं मैं क्या बोल जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सारे पेपर में लिखोगे पे अब इंट्रोडक्शन में कि ये स्कूल जो था दोनों का मिक्सचर था कुछ लोग इसको स्कूल मानते नहीं है वो इसको मूवमेंट मानते हैं ये स्कूल जो था बेसिकली अमेरिका में अलग गया स्काडेवियन में अलग गया थोट्स इसके और यहाँ पर जो हम फॉलो करते हैं वो अमेरिका का फॉलो करते हैं ये सारी बातें आप यहाँ पर लिखोगे जो मैं बता रहा हूँ आपको और इस स्कूल का मेन आइडिया क्या था देखो जितने भी स्कूल हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ एक मेन आइडिया है एनलिटिकल स्कूल बोलता है लो जो है वो एक कमांड है सॉवरन की हमारा कैसन जी बोलते हैं लो क्या है लो है एक ऐसी चीज़ जो नॉर्म्स होते हैं वो लो है हार्ड बोलते हैं लो सेट ऑफ रूल्स है सैवनी बोलते हैं लो विल ऑफ पीपल है हेनरी मेने बोलते हैं लो जो है वो डेवलप होता है सोसाइटी में हिस्ट्री से और कस्टमरी लो बन के फिर वो उसका क्वालिफिकेशन होता है सोशलॉजी स्कूल बच्चे बोलते हैं लो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है सोसाइटी में काम करने के लिए बनाया जाता है सभी ने अपना अपना आइडिया दिया लो क्या है क्या नहीं है जो हमारा ये वाला स्कूल है कौन सा स्कूल बच्चे जो मैं अभी कराने लगा अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल है ये बोलते हैं कि जो लोज हैं वो जजेस बनाते हैं जजेस मेड द लो इन्होंने एक देखो एक हो, दो अप्रोचेज होती हैं ध्यान से समझने की कोशिश करना एक होती है रियलिस्टिक अप्रोच एक होती है आइडियलिस्टिक अप्रोच

इनके पास एक बंदे केस गया इन्होंने उसको बोला कि तुझे मर्डर की सजा मिलेगी दस साल तक की दूसरे बंदे केस किया उसको बोला तुझे मर्डर की सजा मिलेगी लेकिन केवल बोलो साल तक की तीसरे को बोला इसको फांसी की पे अटका दो तुम लोग तीनों ने मर्डर किया इसने मर्डर किया इसने मर्डर किया इसने मर्डर किया जज साहब जो बैठे हैं वो इसको अलग सजा दे रहे हैं इसको अलग सजा दे रहे हैं इसको अलग सजा दे रहे हैं एक्चुअल में जज साहब सबसे दे रहे हैं एक्चुअल में लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल लोग जस साहब बना रहे हैं फैक्ट्स को देख के सरकम को देख कर सोशोलॉजिकल स्कूल वाले क्या बोलते थे सोसाइटी के लिए लॉ बनाया जाता है और रिलिस्टिक स्कूल क्या है सोशलॉजिकल स्कूल और एलेट्रिकल स्कूल का मिक्सचर है तो सोशोलॉजिकल स्कूल में जो बोला गया सोसाइटी के लिए लॉ बनाया जाता है उसी को आगे बढ़ाया गया कि जज साहब जो है वो सोसाइटी में स रक्कम को देख कर लोगों को सजा देते हैं अर्थात जब सजा दे दी मतलब वो लो बन गया वो लो ही तो बना तो रिलिस्टिक स्कूल वाले जो बंदे थे बेसिकली बच्चों वो ये मानते थे कि लो जो है वो ना तो लेजिलेचर बनाता है ना कमांड है किसी की ना कोई नोम है ना किसी प्रकार का जो है वो कोई सिस्टम ऑफ सेट ऑफ रूल्स है लो सोसाइटी में जजेस बनाते हैं जब उनके पास केस आता है सकम को देखते हैं वो उन सकम को देख के वो लो बनाते हैं ये मेन मेन आइडिया है ये मेन आइडिया है, है रिलिस्टिक स्कूल का आगे अगला बिंदु जो बनता है हमारा वो बनता है कि रियलिज्म होता क्या है रियलिज्म क्या है या फिर अमेरिकन रियलिज्म क्या है अमेरिकन रियलिज्म क्या है तो बच्चों रियलिज्म एक रियलिस्टिक अप्रोच है जो सोशलॉजिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच का मिक्सचर है कुछ लोग इसको स्कूल मानते हैं कुछ लोग इसको मूवमेंट मानते हैं मूवमेंट स्कूल नहीं है ये मूवमेंट है कुछ लोग इसको सेपरेट स्कूल मानते हैं है. कुछ, है, कुछ मानते हैं ये कोई सेपरेट स्कूल नहीं है ये तो वही है कौन सा ये तो वही स्कूल है कौन सा

उसके बाद अगला जो आप पॉइंट लिखोगे इसमें रीजन में इसमें आप लिखोगे स्कॉलर कौन है इसके एस सी एच ओ एल स्कॉलर्स कौन कौन से बात करूं बच्चों स्कॉलर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो मेन स्कॉलर है इसके वो है ओलिवर होलमस पूरा नाम है क्या इनका पूरा नाम है इनका मैं पूरा नाम बताता हूं आपको पूरा नाम इनका जस्टिस ठीक है हॉलमस ये लिखा हुआ है जस्टिस हॉर्मस ओलिवर हॉलमस ठीक है तो ओलिवर होलमस ठीक है ओलिवर हॉर्मस जो है जस्टिस एक इन्होंने एक बैड मैन थ्योरी दी थी बैड मैन थ्योरी उन्होंने बैडमैन थ्योरी दी थी और उन्होंने सबसे पहले बात करी थी जजमेट लो की इन्होंने बोला कि लॉ सोसाइटी में जजेस बनाते हैं जब जजेस के पास केसेस आते हैं वो फैक्ट्स को देखते हैं वो उन फैक्ट्स को देखकर अपने डिसीजन देते हैं और लॉज को बनाते हैं तो इन्होंने क्या किया था रियलिस्टिक अप्रोच किया बीज सबसे पहले बोया था ठीक है दूसरा नाम इसमें याद रखना है प्रोफेसर ग्रे वेरी वेरी लैंगवर्क टर्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाम ये नाम पक्का लिखना है जस्टिस जो खुद ही जस्टिस ये लोग जस्टिस खुद थे अपने अपने आप को फोकस करना ये हम लोग बनाते हैं जो जस्टिस ग्रे थे उन्होंने बोला कि लॉज आर मेड बाई जजेज ओनली इन्होंने ये बात बोली लो जज ही बनाते हैं लो कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाता लो जजेस के सामने जब डिसीजन आते केसेस आते हैं तो वो फैक्ट्स को देखते हैं सर्कम को देखते हैं और लो एक्चुअल में बनाते हैं तीसरा जो नाम है इसमें वो है लेली एल ई लेली, लेली। स्पेलिंग देखो एक बार स्पेन देख लो अजीब so, सा नाम है एल एल देखो एल एल ई डब्ल्यू ई डबल एल वाई एन ललिबियन इन्होंने लो जॉब थ्योरी इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था लो जॉब थ्योरी लो जॉब्स थ्योरी और इसमें इन्होंने फोकस किया कि लो कौन बनाता है लो हमारे जज बनाते हैं ये बात इन्होंने इसमें बोली थी लो जॉब्स थ्योरी में इसके बाद लो आगे थोड़ी इन्होंने दी उसके बाद अगले जो हमारे स्पोर्टर थे इसके किसके हमारे रिलिस्टिक स्कूल के अमेरिका में जो रिलिस्टिक स्कूल था उसके स्पोर्टर थे वो थे जेरोम फ्रैंक जेरोम फ्रैंक जेरोम फ्रैंक अमेरिका के जेरोम फ्रैंक ठीक है बच्चों ठीक है ओके तो ये हमारे रिलस्ट स्कूल है स्कूल ने मैंने फोकस किया जजेस के जरिए बनाए हुए लॉज को मैंने फोकस किया कि लोग जो जजेस बनाते हैं लोग कोई सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई वो नहीं बनाता इन द सेंस कि कोई सोसाइटी में कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाता जज लोग बनाते हैं जो ओलिवर होलमर्स थे उन्हें इसके बीज बोए थे जो फर्स्टली बैडमैन थ्योरी जिन्होंने दी थी उसके बाद ग्रे आ गए लेलवियन आ गए जिरो फ्रैंक आ गए तो ये हमारा रिलिस्ट स्कूल था बच्चों लिस्टिव स्कूल को भी क्रिटिसाइज़ किया गया इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया कोई भी स्कूल क्रिटिसिज्म से बचा नहीं है इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया इसका भी विरोध किया गया पहला विरोध क्या किया गया कि ये स्कूल मानते है कि लो जजेस ही बनाते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है लॉज के बहुत से सोर्सेज हैं कस्टम को इन्होंने इग्नोर कर, कर दिया कस्टम को इन्होंने इग्नोर कर दिया इन्होंने लैजिस्लेश्स को इग्नोर कर दिया इन्होंने उस लो को इग्नोर कर दिया जो जजेस के सामने आता ही नहीं अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट है पर्टिकुलर वो जज के सामने कभी आया ही नहीं उसका क्वेश्चन कभी जज के सामने आया ही नहीं तो क्या उसके ऊपर लो नहीं बनेगा लो तो फिर उसके ऊपर बनेगा ही ना बोलने मतलब क्या हुआ कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं बेशक जजेज के सामने वो पॉइंट ना आए तो बोलने मतलब क्या हुआ कि जो लो जज के सामने ना आया जो पॉइंट जज के सामने ना आया क्या उसके ऊपर लो नहीं होगा किसने मर्डर किया जज के सामने बात पहुंच गई जैसा सामने लो बना दिया किसने चोरी करी जैसा के पास पास बात पहुंच गई जज ने लो बना दिया मान पौारी लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट था उसके लिए जज के पास लो पहुंचा जो जज के पास वो डिस्प्यूट आया नहीं तो क्या उसके ऊपर लो नहीं होगा मतलब इस स्कूल ने उस उस लॉज को इग्नोर कर दिया जो जज के सामने कभी पहुंचे नहीं पॉइंट्स जो जज के सामने कभी डिस्प्यूट पहुंचे नहीं ऐसी सोसाइटीज होती हैं बहुत सारी जिसमें डिस्प्यूट पैदा ही नहीं होते जज क्या लो बनाएंगे लो तो उसके बन के आरोपी तो इसने कस्टम को इग्नोर कर दिया लेजिस्टेशन को इग्नोर कर दिया और उस पार्ट को इग्नोर कर दिया लो के जो जजेस के पास कभी पहुंचता ही नहीं तो आप ये बात भी यहाँ पे लिख सकते हैं आई होप बच्चों आपको भी समझ आ गया होगा अब रिलिस्टिक स्कूल हमारा खत्म हो गया और इसके बाद भी हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है इसमें लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं अब मैं रिलिस्टिक स्कूल की बात करूँ तो दो क्वेश्चन आए हैं बच्चों बेसिकली लास्ट ईयर में राइट नोट ऑन अमेरिकन रियलिज्म पूरा लिखना है आपने जो मैंने बताया राइट डिटेल डिटेल ऐसे रिलिस्टिक मूवमेंट वही आया हुआ है सेम पूरा जो मैंने बताया वही लिखना है आपने तो रिलिस्टिक स्कूल भी हमारा खत्म हो गया आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अब अगला देखते हैं बच्चों अगला देखते हैं वो है इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लो क्या है बच्चों वो इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लो इकोनॉमिक अप्रोच इकोनॉमिक अप्रोच बोल लो या कभी भी कार्ल मार्क्स अप्रोच ऑफ लो ही बोलते हैं देखो बच्चों कार्ल मार्क्स ने एक अप्रोच दी थी लॉ की जो कि इकोनॉमिक अप्रोच बोली जाती है इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि सोसाइटी में लॉ क्यों आता है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से हर एक थ्योरी का अपना फोकस है कमांड थ्योरी बोलती है कमांड है सोवरन की एक थ्योरी बोलती है हिस्ट्री बोलती है सोसाइटी में लोग पहले से एग्जिस्टेंस में होते हैं बहुत सारी थ्योरीज हैं हमने जो भी पीछे पढ़ी और जो इकोनॉमिक अप्रोच है कार्ल मार्क्स से इन्होंने फोकस किया फिर क्या लेक्चर खत्म हो जाए इन्होंने फोकस किया किसके ऊपर फोकस किया कि लोग सोसाइटी में क्यों आता है इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से इसको पढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कार्ल मार्क्स कौन थे और इनकी क्या थिंकिंग थी इन्होंने क्या सोसाइटी को देखा क्योंकि सोसाइटी को इन्होंने देखा उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक अप्रोच के बारे में बताया तो जो कार्ल मार्क्स थे कार्ल मार्क्स बेसिकली जो कार्ल मार्क्स थे वो रहने वाले थे जर्मनी परशिया जर्मनी में बोर्न हुए थे अठारह में जन्म हुआ था 1818 अठारह में जर्मनी में जन्म हुआ था काफ़ी गरीबी थी अपनी लाइफ में इनकी इनके फादर एडवोकेट थे गरीबी पहले नहीं थी बाद में आई कैसे आई फा पहले फादर एडवोकेट थे सब ठीक था इनको एक लड़की से ही फॉल इन लव विद अ गर्ल जैनी एक लड़की से इनको प्यार हो गया जैनी नाम था वो लड़की किसी और कास्ट की थी, थी किसी और सिस्टम की थी और आ, घर वाले मारने वाले नहीं थे तो दोनों दोनों ने आपस में क्या किया बाहर कर शादी कर ली शादी तो कर ली बच्चे भी पैदा आ गए हो गए लेकिन बाद में क्या हुआ दो बच्चे तो इनके मर गए एक्सपायर हो गए ड्यू टू नु, माल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से जैनी भी मर गई क्योंकि खाना नहीं मिला टाइम से तो गरीबी बहुत देखी बाद में बहुत प्रॉब्लम आई ये रिसर्च स्कॉलर बन गए पीएचडी करने लगे पड़े काफी उन्होंने स्टडी करी और इस दौरान उन्होंने दो बुक्स लिखी एक थी दास कैपिटल और एक थी हमारा एक थी दास कैपिटल और दूसरी थी कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कॉम्युनिस्ट मैनी मैनिफेस्टो ध्यान देखो मेरी बात में बाद मैं क्या बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो कार्ल मार्क्स थे वो ठाकस में पैदा हुए जर्मनी में पैदा हुए गरीबी काफी थी जब लाइफ में अपनी ये मेच्योर हुए रिसर्च स्कॉलर थे रिसर्च कर रहे थे बुक्स लिखते थे दो बुक्स लिखी जब ये मर गई उसके बाद ये बुक्स पब्लिश हुई उसके बाद इन बुक्स में काफ़ी इन्होंने जो बातें बोली थी वो सामने निकल के आई दास कैपिटल में इन्होंने बात करी इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला सोसाइटी में कैसे सोसाइटी हमारी परमिटिव स्टेज से परमिटिव स्टेज से स्टेज से सोशलिज्म में पहुँचेगी कैसे पहुंचेगी देखो ये सोशलिज्म के ऊपर फोकस करते थे सोशलिज्म मतलब समाजवाद बच्चों मुझे पता है अभी शुरुआत इस टॉपिक की नया टॉपिक है टेक्निकल भी टेक्निकल नहीं है सिंपल है बिल्कुल इजी है पर आप दो मिनट समझ लोगे फिर आपको समझ आ जा जाएगा एक बार पूरा मैं कहानी बना दूं फिर आपको समझ आ जा जाएगा इन्होंने क्या बोला इन्होंने अपनी दास कैपिटल बुक में सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसी होती है वो बात बताई इन्होंने बोला सोसाइटी प्रिमिटिव स्टेज से शुरू होती है प्रिमिटिव स्टेज एक ऐसी स्टेज, स्टेज होती है जहाँ पे लोग हंटिंग कर कर अपना पेट भरते हैं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्रिमिटिव स्टेज होती है सोसाइटी में बाद में प्रिमिटिव स्टेज के बाद दूसरी जो स्टेज आती है पहली स्टेज है दूसरी स्टेज जो आती है सोसाइटी में वो आती है हमारी वो आती है हमारी स्लेवरी स्टेज कौन सी स्लेवरी इनका मानना था कि पहले लोग सभी आपस में हंटिंग करते थे माल लोग अपना फ्रेस्ट में जाकर वहाँ से खाना लेकर आते थे अपना गुजारा करते थे खाना खाते थे पहले थी माँ सोसाइटी में प्रमेटिव स्टेज बाद में लोगों ने दूसरों को स्ले बनाना शुरू कर दिया दूसरों से काम करवाना शुरू कर दिया दूसरों से हंटने करवाना शुरू कर दी लोगों को अपना नौकर बनाना शुरू कर दिया स्लेब बनाना शुरू कर दिया जब स्लेब बनाना शुरू कर दिया इसके बाद कौन सी स्टेज आ गई हमारी ये स्टेजेस कैसी कैसे आई सोसाइटी में ये बता रहे हैं डेवलपमेंट कैसी सोसाइटी उसके बारे में काल मार्क्स बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ स्लेवरी स्टेज आ गई तीसरा जो तीसरी तीसरी जो स्टेज थी वो थी हमारी फेडरलिज्म फेडरलिज्म जो स्टेज थी फेडरलिज्म ये बेसिकली फोकस करती थी स्टेज जो फेडरलिज्म स्टेज थी ये फोकस करती थी फेडरा फेडरलिज स्टेज जो थी ये फोकस करती थी बे, बेसिकली इस बात पे कि यहाँ पे एक लोग बहुत बड़े रिच हो गए एक लोग गरीब हो गए रिच लोगों ने क्या किया गरीब लोगों के ऊपर शोषण करना शुरू कर दिया रिच लोगों ने गरीब लोगों को हायर कर लिया नौकर बना लिया उनसे काम करवाते थे ज्यादा काम करवाते थे अपनी जमीनों पर कम पैसा देते थे यहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था इसको बोलते थे कि अपनी जमीनों पर किसी से काम करवाना और बाद में उनको रिटर्न में बहुत कम देना ये सिस्टम शुरू हो गया जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो सोसाइटी में फिर आ जाएगी कैपिटलिज्म फिर सोसाइटी में आ जाएगा कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या होता है कैपिटलिज्म ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंडिविजुअल को बहुत सारी फ्री फ्रीडम मिलती है सोसाइटी में काम करने के लिए जैसे बैंथम ने इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट दिया था यूटिलिटेरियनिज्म का वही है कैपिटलिज्म का कंसेप्ट अर्थात सोसाइटी में लोगों को फ्री 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 मिलेगा बहुत कुछ उनको फ्रीडम मिलेगी वो कोई भी काम कर सकते हैं अमीर अमीर होता जाएगा गरीब गरीब होता जाएगा जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा उतना अमीर बन जाएगा ये स्टेज आ जाएगी और फिर पाँचवीं स्टेज लास्ट में क्या आ जाएगी सोशलिज्म आ जाएगी सोशलिज्म आ जाएगी मतलब बोलने क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स ने बताया अपने दास कैपिटल में कि आज तो सोसाइटी में कॉम्युनिज्म नहीं है सॉरी आज सोसाइटी तो में जो है वो कैपिटलिज्म है आज सोसाइटी तो में अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब और अमीर के बीच बहुत फासला है लेकिन सोसाइटी कैसे सोशलिज्म के पास पहुंचेगी उसने इसकी कहानी अपनी दास कैपिटल बुक में बता दी उसने बोला कि सोसाइटी एक परमिटिव स्टेज से शुरू होती है जहां लोग सब जो थे फ्रेश फूड के ऊपर डिपेंड करते थे जाते थे हंटिंग करते थे अपना गुजारा करते थे बाद में लोगों ने लोगों को नौकर बनाना शुरू कर दिया स्लेब बनाना शुरू कर दिया और उनको बोला जाके हंटिंग करके आओ और हमें खिलाओ उनको पैसे देकर उनको अपने घर में रख लिया बाद में क्या हुआ जब स्लेब्री स्टेज खत्म होने लगी तो लोग और जरा अमीर होने जो अमीर थे वो अमीर होने लग पड़े उन्होंने क्या किया जमीन ने अपने कब्जे में कर ली उन जमीनों में लोगों से काम करवाते थे कम पैसा देते थे रिटर्न में और बहुत प्रॉफिट लेते थे फेडरलिज्म आ गया जब फेडरलिज्म आ गया तो फिर लोग अमीर होने लगे पड़े कैपिटलिज्म आ गया गवर्नमेंट ने लोगों को फ्री छूट दे दी तुम जो मर्जी काम करो रूल्स रेगुलेशन थे नहीं लोग अमीर अमीर होते गए और जब लोग इसे दुखी हो जाएंगे तो फाइनली फिर दोबारा से सोशलिज्म आ जाएगा और सोशलिज्म जिसमें इक्वलिटी होगी रिच रिच नहीं होगा रिच और गरीब के बीच फासला ख़त्म हो जाएगा कोई जितनी मर्जी मेहनत कर ले एक लिमिट तक ही पैसा कमा पाएगा ऐसे सोशलिज्म स्टेज आया ये तो उसने बोला किसने कार्ल मार्क्स ने बोला कि सोसाइटी डेवलप कैसे होगी इसके बाद कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई यह सोसाइटी डेवलप होने की बात इसने कर दी इसके बाद कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये तो होगी एक बात दूसरी अब लो क्यों बनाए लो को बनाने का कारण क्या है लो की जरूरत क्या है तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने बोला लो सोसाइटी में बना है इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से इकोनॉमिक फोर्सेस मतलब सोसाइटी में जो लोग हैं वो अमीर अमीर होते जा रहे हैं जहाज जहां बिजनेस कर रहे हैं कैपिटलिज्म है सोसाइटी में गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसीलिए ये लॉ बना इसलिए कानून बनना शुरू हुआ इकोनॉमिक फोर्सेस इकोनॉमी और लो का आपस में कनेक्शन है कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते थे इकोनॉमिक अप्रोच यही तो है लॉ की इकोनॉमी का अप्रोच क्या बोलती है लॉ हैज कम इंटू एक्सिस्टेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेज बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग द इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द इन रिस्पेक्ट ऑफ द इकॉनमी या आप लिखोगे तो कार्ल मार्क्स ने बोला इकोनॉमिक फोर्स की वजह से लो सोसाइटी में आया दूसरा इसने बोला जो इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से लो आया ना ऐसे लो ने किसको 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 महत्व दिया रिच लोगों को लो तो बना पर रिच लोगों के बेनिफिट के लिए बना गरीबों को फिर दबाया गया कार्ल मार्क्स मानते हैं थ्री स्टेजेस हैं यहां पे थ्री एजम्स इन्होंने थ्री चीजें एज्यूम करी हैं है एजम्पन थ्री चीजें एज्यूम करी है सोसाइटी में लो को लेकर बोला पहली बार लो सोसाइटी में क्यों आया इसलिए आया लो सोसाइटी में क्यों आया पहली बार उन्होंने बोली लो सोसाइटी में क्यों आया इकोनॉमिक फोर्स से दूसरी बार उन्होंने बोली लो सोसाइटी में आया उससे हुआ क्या रिच जो थे उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया पुअर को रिच ने लो को अपने हाथों का टूल बना लिया अपना वेलफेयर करने के लिए और तीसरा फिजर ये क्या बोलते हैं बाद में जब सोशलिज्म आ जाएगा सोशलिज्म आ जाएगा जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो सोसाइटी में लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं लो. लो आया उसने डिस्ट लोगों की हेल्प करी कैपिटलिस्ट बढ़ गया और जब कॉम्युनिज्म आ जाएगा सोशलिज्म आ जाएगा तो लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी सभी लोग इक्वल अपने आप हो जाएंगे क्या दिक्कत है तो दिस इज द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक लॉ तो बच्चों आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा सारा का सारा तो स्टूडेंट देखो अब मैं आपको बता दूं अब लास्ट में टॉपिक बचता है हमारा नेचुर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसे क्वेश्चन क्या क्या हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे इस स्कूल से कौन सा स्कूल है इकोनॉमिक स्कूल से तो एक क्वेश्चन आया हुआ है वट वर द फैक्टर्स एंड सरकमस्टांसिस विच लेड टू इकोनॉमिक अप्रोच क्या फैक्टर्स थे सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको आ गया इस तो कैसे कैसे बनाओगे देखो ध्यान से कार्ल मार्क्स ने ये जो बातें बोली थी ना उस टाइम पे सोसाइटी में क्या था पहली बात इंडिविजुअलिज्म था इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म था इंडिविजुअल को फोकस किया जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैजिसफियर थी लैजिसफियर लैजिसफेयर का मतलब होता है लेट द पीपल फ्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोग हैं उनको फ्री रहने दो उनको रेगुलेट मत करो ये सोसाइटी में फैल रही थी सोसाइटी सोसाइटी में में जो था वो था वो कैपिटलिज्म ये सभी चीजें विद्यमान थी इसकी वजह से क्या हो रहा था गरीब गरीब होता जा रहा था अमीर अमीर होता जा रहा था और इन सभी की वजह से इकोनॉमिक अप्रोच जो है वो कार्ल मार्क्स ने दी कि इस इकोनॉमिक फोर्स की वजह से लॉ बनाया जा रहा है और ये लॉ लो, अमीर लोगों की हेल्प करेगा और जब सोसाइटी में कॉम्युनिज्म आ जाएगा सोशलिज्म आ जाएगा, तो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वॉज ऑफ लो पूरा ऑफ लोनाप आपको, लो? आपको. आपको तो लास्ट में बचता है क्या बचता है अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें जब तक मैं अपना टॉपिक साफ करके शुरू करता हूँ आप लाइक कर दें ठीक है मैं वेट कर रहा हूं लाइक कर दें फटाफट फटाफट करें जस्ट आप नीचे जो थम बना हुआ है ये वाला निशान उसको अपने क्लिक करना है लाइक करना है और अगर चैनल पर नहीं है रेड बटन पर क्लिक करें सब्सक्राइब करें उसको अभी के अभी अपने दोस्तों से चैनल को जरूर शेयर करना है जो आपके क्लासमेट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं आपके जानने वाले हैं एक और रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों देखो बहुत से बच्चे हमसे नोट्स लेते हैं हमसे लेक्चर्स लेते हैं प्लीज़ हमारे मटेरियल को किसके साथ शेयर ना करें देखिए हम लोग मेहनत करते हैं हम लोग हमारी अपनी एप्लीकेशन है मैं आपको बता दूं लो विटवींस के नाम से एप्लीकेशन है हमारी अपनी विथ ट्स प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन में हम आपको नोट्स दे सकते हैं एप्लीकेशन में नोट्स देने का ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें आप नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पाओगे बस आप वहां पे देख ही पाओगे आप पीडीएफ फाइल नहीं निकाल सकते आप प्रिंट नहीं निकाल सकते अपने पास नोट्स लेकर बैठ नहीं सकते हम नहीं चाहते किसी बच्चे को पैसे देने के बाद भी दिक्कत आए पढ़ने में तो हम लोग डायरेक्टली आपको फाइल ही दे देते दे 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 हैं हम लोग आपको डायरेक्टली फाइल दे देते हैं पर एक विश्वास के साथ एक विश्वास के साथ कि आप लोग जो है वो उस फाइल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें देखिए कोई हम ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट है अगर आपको एक बना बनाया मटेरियल आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार ए टू जेड सिंपल सा आपको मिल जाता है कुछ पैसों में तो आपको क्या क्या दिक्कत है मतलब आपस में बांटना क्यों फिर तो मेरा मतलब बोलने का ऐसा बिल्कुल ना करें कि तीन चार लोग मिल नोट्स लें ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप लोग नोट्स नहीं फिर आप आगे शेयर करें या लेक्चर्स नहीं आगे शेयर करें तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को अच्छे से नोट कर लें इसमें हम आपकी आगे तक हेल्प करेंगे आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए लेक्चर्स के लिए ओके मैं, 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 मैं।, okay. दस 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 मैं दस एक बार बैटरी देख लू बच्चों मुनीष सर बोल रहे हैं बैटरी बहुत कम है नौ परसेंट ओके स्टूडेंट नौ परसेंट बैटरी तो फटाफट मुझे इस लेक्चर को खत्म करना पड़ेगा नौ परसेंट बैटरी मतलब हम पाँच मिनट खत्म करेंगे इस लेक्चर को तो नेचुरल और लास्ट बचता है हमारा अच्छे से करेंगे ऐसी बात नहीं है दिक्कत नहीं है अच्छे से करेंगे तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा आपका ग्रुप बना हुआ है दो हज़ार बाईस से पच्चीस के बच्चों का उसमें आप मेंबर बन सकते हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपकी आपको नोट्स चाहिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम हर लो सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करेंगे हर लो सब्जेक्ट में तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेचुरल हो उसको और अगर आपको हमारे फ्री लेक्चर अच्छे लगते हैं प्लीज़ आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करें कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज़ है आप जो मर्जी अमाउंट करें वो आपकी इच्छा है पर हाँ हमको मोटिवेशन मिलती है कि भाई हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न में मिल रहा है उसका हमें बच्चों को अच्छा लग रहा है बच्चे उसका हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं ये कंपल्सन तो नहीं हो सकती इन चीज़ों को लेके लेकिन हाँ ये आपका अपना मोरलिटी आपकी अपनी इनर कॉन्शियस है कि आप कितना आपको अच्छा लगा लेक्चर सुन के कितना आपको फायदा मिला कितना नहीं मिला क्या आपको बेनिफिट मिला ये बातें आप खुद डिटरमाइन करके डिसाइड कर सकते हो नैचुरो स्कूल तो बच्चों स्कूल जो है हर स्कूल का अपना अपना एक फोकस है नेचुरूल को हम डिवाइन लो भी बोलते हैं नेचुरल लो जो नेचुरल लो है ना बेसिकली उसको डिवाइन लो भी बोलते हैं उसको हम एक लो ऑफ रीजन लो ऑफ रीज़न लॉ ऑफ रीजन भी बोलते हैं इसको हम इसको हम नेचुरल लॉ को हम लॉ ऑफ रीजन भी बोलते हैं डिवाइन लॉ भी बोलते हैं इसको हम गॉड, भगवान का जो गॉड मेड लॉ भी बोलते हैं इसको हम इसको हम गॉड मेड लॉ भी बोलते हैं इसको हम अनरिटन लॉ भी बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं बेसिकली यूनिवर्सल लॉ और अनरिटन लॉ भी बोलते हैं देखो अगर मैं नेचुरल लो की बात करूं तो नेचुरो एक ऐसा लो है जो नेचुरली हमें सोसाइटी में एग्जिस्ट था पहले से नेचुरल लो स्कूल ये मानता है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि नेचर ने हमें वो लॉज दिए हैं ये मानता है कुछ लॉज ऐसे हैं जो जो कि लेजिस्लेशन से डिफरेंट होते हैं लेजिस्लेशन मतलब उसको कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाता उसे कोई कानून बनाने वाली बॉडी उसको नहीं बनाती कुछ लॉज ऐसे हैं जिसको कोई नहीं बनाएगा फिर भी वो लॉज होंगे आपको जीने का राइट है ना आज तो आर्टिकल तो 21 बोलता है सभी को जीने का राइट है अगर आर्टिकल 21 नहीं बोलता तो क्या आपको जीने का राइट नहीं होता जीने का राइट तो सभी को है भाई बाई नेचर से नेचर हमें राइट मिला हुआ है अगर हमें संसार में जीवन मिला है तो हमें जीने के लिए मिला है आप सभी को फ्रेश इन्वायरमेंट में रहने का राइट है आर्टिकल इक्कीस बात बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आर्टिकल इक्कीस ये राइट आपको नहीं देता तो क्या आपको फ्रेश हवा लेने का नहीं होता ये नेचुरल लो है नेचर ने दिया है ये कोई लेजिस्लेचर नहीं दे सकता कोई कन्वेंशनल कस्टम नहीं दे सकता कोई आपको uh, कोई अथॉरिटी नहीं दे सकती ये होता है नेचुरल लो नेचुर लो इज दैट लो विच इज फ्री फ्रॉम एनी मैन मेड लो विच इज नॉट इक्वल टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव लॉ विच इज विच नीड नॉट टू बी मेड बाई एनी अथॉरिटी विच इज इंपॉर्टेंट इन द आई ऑफ सोसाइटी नेचुरल लो स्कूल की बात करूं तो नेचरलो स्कूल जो था, लो स्कूल ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल था, था नेचुर आपको देखो हमारे ने किसी भी लॉ में लिखा नहीं हुआ है कि अगर कोई किसी के ऊपर किसी अगेंस्ट कंप्लेट करता है तो आपको उसको भी सुनना है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी गई है उसके बाद डिसीजन देना है मान लो मैं हूं ना मैं जाके किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करता हूं तो जिसको मैंने कंप्लेंट करी जज साहब को या किसी पुलिस वाले को पुलिस वाले मेरी बात मान के नहीं आ, उस बंदे को अरेस्ट कर लेंगे पहले उसको भी सुनेंगे कि भाई क्या हुआ था क्या डिस्प्यूट था ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि दोनों को सुना जाए दोनों पार्टी को सुना जाए फिर डिसीजन दिया जाए ये कहीं किसी लॉ में लिखा नहीं हुआ पर हम फॉलो करते हैं क्योंकि ये नेचुरल लॉ है क्योंकि ये नेचुरल लॉ है अगर कोई बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ तो मुझे जीने का राइट है कोई मुझे मार नहीं सकता तो ये मेरा नेचुरल लो है मुझे कोई नहीं मार सकता नेचुरल लो बेसिकली फोकस करता है इस चीज़ पे कि लो नेचर के जरिए दिया जाता है ये बेसिकली फोकस करता है मोरालिटी के ऊपर लो का मोरालिटी के साथ लिंक है लो का रिलीजन के साथ लिंक है लॉ का कस्टम के साथ लिंक है ये ये सारी बातें बोलता है क्योंकि नेचुरल लो वही लो है जो हमें कस्टम से मिलेगा कस्टमरी लो भी है एक तरह से क्योंकि कस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो नेचुरली सोसाइटी में अपने आप ही हम फॉलो कर रहे हैं कोई बनाता तो है नहीं उसको नेचुरलो वो लो है जो कोडिफिकेशन जो लेजिस्लेचर नहीं बनाता जो कोई कन्वेंशन से नहीं मिलता जो किसी प्रकार के कोई ट्रिटी से नहीं मिलता ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है अब मैं नेचुरल लो की बात करूँ तो इसमें पाँच फेसिस थे बच्चों पाँच फेसिस पाँच फेसिस इसमें बड़े महत्वपूर्ण है पहला फेसिस था इसमें एंशेंट पहला फेस था इसमें एंशियंट पीरियड ऑफ पहला था इसमें एंशियंट पीरियड ऑफ पहला इसमें एंशियट एंशियंट पीरियड ऑफ एंशियंट पीरियड ऑफ दूसरा जो पीरियड था वो था हमारा मेडिवल पीरियड ऑफ या मिडल मिडल फेस या पीरियड ऑफ नेचुरलो तीसरा जो इसका पीरियड था वो था मॉडर्न क्लासिकल मॉडर्न क्लासिकल पीरियड या फिर फेस ऑफ नेचुरलो चौथा जो था इसका पीरियड वो था मिडल मॉडर्न चौथा था डेक्लाइन Decline of natural philosophy, ऑफ natural law philosophy, और पांच में इसमें जो पीरियड था वो था हमारा और ये पाँच में मैं पांच में यहां लिख रहा हूँ ये चौथा आ गया ना पांचवा था बच्चे इसमें पाँचवा रिवाइवल ऑफ रिवाइवल ऑफ रिवाइवल ऑफ ये पांच प्रकार का पीरियड था बच्चों पाँच प्रकार पीरियड था पहला था एंशियंट पीरियड ऑफ दूसरा था मिडल फेज ऑफ नेचुरल लो फिर था मॉडर्न क्लासिकल फेस फिर डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लो फिर रिवाइवल ऑफ नेचुर हुआ क्या सबसे पहले एंशियंट पीरियड जो था एंशियंट पीरियड ऑफ नेचुरल लो पुराना पीरियड उसमें नेचुरल लो डेवलप हुआ डेवलप हुआ इसमें आपने चार नाम याद रखने हैं एक हैरा क्लिटस दूसरा सोक्रेट्स तीसरा प्लेटो चौथा एरिस्टोटल जो मिडल एज थी उसमें फिर नेचुरलों को डेवलप किया गया इसको डार कीरा बोलते हैं बच्चों डार कीरा ऑफ इसको डार कीरा बोलते हैं इसमें किसके नाम मेन है इसमें नाम मेन है हमारे सबसे पहले संत अगस्टाइन संत अगस्टाइन और दूसरा हमारे इसमें नाम आपने याद रखना है थॉमस एक्निस थॉमस एक्निस थोमस एक्नस जो मॉडर्न क्लासिकल ईरा था इसमें हमारे नाम आएंगे तीन चार नाम हमें याद रखने हैं एक है ह्यूगो ग्रोटियस, ह्यूगो ग्रोटियस पहला नाम आएगा इसमें दूसरा इसमें नाम आएगा हमारा थॉमस होप्स थॉमस होप्स उसके बाद जे जे रूसो जे जे रूसो अभी समझा दूंगा सारा क्या है ये तीसरा हॉब्स थ्रूसो एंड लोक जोहन लोक जोहन लोक और डेक्लाइन में नाम याद रखने हैं बच्चों ये नाम सारे जो मैं बताऊँ याद रखने पेपर में लिख कर आने हैं यही है मैं अमेरिका ने बाकी तो कहानी है सारी डेक्लाइन में आपने नाम याद रखना बैंथम बैंथम आस्टिन कैलसन कैल्सन ये इतने काफी हैं और अगला है हमारा रिवाइवल रिवाइवल में नाम याद रखना है रिवाइवल में अपने नाम याद रखना है जोहन रोल जॉन रोल एंड स्टेमर ये सारे नाम याद रखने तो बच्चों हुआ क्या सबसे पहले हरा क्लेटर्स ऐसे एंशंट पाँच सौ बीस ईस्वी में इन्होंने नेचुर लॉ की बात कर दी थी कि सोसाइटी में एक नेचुर लॉ होता है जो जो सभी को फॉलो करना पड़ता है और सभी को वो फॉलो करना भी चाहिए क्योंकि बाई नेचर वो लॉ हमें मिला है वो किसी अथॉरिटी ने नहीं बनाया किसी के अथॉरिटी के बना को बनाने की इसको जरूरत भी नहीं है सबसे पहले हरा क्लिटर्स ने ये बात बोली थी इसने बोला था लॉ की तीन स्टेजेस होती हैं तीन क्लासिफिकेशन इसने लोग की दी थी एक ऑर्डर एक रीज़न एक डेस्टिनी रीजन रीजन जो टर्म थी वो नेचुरल लॉ के ऊपर फोकस कर रही थी हैराटस के सोक्रेट्स आए सोकर जो थे इन्होंने काफी ज्यादा जो था बच्चों को पढ़ाया प्लेटो भी इनके स्टूडेंट थे सोक्रेट्स ने जो भी बातें बोली ना ये खुद लिख नहीं पाए उन बातों को पर बाद में प्लेटो ने सोक्रेट्स को फेमस किया प्लेटो ने सोक्रेट्स को फेमस किया ये बात याद रखना सोक्रेट्स ने क्या बोला सोक्रेट्स ने बोला कि जस्टिस दो प्रकार का होता है एक लीगल जस्टिस एक नेचुरल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस हमें नेचुरल लॉ से मिलता है नेचुरली जो हमें जस्टिस मिलता है नेचुरल लॉ से वो नेचुरल जस्टिस है ये सोक्रेट्स ने बात करी प्लेटो सोक्रेट्स के शिष्य थे याद रखना सोक्रेट्स वाज़ द टीचर प्लेटो वाज़ द डिसाइपल प्लेटो वाज़ अ टीचर एरिस्टोटल वाज़ अ डिसाइपल ऑफ प्लेटो ये तीनों ऐसे चलते हैं बच्चों सोक्रेट्स जो थे वो टीचर थे प्लेटो के प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के ठीक तो है तो हैकलेट्स ने सबसे पहले पाँच सौ बीस में बात करी थी एंशियंट पीरियड में सोक्रेट्स आए उन्हें नेचुरल जस्टिस की बात करी

कि जो नेचुरल नेचुर है वो रिलीजन के साथ लिंक करता है वाट एवर जो चर्च बोल रही है वो नेचुरल लो है तो यहाँ पे इसको डार्क किला बोला जाता है क्योंकि रिलीजन के साथ पहली बार यहाँ पे लिंक किया गया नेचुरल नेचुरलो को बाद में मॉडर्न क्लासिकल पीड़ा आया द्वारा से द्वारा से, से इन सेंस होने लगा पूर्ण जागरण होने लगा नेचुरल नेचुरलों का ह्यूगो ग्रोटियस आए थॉमस जे जे रूसो इन सभी नेचुरल नैचुर को द्वारा से डेवलप किया जो ह्यूगो ग्रोटियस थे उनको हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लो भी बोलते हैं उसके बाद डिक्लाइन हो गया फिर नेचुरल लॉ खत्म होने लग पड़ा क्यों खत्म होने लग पड़ा क्योंकि बैंथम आ गई बैंथम ने बोला नेचुरल लॉ कुछ नहीं है मोरालिटी अलग है लॉ अलग है इन्होंने फोकस किया लॉ एज इट इज के ऊपर इन्होंने फोकस किया पॉजिटिव लॉ के ऊपर बैंथम ने आस्टी ने कैल्सन ने इन्होंने बोला लॉ तो मोरालिटी से डिफरेंट है जो कैल्सन था इन्होंने इन, 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 इसमें भी यही बोला था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी थी कि लॉ अलग है सोशल साइंस मोरालिटी रिलीजन अलग चीजें हैं मतलब इस स्कूल में क्या हुआ ये जो बैंथम के टाइम के थे अगस्त टाइम आसनी आग, के टाइम के लोग थे या कैल्सन थे इन्होंने क्या फोकस किया कि नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता मोरालिटी अलग चीज़ है लॉ अलग चीज़ है नेचुरल लॉ जो है वो मोरालिटी होगी रिलीजन होगा कस्टम होगा पर वो लॉ नहीं है पॉजिटिव लो होता है लो तो पॉजिटिव लो है लो मेड बाय ह्यूमन बीइंग नॉट बाय नेचर यहां पे नेचुरल लो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया खत्म हो गया पर दोबारा से फिर रिवाइवल किया गया बाय द एफर्ट्स ऑफ जोहन लो जोहन रोल एंड स्टैमलर स्टैमलर ने एक थ्योरी दी स्टैमलर ने बुक लिखी नेचुरल लो विद वेरिएबल कंटेंट्स इन्हें बोला नेचुरल लो के बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं नेचुरल सोसाइटी में वेरी करता है और जोहन हाँ रोल ने थ्योरी दी थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसमें उन्होंने ग्लोबल जस्टिस की बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करी लोकल जस्टिस की बात करी तो ऐसे करके इन्होंने बेसिकली नेचुरल लॉ को द्वारा से रिवाइव किया तो ये सारा नेचुरल लॉ के ऊपर आपको मैंने छोटा सा बताया आई होप आपको समझ आया होगा और मैक्सिमम हमारी कवर हो गई हैं बच्चों आई होप आपको लेक्चर सारा अच्छा लग समझ आ गया होगा मैं आपको थोड़ा सा जो नेचुरलो के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही बता देता हूँ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो मैं छोड़ना नहीं चाहता ताकि आपको पता चल जाए क्या क्वेश्चन आए हुए हैं नेचुरलो के नेचुरल लो के क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल नेचुर क्या इंपॉर्टेंस है दोनों चार नंबर में आया हुआ है तो नेचुरल इंपोर्टेंस ये थी कि नेचुरल नेचुरल लो की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है स्कूल की नहीं तो नेचुरल नेचुर की इंपोर्टेंस ये है कि नेचुर हमें नेचर से मिलता है किसी अथॉरिटी के बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ये वे वो लो है जो सोसाइटी में सभी लोग फॉलो करते हैं जो ह्यूमन बींग मानते हैं कि लो हमने फॉलो करना है तो ऐसा लो ऐसा लो है जो नेचुरल नेचुरलो ऐसा लो है जो सोसाइटी में सभी लोग मानते हैं जब सभी लोग मानेंगे तो इक्वलिटी आएगी लिबर्टी आएगी फ्रेडनिटी आएगी लो कोई ना बनाए फिर भी हमारा नेचुरलो का महत्व तो है ही ना तो नेचुरलो के बारे में आप जर्नल ये लिख सकते हो आगे हुआ कि वट इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल नेचुरलो बीस नंबर में नेचुरल नेचुरलो कंसेप्ट क्या है तो कंसेप्ट में आप सारा लिखोगे कैसे कैसे ये डेवलप हुआ कैसे ये डिक्लाइन हुआ कैसे रिवाइवल हुआ क्वेश्चन रिवाइवल के ऊपर आ सकता है डिक्लाइन के ऊपर भी आ सकता है डिक्लाइन होगा तो बैंथम के बारे में पता सारा लिख देना औस्थन के बारे में पता सारा लिख देना कैल्सन के बारे में पता सारा लिख देना रिवाइवल आएगा जोन रोल के बारे में बताया थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी अगर रिवाइवल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जो रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया थ्योरी ऑफ जस्टिस इसमें ना एक और नाम है, fuller. Fuller नाम है लिखो हार्ट फुलर हार्ट की डिबेट थी मोरालिटी के ऊपर लेकर चलो ये बातें वैसे इसमें आएंगी नहीं पर आप इसमें लिख सकते हो लो तो ऐसा जिसको आपस आप में आप साइंथेसिस करके लिख सकते हो बनाकर मिक्सचर करके यहाँ पे तो आपको समझ आइए क्या लिखना है आपने और यहाँ पर स्टैमलर ने एक बुक लिखी थी नेचुरलो विद वेरिएबल कंटेंट ये आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या वो बुक थी कि सोसाइटी के साथ साथ नैरलो भी डेवलप हो होता है विकास उसका होता है ये सारी बातें आप लिख सकते हो बच्चों आपको अगर सिस्टमेटिक मैनर में नोट्स चाहिए फिर से बोलूँगा ये सारा टॉपिक जो है मैंने वो कम से कम सात पेजेस में लिखा है तो मैं इतनी चीज़ें बता नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी भी पड़ेंगी समझनी भी पड़ेंगी याद भी करनी पड़ेगी मेमोराइज भी करना पड़ेगा मैंने आपको मेन मेरी ईरा बता दिया सारा सारा हमारा नेचुरल भी ख़त्म हो गया बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा हमारा पूरा जो स्टूडेंट्स खत्म हो गया इसमें अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आपको बाकी का पार्ट चाहिए जिसमें पोजेशन एक्शन ऑनरशिप लीगल पर्सनैलिटी राइट्स ड्यूटीज और बाकी जो भी टॉपिक हैं सोर्सेज ऑफ जू स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ लॉ और लाइबिलिटी ऑब्लीगेशन प्रॉपर्टी जस्टिस बाकी जो टॉपिक है इनके ऊपर आपको लेक्चर चाहिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं हमारी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आपको लेक्चर मिल जाएगा और आपका फिर पूरा जू स्टूडेंस कवर हो जाएगा तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा आपको आप लोगों ने साथ दिया एक बार देखूँ आप लोगों के कमेंट्स अब क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के खत्म करने से पहले आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा थोड़े से प्लीज मुझे आप क्वेश्चन लिख के भेजिए जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो बताइए हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन नोट्स नोट्स में फिफ्टी एट पेजेस हैं हमारे पास दो पारे नोट्स होते हैं शॉर्ट भी हैं लॉन्ग भी हैं टू हंड्रेड समथिंग पेजेस के भी हैं वो बहुत लेंथी हैं पेपर पास में है फिफ्टी एट पेजेस वाले इनफ रहेंगे आई थिंक सो वेरी नाइस सेशन थैंक यू रीता मतलब इंडियन लीगल थ्योरी नहीं आई क्या सिलेबस में इंडियन लीगल थ्योरी आपके सिलेबस में है ही नहीं आ, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बस जो जू स्पूडेंस का सी का उसमें है नहीं ये बाकी अगर आपको इसके लिए चाहिए तो आप अलग से सेशन ले सकते हैं वेरी थैंक यू सुरेश चंद्र अग्रवाल जी थैंक यू सो मच बच्चों थैंक यू सो मच आपके ये सारे मैसेज मुझे मोटिवेट कर रहे हैं मन कर रहा है कि एक और सेशन शुरू कर दूँ किसी नए सब्जेक्ट का तो इसलिए खुशी होती है जब बंदा ऐसा कोई अप्रिशिएट करता है चलो ठीक है स्टूडेंट्स अब मुझे आप क्वेश्चन बताइए जो क्वेश्चन है आपके बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे प्लीज क्वेश्चन बताइए थैंक यू सो मच सी सी बी फकौन बटरी बचुप फोर परसेंट बैटरी बची है फटाफट क्वेश्चन बता दो अभी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा क्वेश्चन आपके रुक जाएंगे लव फ्रॉम पाकि लव फ्रॉम इंडिया लव फ्रॉम इंडिया ब्यूटी ऑफ क्वेटा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मुनीष आप भी आ जाओ थोड़ा सा बच्चों को दिखा दो अपने बारे में मुनीश सर भी वहाँ पे काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं जब नेट चल चला जा रहा था तो फटाफट जाके उसको राउटर को ठीक कर रहे थे काफ़ी हेल्प इन्होंने करी मुझे बता रहे थे लेक्चर चला नेट चला गया नेट आ गया तो उन्होंने लगातार साथ दिया पानी मेरे ले कर आ रहे थे बीच में खाना मेरे लेकर आ गए है बाहर से जाकर अभी इनको पता है भी मुकेश सर लेट हो जाएंगे खाना मैं लेकर आ जाता हूँ तो थैंक यू सो मच मुनीश सर इतने कोऑपरेशन के लिए तो बच्चों आपसे फिर से लास्ट में हम दोनों ट्विंस ब्रदर हैं इसलिए मेरे चैनल का नाम लोक द ट्विंस भी है इट हैल्स मी लोड एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो आप लोगों को बताना चाहूँगा सर नाम कैसे याद रख सकते हैं कि कौन जूरिस्ट कौन से स्कूल में प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए लगातार पढ़ो लगातार सुन लेक्चर दो बार सुन लोगे लेक्चर तो हो जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो बच्चों लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा फिर से कि आपको नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए लेक्चर चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा फ्री लेक्चर अच्छा लगा है हमारे एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होते हैं तो आप आफ्टर एग्जाम या बिफोर एग्जाम हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे गूगल पे नंबर नाइन एट वन डबल सिक्स थ्री फोर टू सेवन सिक्स एट टू वन नाइन एट टू जीरो फोर सिक्स वन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहे होंगे नंबर साइय दोनों आप इसमें हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं उसके बाद आ, नोट्स दे देना हाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको सुबह जी मैंने आपको बता दिया नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए आप नोट्स हमारे पेड हैं मैंने आपको पहले बता दिया तो अगर आपको नोट्स लेने में आप कंफर्टेबल आप ले सकते हैं उसके बाद टोर का लेक्चर भी लीजिएगा विल ट्राई विल ट्राई विल ट्राई मुन्हीं से कुछ बोलना चाहेंगे हाँ थैंक यू सो मच गाइस आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को ज्वाइन किया बस यही बोलूंगा कि वीडियो अगर आपको लाइक लगी हो अच्छी लगी हो मनी थैंक यू सो मच लाइक कर दें और साथ में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है उनका अपने तह दिल से आ, स्वा वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ उनका मैं और साथ में यही बोलूँगा कि आप आगे फ्यूचर में जो भी बैच 2022 के बच्चे हैं सी एस एस यू के वो तो ज्वाइन पक्का कर लें बैच क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है और जो अलग यूनिवर्सिटीज़ की हैं जैसे KU के यू है, के हैं एच पी यू के हैं डी यू के हैं पी यू के हैं वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं उनके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं लेक्चर भी अवेलेबल हैं सारे बच्चे हमें ना, ना, मैसेज कर सकते हैं हमने अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखे हुए हैं आप इनको सेव कर लें लो ट्विन्स के नाम से फ्यूचर में कभी भी लो के रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप कभी भी याद कर सकते हैं मोहित सरकाल माई स्टूडेंट गॉड ब्लेस यू बच्चे गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच जो भी आ, हमें देख रहा है जो भी हमें सपोर्ट कर रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है अपना प्यार बरसाएं अपना प्यार देते रहें हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके बने हुए वहाँ शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें देख सकें क्योंकि आप देख ही होंगे अभी भी बड़े कम बच्चों ने ज्वाइन किया नाइन्टी बच्चे ज्वाइन करके बैठे हुए हैं सभी बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए यही बोलूंगा मैं बाकी थैंक यू सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नए सेशन में कीप अस गुड बाय ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट क्वेश्चन आए नहीं किसी बच्चे के नाउ आई एम लिविंग द सेशन थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी मैंने बताया कोई भी यूनिवर्सिटी हो यू कैन कॉन्टैक्ट एन यूनिवर्सिटी एम एस यू एच पी यू सी सी एस यू इकफाई यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोई भी और लेक्चर सेव करने की पूरी कोशिश करेंगे अभी हम जाएंगे साइबर कैफे में और कोशिश करेंगे अभी सेव इसको कर दें नेटवर्क का इशू आपने खुद देख लिया कितना बीच में बफरिंग कर रहा था हम कोशिश करेंगे हम अभी इसको सेव करें थैंक यू सो मच लिविंग लो लिविंग लो एक ऐसा लो जो एक्चुअल में, में रहता है एक्सरसाइज होता है तो एहलिंग ने कंसेप्ट दिया था इसका मतलब होता है लो ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी में एक्चुअल में काम करे सोसाइटी के लोगों के लिए काम बने सोसाइटी में एक्चुअल में वर्क करे वो होता है लिविंग लोटे बस

सोशल मीडिया में हम डालते रहते हैं इंपोर्टेंट पूरे पॉइंट हम डालते रहते हैं इंपोर्टेंट जो हम कब कब लेक्स पे लाइव आ रहे हैं कब क्या कर रहे हैं अपनी नोटिफिकेशन तो ये जरूर आप ज्वाइन कर लें सभी के सभी आपके लिए हेल्पफुल होगा सारा फ्यूचर में आने वाले और ब्लॉग विथ ट्विंस हमारा एक चैनल है बच्चों ये तो आपको मैं बता देता हूं ब्लॉग विथ ट्विन हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग डेली लाइफ के ब्लॉग्स बनाते हैं मुकेश मुनि सर दोनों तो आप हमारे ब्लॉग की में जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें प्यार दें अपना और हमारे ब्लॉग्स देखें थैंक यू सो मच की स्पोर्टिंग शुभरात्रि